स्पेशल क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ने चल रहे हैं भारतीय कृषि। संपूर्ण एक वीडियो में संपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे। खासकर आरओ प्री मेंस 2023 एग्जाम के लिए, जो 11 फरवरी को प्रीलिम्स होना है, पीसीएस 2023 के लिए स्पेशल वीडियो होगा ये। डायरेक्ट एग्रीकल्चर से आप देखेंगे तो 5-6 प्रश्न आएंगे, लेकिन आरओ में प्रश्न ज्यादा आते हैं। अगर इसमें भूगोल को थोड़ा हम कवर कर लेंगे तो ये कम से कम 8-9 प्रश्न आएगा। तो इस वीडियो में आपको संपूर्ण भारतीय कृषि देखने को मिलेगी, जो आपके एग्जाम के लिए, प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। 2.5 से 3 घंटे का वीडियो होगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में आपको जरूर मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, खेती की विशिष्ट प्रणालियां। यहीं से शुरुआत करते हैं। खेती की विशिष्ट प्रणालियां पहला पॉइंट है। पहली खेती जो लिखी हुई है वो है विटीकल्चर। व्यापारिक स्तर पर अंगूर की जो खेती की जाती है, अंगूर की जो कृषि की जाती है, उसको विटीकल्चर बोलते हैं। व्यापारिक स्तर पर अंगूर की कृषि करना। पिसीकल्चर क्या कहते हैं? मछली पालन को पिसीकल्चर कहते हैं, या मत्स्य पालन को पिसीकल्चर के नाम से जाना जाता है। अगला है हॉर्टिकल्चर। व्यापारिक स्तर पर किए जाने वाले फल, सब्जी, पुष्पों का अध्ययन जो है वो हॉर्टिकल्चर कहलाता है। व्यापारिक स्तर पर फलों की खेती, सब्जियों की खेती, पुष्पों का उत्पादन, उनका संवर्धन भी शामिल होता है, क्योंकि कल्चर लगा हुआ है। ठीक है, ऐसे आर्बोरिकल्चर है, विशेष प्रकार के वृक्षों झाड़ियों की कृषि जिसमें उनका संरक्षण और संवर्धन भी शामिल है। विशेष प्रकार के वृक्षों और झाड़ियों का की खेती और उनका संवर्धन जो है आर्बोरी कल्चर के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला सिल्वी कल्चर। सिल्वी कल्चर वनों के संरक्षण और संवर्धन से संबंधित है। वनों के संरक्षण और संवर्धन से संबंधित है, सिल्वी कल्चर बोलते हैं। अगला है नोमोरी कल्चर। यह आदम व्यवस्था की एक कृषि है जिसमें मनुष्य द्वारा जंगलों में फल, फूल, जड़ी बूटी आदि का संग्रह किया जाता है, उसको नोमोरी कल्चर के नाम से जानते हैं। अगला है ओलेरी कल्चर। इसको आप सब्जी विज्ञान भी कहते हैं, सब्जी संवर्धन भी कह सकते हैं। आगे पढ़ लीजिए, जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की व्यापारिक कृषि इसके अंतर्गत आती है। मेरी कल्चर क्या है? व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु समुद्री जीवों, किसका? समुद्री जीवों के उत्पादन की क्रिया को मेरी कल्चर बोलते हैं। हॉर्सिकल्चर हार से संबंधित है, सवारी और यातायात के लिए उन्नत प्रजाति के घोड़े एवं खच्चर व्यापारिक स्तर पर पाले जाएं, उसको कहा जाता है हॉर्सिकल्चर। आगे चलते हैं। स्टॉक फार्मिंग क्या होती है? पशु प्रजनन जो फार्म होते हैं उनको स्टॉक फार्मिंग कहा जाता है। सस्य विज्ञान यानी एग्रोनॉमी किसको कहते हैं? फसल उत्पादन और भूमि प्रबंधन के सिद्धांतों और क्रियाओं का अध्ययन जो किया जाता है उसको एग्रोनॉमी बोलते हैं या सस्य विज्ञान बोलते हैं। फसल उत्पादन और भूमि प्रबंधन के जो सिद्धांत हैं, क्रियाएं हैं, इनके अध्ययन को एग्रोनॉमी बोलते हैं। अगला है मौसम विज्ञान, जिसको क्लाइमेटोलॉजी बोला जाता है। पृथ्वी पर मौसम को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन क्लाइमेटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला है कीट विज्ञान, जिसको इंग्लिश में एंटमोलॉजी कहते हैं। आपसे प्रश्न में एंटमोलॉजी ही पूछेगा। कीट पतंगों का जब अध्ययन होता है उसको एंटमोलॉजी बोलते हैं। अगला है पेडोलॉजी, ये पेडोलॉजी है। पेडोलॉजी क्या है? मृदा से संबंधित कारकों का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। अगला है एपिकल्चर, मधुमक्खी पालन का जो अध्ययन किया जाता है उसको एपिकल्चर कहते हैं। एपिकल्चर मतलब मधुमक्खी पालन। आगे चलते हैं फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर क्या है? फूलों का अध्ययन फ्लोरिकल्चर कहलाता है। फूलों का अध्ययन, उनका संवर्धन जो है फ्लोरिकल्चर। पोमोलॉजी फलों की कृषिका का अध्ययन, फलों की कृषिका अध्ययन करते हैं उनको, उसके संवर्धन से संबंधित ये नहीं है क्योंकि लॉजी है, तो हम कहेंगे फलों की कृषिका अध्ययन। अगर कल्चर लगा होता तो संवर्धन लगता। सेरिकल्चर रेशम उत्पादन विज्ञान को सेरिकल्चर कहते हैं। ओलविकल्चर, ओलिव मतलब जैतून होता है, ठीक है, तो जैतून की कृषि का अध्ययन है। अगला देखिए बेजी कल्चर, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में की गई वनों में सर्वप्रथम खेती को बेजी कल्चर के नाम से जानते हैं। अगला है सिट्री कल्चर है, ये सिट्री कल्चर है। नींबू वर्ग के जितने फल हैं, संतरा है, मौसमी है, जितने हैं वो सब का अध्ययन या खेती जो है वो क्या कहलाती है? सिट्री कल्चर कहलाती है। नींबू वंश के सभी फलों की का अध्ययन करना, उनका संवर्धन करना, खेती करना, ये सब सिट्री कल्चर कहलाता है।
देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की स्थापना की गई 1950 में, केंद्रीय भंडारागार निगम की स्थापना हुई 1957 में, भारतीय खाद्य निगम FCI की स्थापना हुई है 1965 में, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना 1965 में हुई लेकिन इसका नाम बदलकर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कर दिया गया 1985 में, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत 1997 में हुई। ध्यान रखिएगा यहां से प्रश्न आने की संभावना रहेगी। अब देखिए हमने पहले ही कहा कि प्रीवियस ईयर आए प्रश्नों को भी कवर किया जाएगा। तो जैसे प्रश्न पूछा गया था मैग्नीज की कमी से होने वाला रोग है, उसमें रोग का नाम लिखा हुआ था, मटर में जो मार्स रोग है वो मैग्नीज की कमी से होता है। तो अब हम देख लेते हैं कमी से होने वाले रोग। जैसे मैग्नीज की कमी से सलजम में वाटर कोर नामक रोग होता है, मैग्नीज की कमी से मटर में मार्स रोग होता है, मैग्नीज की कमी से चुकंदर में चित्रीदार पीला रोग हो जाता है, ऐसे मॉलिब्डेनम की कमी से फूलगोभी में फिपटेल होती है, नाइट्रोजन की कमी होने से फूलगोभी में बटनिंग होती है, बोरान की कमी से फूलगोभी में ब्राउनिंग हो जाती है, कैल्शियम की कमी से गाजर में कैविटी स्पॉट पड़ जाता है, भंडारण में अगर O2 की कमी है तो आलू का ब्लैक हार्ट रोग जो हरी आलू हो जाती है वो हो जाता है अगर O2 की कमी है भंडारण में। तो चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है मौसम सूचक यंत्र। पहला है वायु वेग मापी, हिंदी में नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा एनीमी मोटर, वायु वेग मापी है, वायु की गति मापी जाती है। ऐसे विंड क्लॉक पूछेगा, दिशा वायु दिशा सूचक यंत्र है, वायु की दिशा को ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आर्द्रता मापी, ये हाइड्रो नहीं, ये हाइग्रोमीटर है, वायु में आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापी का यूज करते हैं, हाइग्रोमीटर आपसे पूछेगा। सिक्सेस थर्मामीटर या सिक्सेस तापमापी, अधिकतम और न्यूनतम तापमान मापन के लिए सिक्सेस थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर जिसको वायुदाब मापी कहते हैं, वायुदाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये सब आपको इंग्लिश में पूछेगा। जैसे रेन गेज पूछेगा, वर्षा मापी होता है, नियत समय में होने वाली वर्षा का मापन करने के लिए। ऑक्सेनोमीटर क्या है, पौधों की वृद्धि मापन, ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, आरओआरओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ऑक्सेनोमीटर, पौधों में वृद्धि का मापक, क्या कहलाता है ऑक्सेनोमीटर। हाइड्रोमीटर ये वाला है, वो ऊपर वाला हाइग्रो था, ध्यान रखिए पहले भी बता चुके हैं, जल का विशिष्ट घनत्व तो मापन में इसका प्रयोग किया जाता है, विशिष्ट घनत्व तो मापा जाता है हाइग्रोमीटर से। हिप्सोमीटर अक्षांश मापी यंत्र है, जिससे अक्षांश को मापा जाता है। टेंसियोमीटर क्या है, मृदा में जल के तनाव को मापता है, मृदा में जल का तनाव क्या है, डेंसिटी कितनी है, उसको मापने के लिए टेंसियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, उर्वरक उनका मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है, उर्वरक आगे हम पढ़ेंगे लेकिन उर्वरक उनका मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। यहां से प्रश्न आता है, इधर उर्वरक दिया है, मृदा पर प्रभाव, यूरिया अगर आप खेत में डालते हैं तो मृदा पर कैसा प्रभाव छोड़ेगा, वो अम्लीय प्रभाव छोड़ेगा। अमोनियम सल्फेट डालते हैं तो अम्लीय प्रभाव है, अमोनियम नाइट्रेट डालेंगे तो क्षारीय। जितने नाइट्रेट आप डाल रहे हैं ये तीनों देख रहे हैं, अमोनियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, कैसा प्रभाव छोड़ रहे हैं, क्षारीय प्रभाव छोड़ रहे हैं। आगे चलिए, अमोनियम क्लोराइड डाल दीजिए, निर्जल अमोनिया डालेंगे तो आपको अम्लीय प्रभाव देखने को मिलेगा। सिंगल सुपरफास्फेट अगर डालते हैं तो उदासीन प्रभाव देखने को मिलेगा, ना अम्लीय होगा ना क्षारीय होगा। ट्रिपल सुपरफास्फेट डालेंगे तब आपको अम्लीय प्रभाव देखने को मिलेगा। डाई कैल्शियम डालेंगे तो अम्लीय प्रभाव देखने को मिलेगा। रॉक फास्फेट डालेंगे तो आपको क्षारीय प्रभाव देखने को मिल जाएगा। बहुत अच्छे से वीडियो को मतलब PDF को बनाया गया है, एक एक चीजें चुनकर जहां से प्रश्न आने की पूरी संभावना रहती है वो बनाया गया है। तो अच्छे से ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, PDF डाउनलोड कीजिएगा, वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर PDF में कहीं गलती होती है तो वीडियो में सुधारा जा सकता है, PDF में बाद में सुधरता नहीं है। चलिए कुछ क्रांतियां देख लेते हैं, रिवोल्यूशन जो हुए, जैसे हरित क्रांति है, ग्रीन रिवोल्यूशन बोलते हैं। खाद्यान्न खाद्य पदार्थों से संबंधित था। श्वेत क्रांति दूध एवं दुग्ध उत्पादन से संबंधित। पीली क्रांति खाद्य तेल और तिलहन से संबंधित थी। ऐसे नीली क्रांति मत्स्य या मछली उत्पादन से। भूरी क्रांति खाद्य एवं उर्वरक से संबंधित थी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि उर्वरक से संबंधित तो जो फसलों की किस्में हैं उससे आरओ में खूब प्रश्न आता है। सुनहरी क्रांति फल एवं सब्जी उत्पादन से संबंधित था, गोल्डन रेवोल्यूशन बोलते हैं। काली क्रांति इंपॉर्टेंट है, पेट्रोलियम से संबंधित है। गोल क्रांति आलू से संबंधित है। लाल क्रांति मांस और टमाटर दोनों से संबंधित है। गुलाबी क्रांति प्याज के उत्पादन से संबंधित क्रांति थी। चलिए अगला भारत की बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, अगला है वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा,
ठीक है, आने की संभावना प्रश्न यहां से रहेगी। प्रमुख स्थानांतरशील कृषि, जो खेती स्थानांतरशील होती है उनकी प्रणालियों की बात करेंगे। जैसे झूम कृषि नागालैंड में प्रचलित है, पोनम है, पोदू है, ये केरल में प्रचलित है। ऐसे बेवार जो खेती है किस्म है, स्थानांतरणीय है, कहाँ पे? आंध्र प्रदेश उड़ीसा में फेमस है। मसान है, पैडा है या पैडा है, बीरा है, दहिया है, ये सब मध्य प्रदेश की स्थानांतरित खेती है। खील हिमाचल प्रदेश की स्थानांतरित खेती है। कुमारी पश्चिमी घाट की प्रमुख स्थानांतरित खेती है। बलरा का राजस्थान की, बलरा प्रमुख राजस्थान की स्थानांतरित खेती है। तो आपने ये सारी खेती देख ली और राज्य एक साथ देख लिए, तो इनको जरूर याद कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला, मिश्रित फसल किसको कहते हैं? पूछा जाता है एक ही ऋतु में, एक ही खेत में एक से अधिक फसल का होना मिश्रित, जैसे गेहूं चना साथ में बोना, गेहूं जौ साथ में बोना, इसको मिश्रित फसल कहते हैं। एक ही ऋतु में, एक ही खेत में एक से अधिक फसल का बोना, होना लिखा है वो बोना है, क्या है? बोना, बुआई करना मतलब, ठीक है। अगला, सहचरी फसलें किसको कहते हैं? इनमें क्या होता है, सहचरी मतलब साथ साथ उगने वाली फसलें, बीज अलग अलग पंक्ति में बोए जाते हैं, एक पंक्ति में बीज, चार पांच पंक्ति किसी एक की बो दी, फिर चार पांच पंक्ति दूसरे किसी फसल की बो दी, उसको कहते हैं सहचरी फसलें। जैसे अरहर के पंक्तियों के बीच मूंगफली की पांच पंक्ति अगर हम डाल देते हैं उसको सहचरी, मतलब पांच मूंगफली की पंक्तियां डालेंगे, फिर अरहर की एक पंक्ति डाल दिए, फिर पांच मूंगफली की पंक्तियां डाले, फिर एक अरहर की डाल दिए, तो इनको सहचरी कृषि के नाम से जानते हैं। रक्षक फसलें किसको कहते हैं? मतलब अंदर वाली फसल की रक्षा करने के लिए बनाई जाती हैं, मतलब मुख्य फसल बीच में बोई जाती है, किनारे किनारे जो है रक्षक फसलें बोई जाती है। जैसे गन्ना के चारों ओर पटसन बो देना, गन्ने को बचाने के लिए चारों ओर पटसन बोलते हैं, तो वो ज्यादा बड़ा हो जाता है, उसकी रक्षा करता है। सहायक फसलें किसको कहते हैं? जैसे बरसीम के साथ सरसों बोल देना, ये सहायक है, ये रक्षक है। बरसीम के साथ सरसों क्या है? सहायक फसल है, ध्यान रखिएगा। अगला, बहुफसली खेती किसको कहते हैं? एक खेत में एक वर्ष में दो तीन फसल का उत्पादन कर लेना बहुफसली खेती कहलाता है। इसके कुछ प्रकार हैं, जैसे क्या हो सकता है, रिले क्रॉपिंग बहुफसली का प्रकार है, एक वर्ष में चार फसल उगाना रिले क्रॉपिंग कहलाता है। ओवरलैपिंग क्या होती है? ओवरलैपिंग क्रॉपिंग क्या होती है? एक फसल काटने से पहले दूसरी फसल बो देना ओवरलैपिंग है। अंतरवर्षीय खेती क्या है? दो फसलों को एक साथ एक खेत में उगाना, ये क्या है? अंतरवर्षीय खेती है। ये सब बहुफसली खेती के तीन प्रकार आप देख रहे हैं, रिले, ओवरलैपिंग, अंतरवर्षीय खेती। आगे, प्रमुख कृषि पुरस्कार देख लीजिए। बोरलाग पुरस्कार कोरोमंडल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के द्वारा दिया जाता है। कुरियन पुरस्कार राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल में है, उसके द्वारा दिया जाता है। वोयर्मा पुरस्कार विश्व खाद्य संगठन के द्वारा दिया जाता है। गोपाल रत्न दिया जाता है भारत सरकार के द्वारा। कृषि पंडित पुरस्कार ICAR के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? ICAR के द्वारा। और ये सभी, सरदार पटेल भी ICAR के द्वारा, लाल बहादुर शास्त्री भी ICAR के द्वारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी ICAR के द्वारा, स्वामी सहजानंद पुरस्कार भी ICAR के द्वारा। तो यहां से कृषि पंडित से लेकर स्वामी सहजानंद तक ये ICAR के द्वारा पुरस्कार दिए जाते हैं। गोपाल रत्न भारत सरकार देती है। निर्मल ग्राम पुरस्कार भी भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। आपने पुरस्कार को भी देख लिया। अगले पॉइंट पे चलते हैं। बकरी की प्रमुख किस्में जो खूब पूछा जाता है, आरओ में तो खूब जम के पूछता है। बकरी की जमुनापारी किस्म है, बड़ी फेमस है, अलवरी है, सानेन है, नुब्रियन, ये सब बकरी की प्रमुख किस्में हैं, चाहे जमुनापारी हो, अलवरी हो, सानेन हो, नुब्रियन हो, जमुनापारी पूछी गई है। सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की कृष्ण है जमुनापारी, यही है जमुनापारी लिखा है, जमुनापारी है। अंगोरा बकरी जो होती है इसका जन्म स्थान एशिया है और ऊन के लिए ये प्रसिद्ध है। चलिए, भेड़ की किस्में कौन कौन सी हैं? लोही भेड़ की किस्म है, कच्छी भेड़ की किस्म है, बीकानेरी भेड़ की किस्म है, जालौनी है, चोकला है, भाकरवाल है, ये सब भेड़ की प्रमुख किस्में हैं। भेड़ की एक किस्म है मेरिनो, जो उच्च किस्म की का उन उत्पादन करने के लिए मशहूर है, मेरिनो भेड़। लिस्टर है, मांस उत्पादन के लिए बड़ी फेमस है और यूरोपियन कंट्रीज में इसका खूब होता है। तो लिस्टर भी भेड़ की किस्म है, मेरिनो भी भेड़ की किस्म है, लोही, कच्छी, बीकानेरी, जालौनी, चोकला, भकरवाल, ये सभी जो है भेड़ की प्रमुख किस्में हैं। आगे आइए,
गाय की प्रमुख किस्मों को देख लीजिए एक बार। कांकरेज गाय की एक किस्म है और गाय की सबसे भारी किस्म है, सबसे ज्यादा भारी किस्म जो है कांकरेज है गाय की। बाकी साहिवाल है, दुधारू गाय है। हरियाणा द्विकाजी है। नागौरी जो है भारवाही है, ठीक है। साहिवाल हो गया, लाल सिंधी हो गया, देवानी हो गया, गरनासी हो गया, थारपारकर हो गया, मेवाती हो गया, निमाड़ी हो गया, जरासिंध हो गया, ये सब प्रमुख जो है गाय की किस्में हैं। चाहे साहिवाल आप नाम सुने ही होंगे, लाल सिंधी का भी नाम आपने सुना होगा, देवानी, गरनासी, थारपारकर का भी नाम खूब फेमस है, मेवाती है, निमाड़ी है, जरासिंध, ये सब किस्में हैं। लेकिन साहिवाल दुधारू किस्म है, हरियाणवी द्विकाजी है, नागौरी भारवाही प्रजाति है, ये ध्यान रखिएगा। भैंस की किस्मों में जिसका नाम मुर्रा भदावरी, हमारे यहाँ गाँव में तो खूब फेमस है मुर्रा भदावरी, मुर्रा तो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। तराई किस्म है, सुरती है, नागपुरी है, मेहसाड़ा है, जाफराबादी है, कालाहारी है, ये सब भैंस की किस्में हैं। बैठ के आपको दो तीन बार पढ़ लेंगे तो वहाँ टिक आप सही करके आ जाएंगे, कन्फर्म। बहुत जरूरी नहीं है कि आप एकांत में बैठ के याद ही कर डालें, दो तीन बार अच्छे से चाहे वीडियो देख लीजिएगा। मुर्रा भदावरी जो फेमस है, बाकी तराई, सुरती, नागपुरी, मेहसाड़ा, जाफराबादी भी फेमस बहुत ज़्यादा है, कालाहारी, ये सब भैंस में की किस्में हैं। आइए प्रमुख रोग देखते हैं, खूब पूछा जाता है कौन सा रोग है। देखिए धान में कौन कौन सा रोग होता है, पत्ती का पूरा भूरा धब्बा रोग होता है। पत्ती का भूरा धब्बा जो रोग है वो कहां होता है, धान में। जीवाणु झुलसा कहां पे होता है, धान में होता है। सीत झुलसा, सीत ब्लाइट बोलते हैं, ये बैक्टीरिया ब्लाइट बोलते हैं। झोंका ब्लास्ट जिसको बोलते हैं, ये धान की महत्वपूर्ण किस्म है और वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। खैरा धान की किस्म है, बहुत महत्वपूर्ण है, जस्ता की कमी से होता है, आगे आप देखेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे झोंका खैरा का डिटेल नहीं दिया है, आगे आप यहाँ पे पहले रोग पढ़ लीजिए। तो जीवाणु झुलसा, सीत झुलसा, झोंका, खैरा, ये तो जरूर याद रखिएगा। झोंका और खैरा किससे होते हैं, किस में होते हैं, धान में होते हैं। आगे गेहूं की सबसे बड़ी बीमारी करनाल बंट है, इसके बारे में भी आगे देखेंगे किससे होती है। अनावृत कंडुआ, लूज स्मट बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है। सेहूं बहुत ही महत्वपूर्ण है, गेहूं का प्रमुख रोग है। झुलसा जिसको अल्टरनेलिया ब्लाइट कहते हैं, ये गेहूं का है। गेरुआ जिसको रस्ट बोलते हैं, तो यहां पे जो इंपॉर्टेंट है वो है करनाल बंट, ये बहुत पूछा गया है। अगला रस्ट रोग पूछा जाता है, सीधे इंग्लिश में पूछेगा आपसे, ये गेरुआ नहीं पूछेगा। और सेहूं, ये तीन प्रमुख गेहूं के जो हैं वो क्या हैं, रोग हैं। अनावृत लूज स्मट भी कभी कभी पूछा गया, अल्टरनेरिया ब्लाइट भी पूछा गया, इसलिए यहाँ पे डाल दिया गया है। पेपर में यूपीपीएससी के प्रीलिम्स, चाहे आरओ में, पीसीएस में या मेन्स में पूछा गया है। आगे प्रीवियस ईयर प्रश्नों को भी आप देखेंगे तब देखेंगे कितना पूछा गया। मक्का में डाउनी मिल्ड्यू रोग होता है, बड़ा फेमस है, पत्तियों का झुलसा रोग होता है। तना सड़न भी किसमें होता है, मक्का में। बाजरा का प्रमुख रोग अर्गट है, कंडुआ है, हरित बाली है, ठीक। मूंगफली का टिक्का रोग प्रमुख है और वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तिल का फिलौडी रोग है, बड़ा फेमस है, फिलौडी इंग्लिश में भी लिख लीजिए, नहीं तो स्पेलिंग हो सकता है इधर उधर हो जाए, तो आप अपने हिसाब से सही कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार पढ़ लीजिएगा। अरहर का उकठा रोग जिसको बिल्ट रोग कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मूंगफली, तिल और अरहर, ये सब इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मटर, मसूर, चना में बुकनी रोग होता है, पूछता है, दलहनों में होता है ज्यादातर, बुकनी रोग वेरी इंपॉर्टेंट है। उकठा रोग जिसको बिल्ट रोग कहते हैं, ये भी इन सब में होता है, अरहर के साथ होता है। गन्ना में रेड रॉट होता है, तना जो होता है लाल कलर का हो जाता है और गन्ने का प्रमुख रोग है रेड रॉट, ठीक है। अगला टमाटर में लीफ कर्ल होता है, पत्तियां मुड़ जाती हैं, टमाटर का प्रमुख रोग है। आम में जो रोग होता है वो देखिए गुच्छा रोग जिसको बंची टॉप बोलते हैं और वेरी इंपॉर्टेंट है, कहीं कहीं बनाना आपको दे देगा तो मानिएगा मत। बंची रोग कहां पे होता है, बंची टॉप डिजीज कहां पे होती है, आम में होती है, ध्यान रखिएगा। ब्लैक टिप जो काला हो जाता है ना, वो आम की जो रोग है उसको ब्लैक टिप बोलते हैं। आम में एकांतर फलन की समस्या भी पाई जाती है, स्पंजी रोग भी आम का प्रमुख रोग है, एंथ्रेक्नोज भी आम का प्रमुख रोग है, ये सारी बीमारियां जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। केला में पनामा रोग होता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सेब में स्क्रैबी रोग होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, और एकांतर फलन की समस्या सेब में भी पाई जाती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। रोग से एक प्रश्न तो आना ही है, तो पढ़ लीजिएगा अच्छे से। चलिए प्रमुख कीट देखिए, जैसे धान का प्रमुख कीट है गंधी कीट, खूब पूछा जाता है सैनिक कीट गंधी कीट किसके हैं, धान के हैं। ऐसे मक्का में तना छेदक होता है, मूंगफली में सफेद गिडार बहुत पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, सफेद गिडार किसका है, मूंगफली का है।
ज्वार में प्ररोह मक्खी होती है, ईयर हेड मिज होता है, लोबिया में लोबिया सरसों तुरई ये इंपॉर्टेंट है, इसमें माहू लगते हैं, गेहूं में भी माहू होता है, कपास में गुलाबी कीट, धब्बेदार सूटी, सूडी है या सूडी है, धब्बेदार सूडी है, ये सूडी है, पट्टी लपेटक भी होता है, आलू में भी माहू होता है, तंबाकू का प्रमुख रोग गिडार है, तंबाकू का भी गिडार है और यहाँ पे मूंगफली का भी गिडार है, ध्यान रखिएगा, गिडार कीट प्रमुख कीट है, रोग नहीं है, ये सब कीट है, कीट ही रोग फैलाएंगे, तो ये कीट बता रहे थे हम, बार बार रोग बोल गए तो आप कीट सही कर लीजिएगा, फिर से मन करें यहां से देख लीजिए, धान का गंधी कीट है, सैनी कीट है, मक्का का तना छेदक प्रमुख कीट है, मूंगफली में लगने वाला गिडार सफेद गिडार और दीमक प्रमुख कीट है, ज्वार का प्ररोह मक्खी ईयर हेड मिज जो है वो प्रमुख कीट है, लोबिया सरसों तुरई में माहू लगता है, कपास में गुलाबी कीट है, धब्बेदार सूढ़ी है, पट्टी लपेटक है, आलू का प्रमुख कीट माहू है, तंबाकू का गिडार है, ये सब प्रमुख कीट है। आगे चलिए, आम का प्रमुख कीट जो है मिलीबग है, ध्यान रखिएगा, चना का कंडुआ, कंडुआ प्रमुख जो है वो क्या है, कीट है। आइए देखते हैं, प्रमुख खरपतवार नियंत्रण हेतु संस्तुति शाकनाशी, अगर खरपतवार हो रही है आपके खेत में, जिसमें आपने चाहे वो फसल में गेहूं धान जो भी बोया हो, मक्का बोया हो, अगर खरपतवार है तो उसको नियंत्रण करने के लिए, जैसे गेहूं है तो आइसोप्रोट्यूरान, गेहूं का मामा जानते हैं फेलिस माइनर, अगर आइसोप्रोट्यूरान आप डाल देते हैं तो गेहूं का मामा खत्म हो जाता है, 2,4-D भी आप डाल सकते हैं, साइंक्रो जिसको मेट्रीब्यूजिन बोलते हैं, ये सब डाला जाता है, लेकिन आइसोप्रोट्यूरान बड़ा फेमस है और 2,4-D भी बड़ा फेमस है, जो लगातार प्रयोग में किसानों द्वारा लाया जाता है, क्योंकि गेहूं का मामा बड़ा परेशान करता है, जिसको फेलिस माइनर बोलते हैं गेहूं का मामा, उसके लिए आइसोप्रोट्यूरान, धान का ब्यूटाक्लोर डाल दीजिए सबसे अच्छा है, ठीक है, ना मिले तो थायोबेनकार्ब डाल दीजिए, जो शाकनाशी होंगे खत्म हो। कपास में कौन है, एला क्लोर है और फ्लूरोक्लोरिन है, ठीक है, सोयाबीन में ऑलिलोफार्म डाला जाता है, ऑलिलोफार्म आता है मार्केट में आपके किसी भी दुकान पे जो कृषि से संबंधित है, जाके आप ले सकते हैं। आलू में मेटाब्यूजिन जिसको सैंकोर भी बोलते हैं खूब प्रयोग होता है, ऑक्सीफ्लोरफेन का प्रयोग जिसको गोल बोलते हैं, पेंडमिथिलीन का प्रयोग होता है, गन्ना में एलाक्लोर और एट्राजिन का प्रयोग होता है खरपतवार नाश करने के लिए, मक्का में एट्राजिन है, सिमेजिन है, एलाक्लोर है, मूंगफली में पेंडमिथिलीन डाला जाता है, चना मटर मसूर में लाइनुरोन आप डाल सकते हैं, खरपतवार साफ हो जाएगा। आगे देखिए, कोऑपरेटिंग, थोड़ा सा मार्केटिंग को देख लिया जाए, कोऑपरेटिव मार्केटिंग, सहकारी विपणन, नेफेड है, ध्यान रखिएगा, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव, फुल फॉर्म है मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, राष्ट्रीय स्तर पर कृषि सहकारी विपणन संघ है, जिसकी स्थापना 1974 में, तो नॉफेड का फुल फॉर्म देखिएगा और इसकी स्थापना 1974 में हुई ये देखिएगा, इसके अंतर्गत राज्य सहकारी विपणन समिति है, राज्य स्तर पर क्रियाशील है कृषि बेचने के लिए, मतलब जो कृषिगत उत्पाद है उनको बेचने के लिए राज्य सहकारी विपणन समितियां बनाई गई हैं राज्य स्तर पर, दूसरा केंद्रीय विपणन समितियां बनाई गई हैं, लेकिन ये जिला स्तर पर और अंतर जिला स्तर पर काम करती हैं, मतलब जिलों में आदान प्रदान के लिए काम करती हैं, प्राथमिक विपणन समिति बनाई गई मीडिया और थोक विपणन केंद्रों के लिए। देखिए इनमें से प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, UPPSC आप चेक कर सकते हैं, शायद राज्य सहकारी विपणन समिति ही पूछा गया हो या जिला वाला पूछा गया है, ठीक। ट्राइफेड, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केट डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, 1987 में ट्राइफेड का गठन किया गया था। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग कहाँ है, जयपुर में है, 1988 में स्थापना हुई, एगमार्क 1937 में स्थापित हुआ, इसका मुख्यालय नागपुर में है। तो ये सब चीजों को आपको ध्यान रखना होगा, बड़े ध्यान से पढ़ना होगा। अगला, बाजार नियंत्रण कैसे होता है, बाजार नियंत्रण का विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय द्वारा जो है व्यापार नियंत्रण या बाजार नियंत्रण, कृषिगत बाजार नियंत्रण किया जाता है, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय द्वारा किया जाता है। खाद्य मिलावट निरोधक कानून 1954 में पारित किया गया, खाद्य मिलावट निरोध रोकने के लिए 1954 में, वेरी इंपॉर्टेंट है। ग्रिफिन वस्तुएं क्या है, तो निम्न कोट की वस्तुएं होती हैं, गिफिन वस्तुएं होती हैं। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना 1965 में, ऊपर आप देख चुके हैं। प्रमुख बाजार कैसी होती हैं कृषिगत देखते हैं। पूर्ण प्रतियोगी बाजार किसको कहते हैं, इसमें क्रेताओं की संख्या बहुत ज्यादा होती है,
क्रेता की संख्या ज्यादा होती है, विक्रेता की संख्या थोड़ा कम हो सकती है, लेकिन क्रेता विक्रेता दोनों ज्यादा होते हैं। एकाधिकार, केवल एक ही विक्रेता होता है, अकेले बैठ के बेच रहा होता है, जितने में जाएगा बेचेगा, उसको एकाधिकार कहते हैं। अपूर्ण प्रतियोगी बाजार है, जिसमें क्रेता और विक्रेता दोनों को मार्केट का ज्ञान ही ना हो, वो है अपूर्ण प्रतियोगी बाजार। दीर्घकालीन बाजार क्या है? दीर्घकालीन बाजार क्या है? जब मांग और पूर्ति, मतलब जब लोग मांगने जाएं, खरीदने जाएं और वहां से पूर्ति लगातार होती रहे, उसको कहते हैं दीर्घकालीन बाजार। अति दीर्घकालीन बाजार कैसे हैं? जैसे सोना खरीदने वाला मार्केट जो है वो अति दीर्घकालीन है, हमेशा के लिए है। रुचि से संबंधित, जो रुचि से संबंधित है, फैशन से संबंधित है, ये सब अति दीर्घकालीन है। अल्पकालीन बाजार है जो दैनिक सामान पूर्ति के लिए, जैसे कोई बाजार लग गई और सब्जी वब्जी बिक गई वहां पे, तो आदमी गया खरीद लिया, वो हो गई अल्पकालीन। अल्पकालीन बाजार में सब्जी बाजार भी आता है, मछली बाजार भी आते हैं, सब्जी वगैरह मछली तो दैनिक काम वाली चीजें हैं। अगला, केंद्रीय भंडारागार निगम की स्थापना 1957 में हुई, शायद ऊपर ये बता चुके हैं। एफसीआई 1965 है, कृषि मूल्य आयोग 1965 में, इसका नाम बदला गया 1985 में, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कर दिया गया 1985 में, सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1950 है, किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत 1998-99 में हुई, ये ऊपर बता चुके हैं, इसलिए जल्दी से बता के खत्म कर दिया। खेती के प्रकार देख लीजिए जल्दी से, मिश्रित खेती, अभी प्रीवियस ईयर प्रश्न आया नहीं है, केवल एक दो प्रश्न आया है, आगे सारे प्रश्न आएंगे जो अभी तक पूछे गए, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा। खेती के साथ साथ पशुपालन और डेयरी उद्योग किया जाए तो मिश्रित खेती कहते हैं, खेती के साथ साथ पशुपालन भी करें, डेयरी। शुष्क खेती, जहां पर 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहां खेती शुष्क खेती कहलाती है। रैचिंग क्या होती है? इस प्रकार की खेती में भूमि की जुताई बुआई गुड़ाई कुछ नहीं की जाती है, ना ठीक कोई फसल उगाई जाती है, तो रैचिंग खेती होती क्या है फिर? ना गुड़ाई हो रही, ना जुताई हो रही, ना बुआई हो रही, ना कोई फसल की खेती हो रही, तो क्या है? बल्कि इनको भेड़ बकरियों के लिए, गायों के लिए चरने के लिए रखा जाता है, तो उसको रैचिंग खेती बोलते हैं। काश्तकारी खेती जो प्रचलित है अभी भी, काश्त किसान का राज्य से सीधा संबंध होता है, भूमि का मालिक खुद किसान होता है। तर कृषि का है, जहां पे तर मतलब जहां पानी ज्यादा हो, 200 सेंटीमीटर से जहां ज्यादा वर्षा होती है वहां पे तर कृषि की जाती है। गहन कृषि क्या है? निश्चित समय अवधि में अत्यधिक अधिक से अधिक फसलों को उगाना, इसमें सस्य गहनता 200% से अधिक पाई जाती है, सस्य गहनता प्रतिशत में नापी जाती है, निश्चित समय में फसलों का अधिक से अधिक उत्पादन, गहन कृषि। मतलब एक समय अवधि तय करके कि अभी ये बोएंगे, फिर ये बोएंगे, फिर ये बोएंगे, फिर ये बोएंगे, अधिक से अधिक फसलों का उत्पादन किया जाए, तो उसको गहन कृषि कहते हैं। निर्वहन खेती वो होती है जो जीविका के निर्वहन के लिए करते हैं, जैसे हम लोगों के यहाँ गेहूं धान थोड़ा बहुत हो गया, मक्का हो गया, थोड़ा गन्ना हो गया, अपना घर के लिए रख लिया और खा लिया, साल भर चल रहा है अरहर वरहर, तो वो है निर्वहन खेती। अगला देख लीजिए फटाफट, कार्बनिक खेती क्या है? जिस ऐसी खेती होती है जिसमें किसी भी उर्वरक का प्रयोग ना हो, अगर उर्वरक का प्रयोग होता है तो गोबर टाइप होना चाहिए, कुछ जैव उर्वरक होना चाहिए, कीटनाशक कवकनाशक इन सब का प्रयोग ना करके उस किया जाए खेती, तो उसको कार्बनिक खेती कहते हैं और इसको पारिस्थितिकी कृषि भी कहा जाता है। ले खेती क्या है? ऐसी खेती जिसमें दो या से दो अधिक वर्ष तक चारागाह रखा गया हो फिर खेती की जाए। ट्रक फार्मिंग क्या है? ट्रक फार्मिंग मतलब ट्रक से ले जाना, मतलब यही समझ लो। व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली सब्जी फल फूलों की खेती जो होती है उसको ट्रक फार्मिंग के नाम से जानते हैं। ट्रक लगा है मतलब व्यापारिक लग गया है, ट्रक से व्यापार होगा, ये आप समझ लीजिए। फल फूलों की खेती, पादप हार्मोन कौन से? ऑक्सिन है, साइटोकॉनिन है, जिब्रेलिन है, इथाइलिन है, ये सब पादप हार्मोन है। पूछता इनमें से पादप हार्मोन कौन सा नहीं है, एक दे देगा जो हम लोगों वाला हार्मोन है दे देगा, ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। ऑक्सिन साइटोकाइनिन जिब्रेलिन इथाइलिन ये सब पादप हार्मोन है। ऑक्सिन जो हार्मोन है तने की वृद्धि से को प्रभावित करता है, शीर्ष प्रभाविता होती है, बीजों में सुसुप्ता अवस्था बनाए रखने में मदद करता है, ठीक है, ताकि जल्दी बीज खराब ना हो। जिब्रेलिन का काम क्या है? बीज एवं कंद की अवस्था को तोड़ना, बीज रहित फल का निर्माण, अंगूर जैसे फलों को बड़ा करने में जिब्रेलिन की सहायता ली जाती है। और यहां से यूपीपीएससी में खूब प्रश्न पूछा गया है, तो ध्यान से देख लीजिएगा। बीज एवं कंद की अवस्था को तोड़ना, बीज रहित फल का निर्माण करा, अंगूर आदि के फलों को बड़ा जो है करने में सहायक होना। अगला,
साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण है साइटोकाइनिन। इथाइलिन फल पकाने वाला हार्मोन कहते हैं इथाइलिन को। एसिटिलीन और प्रोपाइलिन जो है ये भी फल पकाने का काम करते हैं। इथाइलिन बिलगन पत्र का निर्माण कर पत्तियों को गिरा देता है। तो मृदा का संगठन देखते हैं कि मृदा की जो बनावट है किन किन चीजों से होती है। मृदा के संगठन को आप देखेंगे तो ह्यूमस या कार्बनिक पदार्थ जो होता है 5 से 10% होता है 100% में, ठीक है। खनिज पदार्थ जो है 40 से 45% होता है। मृदा जल 25%, मृदा वायु 25%। इंपॉर्टेंट है, यूपीपीएससी में कई बार पूछा गया है, मृदा वायु मृदा जल भी पूछा गया है। खनिज पदार्थ 40 से 45 है, कार्बनिक पदार्थ या ह्यूमस 5 से 10% है, मृदा जल 25% है, मृदा वायु जो है वो भी 25% है, ठीक है। तो थोड़ा सा मिट्टी देख लेते हैं। जैसे जलोढ़ मृदा आप देख रहे हैं, जलोढ़ मृदा का फैलाव आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश वाले इस क्षेत्र में, बिहार वाले क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में जलोढ़ मृदा का फैलाव आप देखेंगे। यहाँ पर 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, लेकिन अगर आपको मृदा ठीक से मैपिंग करनी है तो संपूर्ण भारत का भूगोल आप जरूर देख लीजिए, मृदा वाला चैप्टर उसमें जाके देख लीजिए। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का जो दोआब है वहां पर मिलती है। धान गेहूं गन्ना आलू तिलहन दलहनी फसलों का उत्पादन किया जा सकता है। हालांकि जलोढ़ मृदा जिसको एलोवियल सॉइल कहते हैं 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, इस मृदा में आप कुछ भी डाल देंगे तो ये उगा देती है, भले ही फल छोटे कर दे। अगर आप सेब भी लगाएंगे या अनार भी लगाएंगे तो ये जो है फसल उत्पादन थोड़ा बहुत तो दे ही देगा। तो बहुत ही उपजाऊ, या आप कह सकते हैं सबसे ज्यादा उपजाऊ मृदा जो है वो जलोढ़ मृदा है, एलुवियल सॉइल है। वर्षा भी डिपेंड करती है, क्योंकि वर्षा भी यहाँ पे 150 से 200 सेंटीमीटर इस क्षेत्र में हो रही है तो बड़ी अच्छी फसल देता है। जलोढ़ मृदा में पोटास व चूना की जो है प्रचुरता है, मतलब अधिकता है। नाइट्रोजन फास्फोरस और जीवाश्म का अभाव देखा जाता है जलोढ़ मृदा में। काली मिट्टी, काली मिट्टी का जो क्षेत्र है ठीक इसी के नीचे वाला इस तरह से हिस्सा ये आता है महाराष्ट्र वाला, महाराष्ट्र में भी इसका फैलाव है, इस तरह से पूरा काली मिट्टी का फैलाव है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा फैलाव आप देखेंगे गुजरात है, मध्य प्रदेश है, तमिलनाडु के क्षेत्रों में जो है थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। कपासी मिट्टी बोलते हैं काली मिट्टी को। कपास सोयाबीन चना ज्वार गेहूं मूंगफली केला इन सब का उत्पादन किया जा सकता है काली मिट्टी में। काली मिट्टी में पोटास चूना ये वा लिखा है, वा मैग्नीशियम एल्युमिनियम की प्रचुरता देखी जाती है, पोटास की अधिकता है, चूना ठीक मात्रा में है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, ये सब प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। जबकि नाइट्रोजन फास्फोरस और जीवाश्म की कमी देखी जाती है, जीवाश्म की कमी देखी जाती है काली मिट्टी में। अगली है लाल मिट्टी। लाल मिट्टी का जो फैलाव आप देखेंगे पूरा ये वो क्षेत्र जो आप देख रहे हैं, ऐसे बीच बीच में काली मिट्टी भी है, कुछ जलोढ़ मिट्टी ऐसे ऐसे करके बीच बीच में है, तो ये पूरा विस्तार आप देखेंगे, मतलब पूरा तमिलनाडु कर्नाटक दक्षिण पूर्वी महाराष्ट्र उड़ीसा मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश का जो दक्षिण पूर्वी भाग ये वाला है वो आ जाता है, इस क्षेत्रों में पाई जाती है। मिट्टी का मैंने कहा आपको मैपिंग करनी है तो मेरा वीडियो जो है संपूर्ण भारत का भूगोल उसमें देख सकते हैं। इसमें तंबाकू ज्वार है उगाया जा सकता है, तीसी है, कपास है, गेहूं है, मक्का, ये सब उगाया जा सकता है। लोहे की प्रचुरता होती है जिसके कारण लाल रंग दिखाई देता है। नाइट्रोजन फास्फोरस और जीवाश्म का अभाव देखा जाता है लाल मृदा में। थोड़ा सा मिट्टी का परिचय ले रहा है। लैटेराइट मृदा, लैटेराइट मृदा का विस्तार जो आप देखेंगे ये लंबी लंबी ऐसे है, केरल और तमिलनाडु के हिस्सों में देखा जाता है, थोड़ा सा कर्नाटक है, कर्नाटक केरल तमिलनाडु आसाम उड़ीसा के कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में भी जो है लैटेराइट मृदा मिलती है। इसमें चाय उगा सकते हैं, काफी उगा सकते हैं, रबर उगा सकते हैं, सिंकोना और काजू भी उगा सकते हैं, खासकर काजू चाय काफी रबर ये यहाँ की प्रमुख फसल है। सिंकोना भी जो है इस मिट्टी में जो लैटेराइट मिट्टी है इसमें उगा सकते हैं, क्योंकि जो लैटेराइट मृदा है एक आच्छादित मृदा है। कारण यह है कि यहाँ पर जो वर्षा होती है 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, लगभग 250 सेंटीमीटर के आसपास होती है, तो इसके जो न्यूट्रिएंट है या तो नीचे चले जाते हैं या तो बह जाते हैं, जिसकी वजह से ये कम उपजाऊ मृदा है और अपचालित मृदा है ये भी कहा जाता है ज्यादा बारिश के कारण। लोहा एल्युमिनियम की प्रचुरता होती है, नाइट्रोजन फास्फोरस और जीवाश्म का अभाव देखा जाता है लैटेराइट मृदा में। मरुस्थली मृदा,
पंजाब हरियाणा राजस्थान इस वाले क्षेत्र में आप मरुस्थलीय मृदा पूरा देखेंगे, ठीक है। इस वाले क्षेत्र में बाजरा, मोटे अनाज, ज्वार है, मोटा अनाज है, सरसों है, जौ है, ये सब उगाए जा सकते हैं। खासकर मोटा अनाज और तिलहन यहाँ पे उगाई जाती है। लवण यानी मिनरल्स और फास्फोरस की प्रचुरता देखी जाती है। जीवाश्म नाइट्रोजन का अभाव देखा जाता है मरुस्थलीय मृदा में। अगला है पर्वतीय मृदा, आप देख रहे हैं कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक इसका फैलाव आप देख सकते हैं। पूरा ऊपर वाले क्षेत्रों में जो भारत ये वाला हिस्सा है, इस वाले क्षेत्र में आप देखेंगे यहाँ पे वर्षा देखेंगे बिलो 25 सेंटीमीटर से कम होती है। कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक पूरा यहाँ तक आप फैलाव देखेंगे। कौन सी मृदा? पर्वतीय मृदा, जिसमें सेब, नाशपाती, चाय, आलूचा, ठीक है, इन सबकी खेती की जाती है। पोटास, चूना, फास्फोरस का अभाव होता है, जबकि जीवाश्म प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसको हिमालयी मृदा, पर्वतीय मृदा के नाम से आप कह सकते हैं। लवणीय तथा क्षारीय मृदा में, लवणीय मृदा हो नमक वाली या क्षारीय मृदा हो, उसमें अमरूद, आंवला, फालसा और जामुन की खेती अच्छी तरीके से की जा सकती है। अगर लवणीय और क्षारीय मृदा है, पूछा गया प्रश्न है, अमरूद, आंवला, फालसा, जामुन, इन सब की खेती की जा सकती है। पौधों को बढ़ाने में सर्वाधिक हिस्सा, अगर एक कोई पौधा है, कोई भी पौधा है, इस पौधे को बढ़ाने में सर्वाधिक हिस्सा किसका है, पूछा जा रहा है। ये पौधा है, इतना बड़ा हुआ तो कैसे हुआ, मतलब इसमें जो ये बड़ा पौधा है इसमें क्या स्थिति बनेगी। कार्बन और वायु का कुल मिला के 45% पूरे पेड़ का है, ऑक्सीजन और वायु से 45% पोर्शन बन जाता है, नाइट्रोजन जो मृदावार से, देखिए यहाँ पे क्लियर कर दे रहे हैं, जो कार्बन वायु मतलब है कार्बन जो वायु से लेते हैं, ठीक है, 45% भाग बनाते हैं, ऑक्सीजन जो वायु से लेते हैं उससे 45% भाग बनाते हैं, नाइट्रोजन जो मृदा से लेते हैं उससे 1-3% बनाते हैं, फास्फोरस भी मृदा से मिलता है जो 0.5-1% बनाते हैं, पोटास जो मृदा से प्राप्त होती है वो पौधे का 0.3-0.6% भाग बनाता है, और कई मिनरल्स हैं जो भाग लेते हैं, ठीक है। तो सर्वाधिक हिस्सा किसका हुआ, वैसे सर्वाधिक हिस्सा कार्बन का होता है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन आता है, दोनों 45-45% लिखा गया है, लेकिन थोड़ा सा कार्बन ज्यादा होता है, बहुत कम मात्रा में। तो कार्बन वायु से प्राप्त करते हैं, ऑक्सीजन वायु से प्राप्त करते हैं, नाइट्रोजन मृदा से प्राप्त करते हैं, फास्फोरस मृदा से प्राप्त करते हैं, पोटास मृदा से। ये चीज जरूर याद रखिएगा, क्योंकि वायु से कार्बन ऑक्सीजन मिल रही है, मृदा से नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास मिल रही है, कितना परसेंट भाग बना रही है आप याद कर लीजिएगा, ये महत्वपूर्ण है आरओ के लिए, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। प्रमुख पोषक तत्व जो खूब प्रश्न पूछा जाता है, आपने देखा होगा, आइए देख लेते हैं। नाइट्रोजन एन क्या करता है, वृद्धि और प्रोटीन उत्पादन का काम करता है। एन क्या करता है, पौधे की वृद्धि करता है और प्रोटीन उत्पादन का काम पौधे के लिए करता है। पी क्या करता है, जड़ों का विकास, शीघ्र फल पकाने के लिए यह जरूरी है। के क्या है, पोटेशियम उच्च गुणवत्ता देता है, मतलब अच्छे पौधे उत्पन्न करता है, पानी के अवशोषण में सहायता करता है। एस का काम क्या है, प्रोटीन तथा तेल के निर्माण में सहायक होता है। कैल्शियम आप देख रहे हैं कोशिका संरचना और विभाजन के लिए जिम्मेदार है। मैग्नीशियम ऊर्जा स्थानांतरण करता है और क्लोरोफिल का मुख्य तत्व है, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसमें सारे इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, सब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनपीके खूब पूछा जाता है, तो एन वृद्धि प्रोटीन, पी जड़ों का शीघ्र विकास फलों को पकाने के लिए, के उच्च गुणवत्ता का अवशोषण और जलों का अवशोषण करने के लिए और उच्च गुणवत्ता प्रदान करने के लिए, एस प्रोटीन और तेल के निर्माण में सहायक है, सीए जो है वो कोशिका संरचना विभाजन में है, मैग्नीशियम ऊर्जा स्थानांतरण करता है और क्लोरोफिल का मुख्य तत्व है। आगे देख लेते हैं, एफ यानी आयरन श्वसन में सहायक है, क्लोरोफिल का उत्पादन करने में, मॉलिब्डेनम है दलहन में नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने के काम आता है, कोबाल्ट क्या करता है विटामिन B12 के निर्माण में सहायता करता है, ऐसे सोडियम है सूखा प्रतिरोध में वृद्धि करता है, जो स्टोमेटा होता है पत्तियों में, स्टोमेटा होता है ना पत्तियों में, स्टोमेटा होता है, ये जो स्टोमेटा है, स्टोमेटा का जो छिद्र होता है इसको खोलने में मदद करता है, जिससे क्या होगा वाष्पोत्सर्जन में वृद्धि होगी, ठीक है, ये सब चीजें होती हैं। हरी खाद वाले पौधे कौन से हैं वो देख लो, हरी खाद वाले पूछा गया, सनई है, ढैंचा है, उड़द है, मूंग है, लोबिया, ये सब अगर आप हरी खाद के रूप में प्रयोग करें, बोकर उसको हरे रूप में ही जोत दें तो ये बड़े फायदेमंद होते हैं हरी खाद, ठीक है। हरी खाद वाले पौधे कौन से हैं वो देख लीजिए, हरी खाद वाले पौधे सनई है, ढैंचा है, उड़द है, मूंग है, लोबिया है, हरी खाद।
अगर आप सनई बोते हैं और हरे ही रूप में खेत में जोत के दबा देते हैं कुछ दिन के लिए, तो हरी खाद बन जाता है। हरी खाद में कौन, सनई है, ढैचा है, उड़द है, मूंग है, लोबिया, ये सब हरी खाद के रूप में प्रयोग होते हैं। एक किस्म है सैजी फसल की, बहुत महत्वपूर्ण किस्म है सैजी। पूछा गया प्रश्न है, सैजी जो फसल है ये हरी खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसकी खासियत ये है, पौधों को सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन देने का काम करता है। अगर आप जो मृदा है आपकी उसमें सहजी बोते हैं और उसको जुतवा देते हैं, दबा देते हैं, तो मृदा को सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन मिलेगा जो पौधों को बाद में मिलेगा। ठीक है, जो डाई अमोनियम फास्फेट डाला जाता है खेतों में, उसमें 18-20% नाइट्रोजन होता है, 46-48% तक फास्फोरस पाया जाता है। थायो यूरिया क्या है, नाइट्रोजन और गंधक का बना एक तत्व है जिसको थायो यूरिया के नाम से जानते हैं और खेतों में इसका प्रयोग करते हैं। भूमि सुधारक उर्वरक कौन कौन से हैं देख लीजिए, भूमि सुधारक के रूप में कैल्सिक चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता है, CaCO3 थ्रू जो होता है उसका प्रयोग होता है। चूना पत्थर का भी प्रयोग होता है अगर भूमि सुधार करना है, जिप्सम का प्रयोग होता है, पाइराइट का प्रयोग होता है, ये सब भूमि सुधार के लिए प्रयोग किए जाने वाले प्रमुख उर्वरक कह सकते हैं। अगर मृदा आपकी तेजाबी है, ठीक, अम्लीय मृदा जिसको बोलते हैं, उसको कृषि योग्य बनाना है, तो कैल्शियम सुपर फास्फेट का प्रयोग करके आप तेजाबी मृदा से एक अच्छे पीएच में, क्षारीय मृदा से बीच में, क्षारीय और अम्ली के बीच में, जिसका बैलेंस पीएच जो लगभग 6.5-7 के बीच हो, आप कर सकते हैं डाल के कैल्शियम सुपर फास्फेट। क्योंकि अगर किसी फसल को आपको उगाना है उसके लिए जो मृदा होती है, मृदा का जो पीएच वैल्यू होता है वो लगभग जो आपको चाहिए होता है 6.5 से 7 से पहले, ठीक है, 6.2 से 6.9 आप कह सकते हैं बेस्ट है। मृदा अगर अच्छी बनानी है तो उसके लिए वर्षा अच्छी चाहिए होती है, वर्षा अच्छी होनी चाहिए तो यहाँ पे टेम्परेचर भी ठीक ठाक होना चाहिए जिससे वर्षा हो, जिससे फसल बहुत अच्छी होगी। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, मतलब यहाँ पे बायो फर्टिलाइजर को देखेंगे हम लोग, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले प्रमुख कौन कौन से, जैसे नीलहरित शैवाल जिनको ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, धान की फसल के लिए प्रमुख माना जाता है उर्वरक। अजोला है, धान की फसल में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैव उर्वरक को क्या करते हैं, अजोला को धान के खेत में बो देते हैं, वो छोटा छोटा होता है, बाद में वो जैव उर्वरक के रूप में परिवर्तित हो जाता है। एजेटोबैक्टर है, इसका प्रयोग जो है खाद्यान्न में, तिलहन में, नगदी फसलों में, सब्जी में, बागवानी फसलों में किया जाता है एजेटोबैक्टर का। राइजोबियम का प्रयोग दलहनी फसलों का प्रमुख जैव उर्वरक है, प्रमुख जैव उर्वरक है। मृदा रक्षक फसलें क्या होती हैं, जो मृदा की रक्षा करें, कहने का मतलब मूंगफली मृदा रक्षक फसल है, मूंग है, उड़द है, बरसीम है, शकरकंद है, ये सब मृदा रक्षक फसलें हैं। मूंगफली, मूंग, उड़द, बरसीम, शकरकंद, ये क्या है, मृदा रक्षक फसलें हैं, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला, खाद्य प्रसंस्करण के जनक कौन कहलाते हैं, निकोलस एपर्ट कहलाते हैं खाद्य प्रसंस्करण के जनक। ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं। प्याज के छिलके उतारने से आंसू आते हैं, क्या कारण है कि आंसू आते हैं, कौन सा पदार्थ निष्कासित होता है, तो डाई सल्फाइड अम्ल या सल्फोनिक एसिड जो है निकलता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आंखों में आंसू आ जाता है प्याज को छिलते हुए। प्याज बात आई है तो थोड़ा आगे तक ले चला जाए, क्योंकि बात उठी है तो थोड़ा आगे तक जाएगी। प्याज उत्पादक राष्ट्र नंबर एक भारत है, दूसरे नंबर पे चीन है, तीसरे नंबर पर मिस्र आता है उत्पादन में। ये 2021-22 का आंकड़ा सभी मैं आपको दूंगा, ये ध्यान रखिएगा। शीर्ष आयात प्याज का कौन करता है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका करता है। शीर्ष प्याज का निर्यात कौन करता है, तो नीदरलैंड करता है। भारत में शीर्ष उत्पादक राज्य कौन सा है, तो प्याज का महाराष्ट्र है। प्याज की सारी चीजें समझ में आ गई, प्याज का छिलका उतारेंगे तो सल्फोनिक एसिड निकलेगा जिससे आग में आंसू आ जाएगा। अगर सल्फोनिक एसिड नहीं दिया है, डाई सल्फाइड अम्ल दिया है, तो आप उसको लगा दीजिएगा, ठीक है, उसी से बना तत्व है। प्याज का उत्पादन भारत में सर्वाधिक है, फिर चीन में है, फिर मिस्र में है। शीर्ष आयातक मैंने बता दिया 2021-22 के डेटा के अनुसार, सब आयातक निर्यातक 21-22 का डेटा है जो अभी पेपर तक आपके बदलने वाला नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका है, शीर्ष निर्यातक नीदरलैंड है, भारत में शीर्ष उत्पादक महाराष्ट्र है। चलिए, खीरे में कड़वाहट क्यों होती है, कुकुरबिटेसिन के कारण, कुकुरबिटेसिन नामक तत्व तो मिलता है जिसकी वजह से खीरे में कड़वाहट होती है, जिसको हम लोग रगड़ के उसको निकालते हैं ना। प्याज में गंध क्यों होती है,
एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण, या अगर ऑप्शन में डाइसल्फाइड दिया रहेगा तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्याज में गंध एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण होता है। प्याज में पीला रंग जो होता है वो क्वेरसिटिन के कारण होता है, यह भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। प्याज या गाजर में अगर लाल रंग वाली प्याज है तो एंथोसाइनिन के कारण होती है। एंथोसाइनिन के कारण प्याज या गाजर का रंग लाल हो जाता है। गाजर में नारंगी रंग कैरोटीन के कारण होता है। गाजर में नारंगी रंग कैरोटीन के कारण। मिर्च में लाल रंग कैप्सेसिन के कारण होता है। कैप्सेसिन है ये, कैप्सेसिन के कारण होता है। हल्दी में पीला रंग करक्यूमिन के कारण होता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला चलते हैं। लहसुन में गंध क्यों होती है? एलाइसिन के कारण। इसको डाई एलाइल सल्फाइड भी कहते हैं। एलाइसिन भी पूछ सकता है, डाई एलाइल सल्फाइड भी पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। करेले में कड़वाहट क्यों होती है? टेट्रासाइक्लेट टाई टर्पाइन के कारण होती है, जिसको मेमोडिकोसाइड भी बोलते हैं। कभी कभी मेमोडिकोसाइड पूछेगा, कभी कभी टेट्रासाइक्लेट टाई टर्पाइन पूछ लेगा, पूछेगा यही दूसरा वाला। करेले में कड़वाहट के कारण, मेमोडिकोसाइड के कारण होता है, ये ध्यान रखिएगा। आलू का हरा रंग क्यों हो जाता है? सोलानिन के कारण, सोलानिन के कारण। टमाटर का लाल रंग क्यों होता है? लाइकोपिन के कारण। तिलहन में पीला रंग क्यों होता है? पीले रंग वाली जो सरसों है वो है एलाइल आइसोथायोसाइनाइड के कारण। एलाइल है ये, एलाइल आइसोथायोसाइनाइड के कारण। खेसारी से लकवा और गठिया रोग होता है, न्यूटॉक्सिन या लेथ्रोजन के कारण। चने की पत्ती में जो खटास होता है, ऑक्सैलिक एसिड के कारण। चने की पत्ती, आप चने की पत्ती जब खोटते हैं कुछ देर, 10-5 मिनट खोटिए घर के लिए, बनाने के लिए सब्जी वगैरह, उसके बाद अपना अंगूठा हाथ या चाटेंगे तो बड़ा खट्टा बहुत देर तक लगता है, लगभग 40 मिनट तक लगता है। तो पहले बचपन में ये सब प्रयोग होते थे। अधोलिखित कथन सत्य है, सीधा पूछा हुआ प्रश्न है। मक्का का मंड उत्पादन के लिए प्रयोग किया जा सकता है, सही है। मक्का से निष्कर्षित तेल जो है जैव डीजल के रूप में, फीड स्टॉक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। तीसरा भी सही है, मक्के के प्रयोग से अल्कोहली पेय उत्पन्न किया जा सकता है। तो मक्का के संदर्भ में आप देखेंगे तो ये तीनों पॉइंट सही है। मक्के से मंड का उत्पादन हो सकता है, मक्के से जैव डीजल बन सकता है जिसका फीड स्टॉक किया जा सकता है, मक्का के प्रयोग से अल्कोहली पेय उत्पन्न किया जा सकता है, अल्कोहलिक पेय। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं मक्का के बारे में, जब बात आई है तो दूर तक चला जाए। मध्य अमेरिका की फसल है, खूब पूछा जाता है। मूल उत्पत्ति अगर पूछा जाए मक्के की तो मध्य अमेरिका है, मध्य अमेरिका, जिसमें मैक्सिको वगैरह क्षेत्र आते हैं। ठीक है, मैक्सिको वाला निचला हिस्सा और पूरा जितने द्वीप है वो सब मिला के कहते हैं मध्य अमेरिका। कैसी फसल है? तो उष्णकटिबंधीय फसल है, ट्रॉपिकल एरिया। ट्रॉपिकल एरिया मतलब जो 0 डिग्री है उसके 23.5 नॉर्थ और 23.5 साउथ के बीच जो हिस्सा होता है, इसको उष्णकटिबंध कहते हैं। कैसी फसल है? उष्णकटिबंध है। उष्णकटिबंधीय फसल का मतलब हुआ कि ज्यादा टेम्परेचर में उगने वाली फसल है। ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है तो टेम्परेचर की वजह से दाब कम होगा तो ज्यादा अच्छी खासी वर्षा होगी, तो इनमें वर्षा और टेम्परेचर दोनों ज्यादा चाहिए होता है। टेम्परेचर देखिए कितना चाहिए, 27 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान, एक अच्छा तापमान चाहिए, 27 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान चाहिए। वर्षा देखिए 30 से 100 सेंटीमीटर चाहिए। मक्के के लिए मिट्टी कैसी चाहिए? दोमट मिट्टी चाहिए। ध्यान रखिएगा, मक्के का उत्पादन अगर हम भारत में देखें तो कर्नाटक सबसे ज्यादा, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र है। सबसे ज्यादा कौन है? कर्नाटक है, मक्का उत्पादन सबसे अधिक कर्नाटक, उसके बाद मध्य प्रदेश है, उसके बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है, राजस्थान मत लगा दीजिएगा। प्रमुख नकदी फसलें कौन है? गन्ना, ये गाना लिखा है, गन्ना है, गन्ना प्रमुख नकदी फसल है। कपास है, जूट है, नारियल है, चाय, कॉफी, तंबाकू, प्राकृतिक रबर, ये सभी प्रमुख नकदी फसलें हैं, कैश क्रॉप्स बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? कैश क्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है, कैश क्रॉप्स बोलते हैं। गन्ना हो गया, कपास हो गया, जूट हो गया, नारियल हो गया, चाय हो गया, कॉफी हो गई, तंबाकू हो गई, प्राकृतिक रबर है, ये सब क्या है? कैश क्रॉप्स है। ठीक है, गेहूं, चावल, चीनी एवं दाल में कौन सा एक उत्पाद भारत में सामान्यता निर्यात नहीं किया जाता है? सामान्यता पूछ रहा है, हालांकि भारत, ये जब प्रश्न आया था तब ये दाल सही था, बाकी अभी के क्षेत्र में हम देखेंगे तो इसमें कोई ऐसा नहीं है जो निर्यात नहीं किया जाता है, इसको सही कर लीजिएगा आप। भारत में दाल सबसे अधिक उत्पादक करता है भारत, लेकिन फिर भी दाल को इतना ज्यादा खपत है कि उसको
निर्यात बोल रहा है, सॉरी निर्यात पूछ रहा है, निर्यात सही है। कौन सा निर्यात नहीं किया जाता? दालें नहीं की जा सकती, बल्कि दालों को भारत में, देखिए दालों के उत्पादन में भारत नंबर एक है, फिर भी दाल को भारत आयात करता है, विदेशों से लेता है, क्योंकि भारत में दालों की खपत ज्यादा है। बाकी गेहूं है, चावल है, चीनी है, इन सब का निर्यात भारत करता है। निर्यात लिखा है, हम गलत समझ बैठे तो सही कर लीजिएगा। दालें जो हैं वो भारत से निर्यात नहीं की जा सकती, बल्कि आयात ही की जाती है। निर्यात इसलिए नहीं की जाती क्योंकि भारत में खपत ज्यादा है, जितना विश्व में सबसे ज्यादा भारत दाल उत्पादित करता है, लेकिन सबसे ज्यादा खपत भी कर लेता है, इतना ज्यादा खाते हैं लोग दाल, तो भारत को आयात करना पड़ता है, जबकि निर्यात भारत दाल नहीं करता। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। वर्तमान में दलहन का शीर्ष उत्पादक और सर्वाधिक उपभोक्ता राष्ट्र कौन सा है? तो भारत है। देखिए सबसे अधिक उत्पादन भी करता है, सबसे अधिक उपभोक्ता भी है, खा भी जाता है, बल्कि आयात करता है खाने के लिए। दलहन में देखेंगे, उत्पादक राष्ट्र को देखेंगे, सबसे अधिक उत्पादन करता है भारत, पोलैंड, फिर नंबर तीन पे आता है फ्रांस, ये उत्पादक राष्ट्र है। उत्पादक राज्य को देखते हैं, सबसे ज्यादा दलहन नंबर एक पे है मध्य प्रदेश, नंबर दो पे महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे राजस्थान आता है। दलहन सबसे अधिक उत्पादन मध्य प्रदेश, विश्व में भारत, दूसरे नंबर पे पोलैंड, फ्रांस, और भारत में मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, उसके बाद राजस्थान का नंबर आता है, ध्यान रखिएगा। शीर्ष चना उत्पादक, चना महाराष्ट्र है। शीर्ष अरहर उत्पादक भी महाराष्ट्र है। अरहर जो है भारत, उत्पत्ति स्थल भारत है अरहर का, यह ध्यान रखिएगा, अरहर भारत में उत्पत्ति हुई है, उष्ण और उपोष्ण दोनों क्षेत्रों में। उष्ण उपोष्ण का मतलब हुआ कि मान लीजिए ये 0 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री है, तो इसके ऊपर मतलब 20 डिग्री से मान लो 30 डिग्री के बीच ये फसल अच्छी खासी उत्पादित होती है। तो उष्ण और उपोष्ण दोनों है, बलुई मिट्टी चाहिए होती है, 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए होती है, तापमान 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास चाहिए होता है। 25 से चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उड़द, अरहर, मूंग, इन सब की जन्मस्थली भारत है। उड़द हो गई, अरहर हो गई, मूंग हो गई, सभी का जन्म भारत में हुआ है। सोयाबीन और मसूर की जन्मस्थली चीन है, ध्यान रखिएगा। चना कहां उत्पन्न हुआ? दक्षिण पूर्वी यूरोप में। मटर की उत्पत्ति कहां हुई? तो भूमध्य सागर के आसपास क्षेत्रों में। चलिए आगे लगते चलते हैं। प्रसीदन यानी फ्रीजिंग की बात हो रही है। प्रसीदन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है, कैसे? जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम कर देता है। जैसे ही कोई चीज फ्रीजिंग पॉइंट पे पहुंचती है, रेफ्रिजरेटर में डाल दीजिए, तो उसमें श्वसन की दर कम हो जाती है, जिसकी वजह से रासायनिक अभिक्रिया अपने आप कम हो गई। श्वसन दर रासायनिक अभिक्रिया है, तो क्या होता है, खाद्य परिरक्षण में इससे मदद होता है, बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाते हैं। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात में से किसमें तंबाकू की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक बृहत्तम क्षेत्र है? वो है गुजरात, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, ध्यान रखिएगा। अगला चलते हैं। भारत की औसत फसल चक्र गहनता प्रतिशत 138.9 है, ध्यान रखिएगा, पुराना डेटा है और यही डेटा अभी है भी, लेकिन जो कृषि मंत्रालय है उसकी जो रिपोर्ट 17-18 में है उसके अनुसार 142 है। तो दोनों ये डेटा याद करिएगा कि 2010-11 है उसके अनुसार जो रिपोर्ट है वो कितनी है, 138.9, लेकिन जो कृषि मंत्रालय है उसके अनुसार 142 हो गई है, इससे ज्यादा नवीनतम डेटा भी इसका मौजूद नहीं है। संसार में किस फसल का उत्पादन और सर्वाधिक क्षेत्रफल है? सबसे नंबर एक पे चावल आता है, दूसरे नंबर पे गेहूं आता है, ध्यान रखिएगा। संसार के जितने भी खाद्यान्न फसलें हैं सबसे अधिक उत्पादन चावल का होता है, धान का होता है, चावल क्या, धान कह लो, धान कहना सही रहेगा, धान का होता है, दूसरे नंबर पे गेहूं आता है। देखिए यहां पे फिर से प्रश्न है, चावल, मसूर, गेहूं, किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्व प्रमुख उत्पादक है? गेहूं का। गेहूं उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा उत्पादित होती है, गेहूं है उत्तर प्रदेश में, आलू है, गन्ना है, ये सब उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन करता है उत्तर प्रदेश। गेहूं के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि गेहूं की बात हुई, इसका बॉटेनिकल नेम जो है वो ट्रिटिकम एस्टिबम है। बॉटेनिकल नेम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिबम है। फैमिली क्या है? ग्रेमनी। अच्छा, ग्रेमनी को हटकर अगर पोएसी आ जाए तो भी कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि एक ही चीज है, ग्रेमनी और पोएसी को एक ही फैमिली, दोनों का दूसरा नाम है, ग्रेमनी का दूसरा नाम पोएसी है। जितने भी बीज वाले आएंगे वो सब ग्रेमनी में आते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। गेहूं के उत्पादन देश नंबर एक पे चीन है, नंबर दो पे भारत है, नंबर तीन पे रूस है,
गेहूं के उत्पादन में। गेहूं का शीर्ष आयातक देश कौन सा है, जो सबसे ज्यादा खरीदता है वो इंडोनेशिया है, और सबसे ज्यादा निर्यात कौन करता है, रूसी संघ करता है या रूस कह लो। शीर्ष उत्पादक राज्य देख लो भारत में, नंबर एक उत्तर प्रदेश है, दूसरे पे मध्य प्रदेश है, तीसरे नंबर पे पंजाब आता है। अगर प्रोडक्टिविटी के मामले में देखा जाएगा तो पंजाब नंबर एक है। प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी मतलब एक हेक्टेयर में सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है, तो पंजाब करता है, ये यहां पर ध्यान रखिएगा। प्रोडक्टिविटी, गेहूं की प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा कहां पे है, पंजाब में है। गेहूं कैसी फसल है, उष्ण कटिबंधीय फसल है। टेम्परेचर क्या चाहिए, 10 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इसीलिए तो नवंबर के दूसरे सप्ताह में बोया जाता है। बोते समय टेम्परेचर कम चाहिए गेहूं को, जब हम काटते हैं तब टेम्परेचर ज्यादा चाहिए ताकि फसल पक जाए अच्छे से, इसीलिए अप्रैल में काटते हैं जब 25 डिग्री सेंटीग्रेड होने लगता है। नवंबर के दूसरे तीसरे सप्ताह के बाद इसको बोना शुरू कर देते हैं क्योंकि टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो वर्षा कितनी चाहिए, 80 से 100 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए होती है। गुणसूत्रों की संख्या गेहूं में कितनी है, तो 42 है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, ट्रिटिकम कॉम्पैक्टम और ट्रिटिकम स्फेरोकोकम, ये मोहनजोदड़ो की खुदाई में मिलने वाले गेहूं हैं जो मिले थे। कहां पे, मोहनजोदड़ो की खुदाई में ये गेहूं मिले थे। क्या नाम है, ट्रिटिकम कॉम्पैक्टम और ट्रिटिकम स्फेरोकोकम, ये मोहनजोदड़ो में मिले थे खुदाई के समय, मोहनजोदड़ो की खुदाई के समय मिले थे। गेहूं की एक बौनी प्रजाति है, उसका नाम है नोरीन, नोरीन 10 इसको बोलते हैं, नोरीन 10 जो है, ठीक है, जीन है, एक जीन का नाम है, उसी के नाम पे गेहूं का नाम रख दिया। तो नोरीन जो गेहूं है, या नोरीन जो गेहूं है, वो गेहूं की बौनी प्रजाति है। एक शब्द होता है ट्रिटिकल, राई और गेहूं के क्रॉस का ये परिणाम है ट्रिटिकल। मैक्रेनियो गेहूं असिंचित परिस्थितियों में सबसे उपयुक्त होता है, असिंचित परिस्थिति जहां पर सिंचाई की व्यवस्था कम हो। हार्ड व्हीट कहते हैं किसको, मैक्रोनी गेहूं को, इससे बनता है, मैक्रोनी गेहूं से खासकर सूजी बनाई जाती है क्योंकि हार्ड व्हीट भी है ये। इमर गेहूं दक्षिण भारत में बोया जाता है, दक्षिण भारत के तमिलनाडु वगैरह कुछ क्षेत्रों में उगाया जाता है। अगर आपको बीज बोना है, अगर सीधे ऐसे से बो देना है, तो 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर चाहिए, अगर ऐसे से खेत में छींट देना है। और अगर आपको डिबलर विधि से एक एक बीज डालना है अंदर, तब 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर चाहिए, 70 किलोग्राम कम हो जाएगा एक एक बीज डालने में। दोनों के बीच एक अंतर होता है, अगर आप देखेंगे जो वो हल लेके चलते हैं उसमें आप डालेंगे तो लगभग 40 से 50 किलोग्राम 60 किलोग्राम तक गेहूं चाहिए होगा बीज की बुआई के लिए। सीधी बुआई है, ये सीधी बुआई है, सीधी बुआई है, ये डिबलर विधि से एक एक करके बीज डाले जा रहे हैं, एक एक करके बीज डाले जा रहे हैं। आगे चलते हैं, गेहूं की प्रमुख बीमारी रस्ट है। रस्ट के प्रकार होते हैं, जैसे येलो रस्ट, ब्राउन रस्ट, ब्लैक रस्ट, करनाल बंट गेहूं की प्रमुख बीमारी है और इंपॉर्टेंट भी है, और रस्ट भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहां पे एक चीज और आपको बताना चाहेंगे, चलिए आगे आएगा तब आपको बता देंगे, क्योंकि एक बीमारी हमने ऊपर आपको बताई है उसके बारे में जरा बता दें। बीमारी हमने बताई है बंची टाप, हमने वहां पे बता दिया है आम की बीमारी है, लेकिन अभी क्लियर कर देते हैं, बंची टाप केला की बीमारी है, ये ध्यान रखिएगा, केला की प्रमुख बीमारी है। चूंकि इसको हिंदी में गुच्छी रोग भी बोलते हैं, तो आम में भी गुच्छी रोग होता है, इसलिए जो है वहां पे गलती हो गई है, लेकिन गुच्छी रोग अगर हिंदी में आएगा तो आप आम लगा सकते हैं, बंची टाप आएगा तब आप आम नहीं लगाएंगे, तब आप केला लगाएंगे, ये ऊपर हमने बताया है और यहां पे सही कर दे रहे हैं, आगे भी आएगा तो वहां भी सही करेंगे। बहरहाल बंची टाप केला की बीमारी है। गुच्छी रोग जो है, आम का जब बौर आता है उसमें गुच्छी रोग होता है, केला में जब गुच्छी रोग होता है तो उसको बंची टाप बोलते हैं। हिंदी में कुछ इंग्लिश में अंतर है, क्या है वो पता नहीं चल रहा है कि बंची टाप को हिंदी में गुच्छी नहीं कहते होंगे, कुछ शब्द का हेर फेर जरूर होगा। फेलिस माइनर गेहूं का मामा है, गेहूं से बड़ा हो जाता है, ठीक, आइसो प्रोट्यूरान डाल के इसको खत्म कर सकते हैं, गेहूं के मामा को पहले भी बता चुके हैं। गेहूं में प्रोटीन की मात्रा 8 से 15% होती है, कार्बोहाइड्रेट 65 से 70%, 1.5% जो है वसा और 2% तक इसमें खनिज पाया जाता है। हरित क्रांति जो हुई थी उससे सबसे अधिक प्रभाव गेहूं पर पड़ा था, इसमें भी कुछ नहीं है। प्रमुख किस्में देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, राज 3077 भी होती है, लिखा तो है राज 3077, सोनालिका, अर्जुन, कुंदन, भवानी, अमर, देश रत्न, गिरजा, गोमती, कल्याण सोना। अब इसमें सबसे ज्यादा सोनालिका इंपॉर्टेंट है, कल्याण सोना है, राज है, ये सब देश रत्न है, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गेहूं की किस्में है। बाकी ऊपर आपने दो पहले देख लिया, इमर गेहूं तो पहले देख लिया, मैक्रोनी गेहूं देख लिया, वो भी किस्में है, तो वो भी याद कर लीजिएगा साथ में, ठीक है।
मक्का की पत्तियों का शीर्ष का सफेद होना सूचक है, मक्का की जो पत्ती होती है उसका शीर्ष भाग जो सफेद होता है जेडीएल जिंक की कमी से होता है। सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किस खाद्यान्न में मिलता है, तो मक्का में सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट लगभग 79% जो है वो मिलता है कार्बोहाइड्रेट मक्का में सबसे अधिक, चावल गेहूं में सबसे ज्यादा मक्का में मिलता है। मक्का देख लीजिए यहां पे लिखा है कार्बोहाइड्रेट 79% है, प्रोटीन 5% है, राख 2% है, स्टार्च की मात्रा सबसे अधिक मक्का में पाई जाती है। ठीक है, चलिए मक्का C4 प्लांट है, बॉटेनिकल नेम क्या है, जिया मेज, ध्यान रखिएगा। इसका प्रयोग पहले भी बता चुके हैं बायोडीजल के लिए होता है, इससे एल्कोहलिक पेय भी उत्पन्न किया जाता है, ऊपर यह भी बता चुके हैं आपको। वर्ष भर बोई जाने वाली फसल है मक्का, वर्ष भर बोया जा सकता है, पहले क्या होता था कि यह जायद की फसल थी, अब यह वर्ष भर बोई जा सकती, कभी भी आप बोइए। पुर्तगालियों द्वारा लाई गई मक्का, मक्का पुर्तगालियों ने लाया, उभयलिंगाश्रयी पौधा, उभयलिंगाश्रयी मतलब कि नर और मादा पुष्पक्रम एक ही में लगे होते हैं, नर पुष्पक्रम को टेसल कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। मक्का में एक प्रोटीन पाई जाती है जिसको जीन प्रोटीन के नाम से जानते हैं, ZEIN जीन प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है ये ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक उत्पादन राज्यों में कर्नाटक करता है, फिर मध्य प्रदेश करता है, फिर महाराष्ट्र करता है मक्का उत्पादन 1, 2, 3। अब विश्व में सर्वाधिक उत्पादन संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा चीन करता है, तीसरा ब्राजील करता है। हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका खाने के लिए नहीं बल्कि पशु के चारे के लिए सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। ठीक है, खरीफ ऋतु की प्रमुख दलहनी फसल कौन सी है, दलहनी अरहर है, खरीफ कब बोई जाती है, मई जून में बोया जाता है ना, इधर अक्टूबर नवंबर तक उसको काट लेते हैं, अरहर है, लेकिन अरहर तो वर्षीय फसल है, उड़द है, मूंग है, लोबिया है, मोठ है, सोयाबीन है, ये सब क्या है, प्रमुख खरीफ की दलहनी फसल है। रबी ऋतु की प्रमुख दलहनी फसल, रबी कब बोई जाती है, इधर अक्टूबर नवंबर से बोई जाती है, चना है, मटर है, मंसूर है, खेसारी है। जायद की प्रमुख फसल जो उधर मार्च अप्रैल में बोई जाए, मूंग है, उड़द है, लोबिया है, सोयाबीन, तो ये तीनों याद कर लीजिएगा दलहनी फसल के बारे में, खरीफ रबी और जायद को डिवाइड कर दिया गया है। मक्का वर्ष भर बोई जाने वाली फसल है ये आप जानते हैं, तो इसमें भी कोई बहुत बड़ा इशू वाली बात नहीं है। फसल और जन्म स्थान देख लेते हैं एक एक करके, देखिए सबसे पहले फसल लिखा होगा, फिर जन्म स्थान लिखा है, फिर जलवायु लिखा है, फिर तापमान लिखा है, फिर वर्षा लिखी है, फिर मिट्टी लिखी है। जैसे अरहर है, जन्म स्थान क्या है, भारत, कैसी जलवायु चाहिए, पहला जन्म स्थान हो गया, फिर जलवायु कैसी चाहिए, उष्ण और उपोष्ण, पहले भी हम दिखा चुके हैं, दोबारा कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए, मिट्टी लास्ट में लिखा है, तो कैसी चाहिए, बलुई मिट्टी चाहिए। ऐसे ही उड़द में, उड़द की उत्पत्ति पहले भी दिखाए, भारत है, गर्म एवं नम जलवायु चाहिए, कितना टेम्परेचर चाहिए, 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड, 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए, ठीक है, बलुई से काली मिट्टी हो तो अच्छा, ठीक है, दोनों में उत्पादन हो सकता है। मूंग का उत्पादन भारत में, मतलब मूल उत्पत्ति कहाँ है, जन्म स्थान कहाँ है, भारत है, गर्म जलवायु चाहिए होता है, 25 से 35 तीनों का देख रहे हैं, 25 से 35 है, इसको वर्षा थोड़ी कम चाहिए, 60 से 75 सेंटीमीटर चाहिए, इसको मिट्टी कैसे चाहिए, दोमट मिट्टी चाहिए, कैसी मिट्टी चाहिए, दोमट। सोयाबीन की उत्पत्ति चीन में हुई है, कैसी जलवायु चाहिए, उपोष्ण चाहिए, उष्ण के ऊपर वाला हिस्सा, भारत का पूरा हिस्सा जो है आधा जो है उष्ण में पड़ता है, उसके ऊपर कर्क रेखा के ऊपर उपोष्ण में पड़ता है ना, यही तो स्थिति है, ये मान लो भारत है, इसके ऊपर से ये कर्क रेखा गई, नीचे वाला उष्ण है और ऊपर वाला उपोष्ण है, ध्यान रखिएगा। ये 15 से 30 सेंटीग्रेड तापमान चाहिए होता है, 60 से 75 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए होती है, काली मिट्टी चाहिए होती है सोयाबीन के लिए, ठीक है। चना जो है दक्षिणी पश्चिमी यूरोप की फसल है, उपोष्ण जलवायु चाहिए, 25 से 30 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए, 25 से 30 सेंटीग्रेड तापमान चाहिए, 60 से 100 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए, मिट्टी कैसी चाहिए, दोमट मिट्टी चाहिए, किसको, चना को, ठीक है, उपोष्ण एरिया में होता है, हम लोगों के यहां तो चना अच्छे से होता है। मटर की उत्पत्ति भूमध्य सागरीय क्षेत्र है, जो पेपर में पूछा जाता है वही यहाँ पे लिखा हुआ है, जलवायु समशीतोष्ण चाहिए, 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए, 15 से 25, 60 से 75 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए, बलुई दोमट मिट्टी चाहिए मटर के लिए। मंसूर के लिए क्या चाहिए, या मसूर बोलते हैं, चीन में उत्पत्ति है, समशीतोष्ण जलवायु है, मतलब काफी ठंडा क्षेत्र चाहिए, 18 से 30 डिग्री तक टेम्परेचर, मतलब 18 में बोया जाएगा, 30 तक काटते काटते हो जाना चाहिए, 80 से 100 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए, मिट्टी कैसी चाहिए, दोमट चाहिए,
ठीक है, आइए अब प्रश्न पे आते हैं। सोयाबीन में तेल का मात्रा जो है कितना होता है, तो 20 से 22%, ठीक है, 20 से 22% सोयाबीन में तेल की मात्रा होती है। मक्का में एक रोग होता है, इसको व्हाइट बड बोलते हैं, जस्ता की कमी से होता है। किसकी कमी से? जस्ता की कमी से। धान में खैरा रोग है, जस्ता की कमी से होता है, ऊपर भी बता चुके हैं जस्ता की कमी से धान में खैरा। ज्वार और चरी में जहरीलान्य बोलते हैं, जहरीलान्य बोलते हैं, प्रूसिक अम्ल की कमी से जहरीलान्य होता है। यह ऐसे लिखा जाएगा, पढ़ लीजिएगा जो भी हो, ये ज्वार और चरी में होता है, प्रूसिक अम्ल की कमी से होगा। ठीक, ये कुछ कमी से होने वाले रोग आ गए बीच में। नाइजर जिसको रामतिल बोलते हैं, एक तेल की फसल है, मतलब तेल की किस्म है तिल की, इसमें बीजों की तेल की मात्रा जो पाई जाती है 37 से 47% और बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। निम्नलिखित युग्म सुमेलित है, रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक थाईलैंड है, जैतून का सबसे बड़ा उत्पादक जो है स्पेन है, गन्ना का सबसे बड़ा ब्राजील है, कहवा का सबसे बड़ा हाँ अगला देखिए, विश्व में कपास का सर्वाधिक उत्पादक, विश्व में कपास का सर्वाधिक उत्पादक क्षेत्रफल, सर्वाधिक क्षेत्रफल जो पाया जाता है कपास का, वो भारत में पाया जाता है 21-22 के अनुसार। क्यूरिंग की क्रिया किसमें की जाती है? तंबाकू में। क्यूरिंग किसमें की जाती है? तंबाकू में, ध्यान रखिएगा। तो तंबाकू में क्या किया जाता है, यहाँ पे थोड़ा सा ये काट दीजिए फिर बताते हैं। तंबाकू में क्या होता है? क्यूरिंग, क्यूरिंग की क्रिया की जाती है, ठीक है, ध्यान रहेगा। पुष्प क्रम को दो पत्तियों तक तोड़ने की क्रिया को टॉपिंग बोलते हैं, शीर्ष कीर्तन हिंदी में प्रश्न आया था, शीर्ष कीर्तन कहते हैं। पुष्प क्रम को दो पत्तियों तक तोड़ने की क्रिया तंबाकू में होती है, टॉपिंग कहते हैं। क्यूरिंग किस में होती है? तंबाकू में होती है। तंबाकू की उत्पत्ति कहां हुई? दक्षिणी अमेरिका में। कहां पे? दक्षिण अमेरिका में। सोलेनेसी फैमिली से संबंधित है, फैमिली कौन सी है? तंबाकू की, सोलेनेसी फैमिली। कैसा पौधा है? उष्णकटिबंधीय फसल है, ट्रॉपिकल एरिया का। तापमान चाहिए होता है 20 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए। मृदा कैसी चाहिए? लाल पीली मृदा चाहिए। लैटेराइट भी मृदा में तंबाकू होता है, लाल मृदा में भी होता है। वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर चाहिए होता है, इसलिए भारत के इस वाले क्षेत्र में, सॉरी गलत बन गया, चलिए छोड़िए। सिगरेट में निकोटीन की मात्रा कितनी होती है? 1% लगभग। अच्छा, तंबाकू भारत में पुर्तगालियों द्वारा लाई गई, ध्यान रखिएगा। क्यूरिंग की क्रिया होती है, टॉपिंग होती है। कहाँ की फसल है? दक्षिण अमेरिका में मूल उत्पत्ति हुई है। उष्णकटिबंधीय है, 20 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए। लाल पीली मृदा चाहिए होती है। 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए होती है। पुर्तगालियों द्वारा लाई गई। तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता चीन है, तंबाकू खूब खाते हैं। चलिए अगला, गन्ने के रस में समग्र ठोस पदार्थ के प्रतिशत को ब्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रिक्स बोलते हैं। गन्ना चीनी उद्योग का मतलब द्वितीय बृहत्तम उद्योग है भारत का। चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या अभी भी महाराष्ट्र में है, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है। गन्ने का जन्म स्थान कहाँ है? भारत। गन्ने का जन्म भारत में हुआ, फैमिली है ग्रेमनी। जलवायु कैसी चाहिए गन्ने को? उष्णकटिबंधीय। कैसी जलवायु? उष्णकटिबंधीय। 100 से 180 सेंटीमीटर तक वर्षा चाहिए होती है, ये ध्यान रखना। तापमान 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए होता है। इसको बोने का जो समय है वो अक्टूबर नवंबर है, गन्ना बोया जाता है। गन्ने का प्रमुख रोग रेड रॉट है। जो गन्ना आप अगर कभी चूसते हो तो आप जानते होंगे उसमें लाल गलन रोग भी उसको शायद बोलते हैं, तो उसी को रेड रॉट कहते हैं हिंदी में। लाल गलन रोग ही रेड रॉट है। भारत में पहली चीनी मिल उत्तर प्रदेश के देवरिया के प्रतापपुर में 1903 में खोली गई थी, स्थापित की गई थी। आयरन की सबसे अधिक मात्रा किसमें मिलती है? सेब में। आयरन की सबसे अधिक मात्रा सेब में। देखिए, फसल दी हुई है, सुमेलित करना। जैसे हरा सोना किसको कहते हैं? अफीम को कहते हैं। फलों का राजा आम है, फलों की रानी लीची है, कोई दिक्कत नहीं। सर्वाधिक रबड़ उत्पादक राष्ट्र है थाईलैंड। रबड़ की लेकिन उत्पत्ति जो है दक्षिण अमेरिका ब्राजील में हुई है। जलवायु कैसी चाहिए रबड़ के लिए? उष्णार्द्र। 24 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान सहता है। 200 से 250 सेंटीमीटर मतलब ज्यादा वर्षा वाला स्थान चाहिए। मृदा कैसी चाहिए? लैटेराइट चाहिए। हेनरी विलियन ने 1826 में ब्राजील से लेकर भारत आए थे रबर को, और रबर की खेती लॉर्ड सेलिसबरी ने शुरू करवाई थी, ध्यान रखिएगा। एक दो बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा।
भारत में सर्वाधिक उत्पादन रबड़ का कौन करता है? केरल। किसका? रबड़ का। रबड़ का। कुफरी किसकी किस्म है? कुफरी हिमाचल प्रदेश आलू की किस्म है, ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में कुफरी जगह उसी के नाम से पड़ा है। आलू का जन्म स्थान पेरू है, भारत नहीं है, खूब खाते हैं सब लोग, लेकिन ठीक है। किसके द्वारा लाई गई? पुर्तगालियों के द्वारा। सर्वाधिक मात्रा में सब्जियों में देखें तो कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा मात्रा में मक्के के बराबर पाया जाता है लगभग। प्रमुख रोग कौन सा है? लेट ब्लाइट, जिसको झुलसा रोग बोलते हैं। कवक जनित भी रोग होते हैं, जैसे अगेती अंगमारी, पछेती अंगमारी, ठीक है, अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, अंगमारी है, अलमारी लिखा हुआ है, तो इसको बोलते हैं अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, ठीक, ये कवक जनित है। भागीरथी घाटी में आलू और राजमा की कृषि प्रारंभ करने का श्रेय फ्रेडरिक विल्सन को जाता है। भागीरथी घाटी में आलू और राजमा की खेती करने का जो श्रेय दिया जाता है फ्रेडरिक विल्सन को दिया जाता है। निम्नलिखित कथन जो है वो सही है। चाय असम की मुख्य फसल है। तंबाकू गुजरात में विस्तृत पैमाने पर उगाई जाती है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। चाय का जन्म स्थान कहाँ है, पूछा गया था पेपर में, चीन है। चाय की उत्पत्ति कहाँ हुई? चीन में। जलवायु कैसी चाहिए? उष्ण आद्र जलवायु चाय को चाहिए। तापमान 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। वर्षा कितनी चाहिए चाय को? 125 से 50 सेंटीमीटर चाहिए। लैटेराइट मिट्टी चाहिए, इसीलिए भारत में आप देखें जो लैटेराइट मिट्टी वाला क्षेत्र था भारत में, ये वाला, यहाँ पर चाय उगाई जा रही थी। पत्ती चुनने का जो समय होता है अप्रैल अक्टूबर में होता है। 3 बार पत्तियां चुनी जाती हैं किसी भी चाय पत्ते की, ठीक है। भारत विश्व में काली चाय का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है, यह भी ध्यान रखिएगा। भारत में विलियम बेंटिक ने चाय की खेती की शुरुआत करी है। चाय उत्पादक में चीन नंबर एक है, फिर भारत है, फिर केन्या है। इंपॉर्टेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट है। चाय उत्पादक चीन, भारत, केन्या। चाय का आयातक सबसे बड़ा इस समय 2021-22 में कौन बना है? तो पाकिस्तान है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका है, फिर रूसी संघ है, ये आयातक है। निर्यातक भी आगे देख लेते हैं, खूब पूछा जाता है। प्रमुख निर्यातक, देखिए यहां पे जो निर्यातक लिखा है मात्रा के अनुसार बता दे रहे हैं, पहले हम चीन है, फिर श्रीलंका है, फिर केन्या है, चौथे नंबर पर भारत है, मात्रा के अनुसार, सॉरी मूल्य के अनुसार लिखा है ये, फिर से बोल दे रहे हैं, एक मिनट रुक जाइए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ये गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये मूल्य अनुसार पहले हम बता दे रहे हैं, मूल्य अनुसार जो निर्यात होता है सबसे अधिक चीन करता है, फिर श्रीलंका करता है, फिर केन्या करता है, भारत करता है, और मात्रा के अनुसार जो सर्वाधिक निर्यात करता है वो है केन्या। मात्रा के अनुसार मतलब ज्यादा मात्रा में वो केन्या करता है। मूल्य के अनुसार सबसे ज्यादा मूल्य कौन कमाता है चाय से? चीन। चौथे नंबर पे भारत है, ध्यान रखिएगा। 2021 में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्रों में भारत का कौन सा स्थान था? तीसरा। पहला इंडोनेशिया है, तीसरा भारत का स्थान है। नारियल उत्पादक देखेंगे तो इंडोनेशिया, फिलीपींस, भारत, तीन क्रम हो गए, खत्म बात। सर्वाधिक आयात कौन करता है? तो चीन करता है। सर्वाधिक निर्यात कौन करता है? थाईलैंड करता है नारियल का, ठीक है। सूर्यमुखी का जन्म स्थान कहाँ है? उत्तरी अमेरिका। सूर्यमुखी का जन्म कहां हुआ? उत्तरी अमेरिका में हुआ। सूर्यमुखी का उत्पादन सबसे अधिक कर्नाटक, फिर तेलंगाना, फिर उड़ीसा, ठीक है। उत्पादन भारत में कर्नाटक सबसे ज्यादा करता है। सूर्यमुखी बीज का उत्पादन यूक्रेन सर्वाधिक करता है, फिर रूस, फिर अर्जेंटीना, बहरहाल सूर्यमुखी एक ही क्रम तक पूछे जाते हैं नॉर्मली। सबसे ज्यादा सूर्यमुखी का आयात तुर्की करता है। सबसे अधिक निर्यात जो है रोमानिया करता है सूर्यमुखी का। आइए देख लेते हैं आगे। अनाज की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। अनाज भारत में 4 शीर्ष कृषि संबद्ध क्षेत्र का निर्यात 2022-21 सबसे ज्यादा भारत ने क्या भारत बाहर भेजा है या क्या बेचा है? सबसे अधिक बेचा गया अनाज 3.1%। उसके बाद समुद्रिक उत्पाद है 1.8%, फिर मसाला है 0.9%, फिर कच्चा कपास है 0.7%। ये कृषिगत सबसे अधिक 4 आयात वाले मदे आपके सामने दी गई हैं। सॉरी आयात नहीं, ये निर्यात वाली मदे दी गई हैं। ये जो है निर्यात, सबसे अधिक निर्यात जो भारत से बाहर बेची गई निर्यात मदे हैं 4 शीर्ष, ठीक। अगला देखेंगे आयात, कौन भारत में खरीदा, भारत में कौन सा खरीदा गया। सबसे अधिक खरीदा गया भारत में तेल, खाद्य तेल 3.1, फिर दाल 0.4%, फिर काजू 0.2%। ये 3 भारत द्वारा आयात की गई शीर्ष फसलें हैं जो 2021-22 में भारत आयात किया है, खाद्य तेल, दाल, काजू।
सबसे अधिक मात्रा में आयात किए गए तीन चीजें, निर्यात सबसे ज्यादा क्या किया गया, अनाज, फिर सामुद्रिक उत्पाद, फिर मसाला, फिर कपास। चाय और कपास एक बराबर है, 0.7 पे है, तो दोनों बराबर पे। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना कहां की गई 1984 में, गुड़गांव हरियाणा में। शीर्ष केसर उत्पादक जम्मू कश्मीर है, ध्यान रखिएगा। खरीफ की फसलें कौन कौन सी हैं, कई बार आ गया लग रहा है, कपास है, मूंगफली है, मक्का है, चावल है, ज्वार है, बाजरा, रागी, तंबाकू, जूट, ये सब खरीफ की फसलें हैं। अंग्रेजों द्वारा पहला कहवा बागान कहां पे लगाया गया था, तो चिकमंगलूर में लगाया गया था। कहवा की उत्पत्ति कहां हुई है, ब्राजील में हुई है। कैसी जलवायु चाहिए, उष्ण आर्द्र, टेम्परेचर 15 से 18 चाहिए, ये जो है गर्मी ज्यादा सहन नहीं कर पाता कहवा। मिट्टी लैटेराइट चाहिए, कैसी मिट्टी चाहिए, लैटेराइट, 150 से 200 सेंटीमीटर अच्छी खासी वर्षा चाहिए होती है कहवा के लिए। कहवा भारत में किसके द्वारा लाई गई, ये देख लीजिए, कहवा भारत में फकीर बाबा बदून द्वारा अरब से लेकर आई गई और कर्नाटक के बाबा बदून पहाड़ी पर पहली बार उगाया गया था। कहवा की दो किस्में भारत में मिलती हैं, एक अरबिका जो उच्च कोट की है, दूसरी है रोबोस्टा। रोबोस्टा दो किस्म मिलती है। देखिए लिखा है कहवा जो है अधिक तापमान सहन नहीं कर पाता, जिसकी वजह से इसके आसपास चारों ओर पेड़ वृक्ष लगा दिए जाते हैं छायादार। कहवा भारत में उत्पादन सबसे अधिक कर्नाटक है। कहवा शीर्ष उत्पादन विश्व में ब्राजील है। शीर्ष आयातक अमेरिका है। शीर्ष निर्यात कौन करता है, ब्राजील करता है कहवा का। केंद्रीय धान संस्थान कटक के वैज्ञानिकों द्वारा पहली अति उत्तम धान की किस्म का नामकरण किया गया है, उसका नाम है लूनी श्री। क्या नाम है, लूनी श्री। धान का बॉटेनिकल नेम है ओराइजा सैटाइवा। गुणसूत्रों की संख्या 24 है, यानी 2N है। फैमिली ग्रैमिनी है, दक्षिण पूर्वी एशिया में पैदा हुआ, उत्पत्ति हुई। कैसी फसल है धान, उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल एरिया की। 24 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग तापमान चाहिए, 150 से 180 तक वर्षा चाहिए होती है। स्वपरागित फसल है, बुआई जो की जाती है जून और जुलाई में की जाती है। अगर सीधी बुआई करनी है, सीधे छींट देना है, तो 100 केजी, 75 से 100 केजी प्रति हेक्टेयर चाहिए। अगर रोपाई करनी है तो 23 से 30 किलोग्राम या 25 से 30 किलोग्राम जो है प्रति हेक्टेयर बीज चाहिए होता है। प्रमुख खरपतवार नासी कौन सा है, नासी है ये। प्रोपेनिल जिसको स्टेम4 कहते हैं, बड़ा प्रचलित है। बूटाक्लोर जिसको मैचिटी के नाम से खूब बाजार में बेचा जाता है। फ्लूक्लोरेनिन है, ठीक है, ये सब प्रमुख धान के खरपतवार नासी। क्रिटिकल स्टेज ऑफ बूटिंग किसके लिए, चावल के लिए, यानी राइस के लिए, मतलब जब पहली बार आपको क्या करना है, पानी देना है। क्रिटिकल स्टेज ऑफ वाटर बूटिंग के समय, जब आप बूटिंग कर रहे होंगे। दूसरा है टिलरिंग, जब कल्ले निकल रहे हो 10 से 20 दिन बाद। फिर फ्लावरिंग, जब फूल निकलने लगे 40 से 60 दिन बाद। तो तीन ये क्रिटिकल स्टेज है वाटर के लिए। हाइब्रिड जो चावल है चीन में सर्वप्रथम विकसित किया था, ध्यान रखिएगा। डेपोग एक मेथड है चावल बोने की, जिसका प्रयोग फिलीपींस और जापान में किया जाता है। इसके लिए वही विधि, जैसे हमारे यहाँ रोपनी विधि है, लगभग वही विधि का प्रयोग जापान और इसमें प्रचलित है। ट्रांसप्लांट भी लगभग वही चीज़ है, जब पौधा चार पत्तियों युक्त हो जाए तब ले जाके दूसरी जगह गाड़ दो। तीन पत्ती भी हो सकती है, लेकिन ट्रांसप्लांट के लिए चार या तीन पत्ती आवश्यक है, इससे कम नहीं, इससे ज़्यादा भी नहीं। धान में पडिंग की जाती है, पंख भंजन मुख्यतः है, ये शब्द मुख्यतः पानी के रिसाव को कम करने के लिए पडिंग की जाती है, जिसको पंख भंजन बोलते हैं। धान की एक विधि है जिसको एक एक पौधे को रोपा जाता है, उसको श्री विधि बोलते हैं। वही चीज है जो हम लोग यहां चलती है, श्री विधि लगभग वही चीज है। विश्व में उत्पादित खाद्यान्न की समस्त फसलों में क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों दृष्टिकोण से चावल का पहला स्थान है, पहले भी आप देख चुके हैं। चावल में 6-7% प्रोटीन, 76% कार्बोहाइड्रेट, 2.5% वसा, 1.01% खनिज पाया जाता है। ठीक, प्रमुख किस्म कौन है चावल की, चावल की साकेत है, गोविंद है, कावेरी है, रत्ना है, जया है, सरजू है, मंसूरी है, लूनाश्री है, जमुना है, करुणा है, कृष्णा है, हंसा है, माही सुगंधा है, पूसा किस्म है,
लूनी श्री जो है केंद्रीय धान अनुसंधान जो कटक में है उसके द्वारा विकसित की गई है। प्रमुख रोग खैरा है जो जस्ता की कमी से होता है। गोल्डन धान है जिसमें विटामिन ए की मात्रा सर्वाधिक आप देख सकते हैं मिलेगी। चावल को धुलने पर विटामिन बी1 नष्ट हो जाता है। धुलने पर ही नहीं, अगर चावल को ज्यादा पॉलिश किया हुआ आप चावल खाएंगे तो बी1 आपको नहीं मिलेगा। सुगंधा दुनिया का पहला सुपरफाइन अनाज है जो चावल का है। सदाबहार, सदाबहार खस सौंफ सतावर में कौन सा रोजमर्रा में इस्तेमाल किया जाने वाला फल का भाग है, वो है सौंफ। पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। कनोला मानव उपयोग के लिए उगाई गई विशिष्ट प्रकार की तिलहन है। सरसों की किस्मों को निर्दिष्ट करता है। इन किस्मों की प्रमुख विशेषता है इनमें तेल में एरुसिक अम्ल की बहुत अल्प, मतलब इनके तेल में एरुसिक जो एसिड होता है अम्ल होता है बहुत कम मात्रा में होता है। कनोला में एरुसिक एसिड बड़े कम मात्रा में होता है। सब्जी उत्पादन में भारत किस नंबर पर है 2021-22 में, द्वितीय स्थान पर, नंबर एक पे कौन है चीन, नंबर दो पे भारत है, ध्यान रखिएगा। आलू ये क्या है, कंद है, कंद यानी तना है। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी प्रबंधन संस्थान NIFTM कहां पर है, कुंडली हरियाणा में है, ध्यान रखिएगा, हरियाणा ध्यान रखिएगा। बाकी कैल्शियम कार्बाइड एक रसायन है जो कौन सी गैस उत्पन्न करता है, एसिटिलीन गैस, शायद एसिटिलीन CH3CH3 होता है, देख लीजिएगा फार्मूला। फलों में अधिकतर कौन सी शर्करा पाई जाती है, फ्रक्टोज, फलों में फ्रक्टोज शर्करा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन जो एग्रीकल्चर में पूछा गया था एक एक करके देखते हैं, महत्वपूर्ण है। खाद्य प्रसंस्करण के जनक कौन कहलाते हैं, तो निकोलस एपर्ट, निकोलस एपर्ट जो है खाद्य प्रसंस्करण के जनक कहलाते हैं, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिए, भारत में खाद्य पदार्थों के प्रोसेसिंग हेतु 3 गामा संयंत्र लगाए गए हैं, कहां लगाए गए हैं गामा संयंत्र, सोनीपत हरियाणा में, अंबरनाथ महाराष्ट्र में, बड़ोदरा गुजरात में। 3 गामा संयंत्र सोनीपत, अंबरनाथ और बड़ोदरा में लगाया गया है। अगला प्रश्न है, सीरे में एस्टिक अम्ल की मात्रा कितनी होती है, तो 2-3% जो है एस्टिक अम्ल की मात्रा होती है, ठीक है। अगला देखिए, अम्लीय खाद्य पदार्थों में उपस्थित जीवाणु किस तापक्रम पर निष्क्रिय रहते हैं, तो -100°C है जिस पर वो निष्क्रिय रहते हैं। मार्मलेड किससे तैयार किया जाता है, नींबू प्रजाति, नींबू वंश के फलों से, चाहे वो संतरा हो, मौसमी हो, नींबू हो, तो मार्मलेड जो है नींबू प्रजाति के फलों से तैयार किया जाता है। अगला, टमाटर के केचप में प्रयुक्त होने वाला संरक्षी रसायन कौन सा है, जो टमाटर केचप को सुरक्षित रखता है, तो सोडियम बेंजोएट है। ज्यादातर पेय पदार्थों में सोडियम बेंजोएट डालकर उसको संरक्षित किया जाता है। यहां पे टमाटर के केचप को पूछा है तो यह भी ध्यान में रखना है आपको। फल सब्जी प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना कब की गई, तो 1 जनवरी 1993 को की गई है, 1993 को, किसकी, फल एवं सब्जी प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना की गई है। कार्डियल बनाने के लिए कुल ठोस पदार्थ एवं सल्फर डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा होनी चाहिए, सल्फर डाइऑक्साइड की जो मात्रा ठोस पदार्थ जो है वो 30% होना चाहिए, सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा 350 ppm होना चाहिए, पार्टिकुलेट पर मैटर होना चाहिए, ठीक है। भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की स्थापना कब की गई, जुलाई 1988 में। भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की स्थापना कब की गई है, तो 1988 में, यह आपको ध्यान में रखना है। सीधे सीधे वन लाइनर है तो कोई दिक्कत नहीं। नमक की कितनी मात्रा जो है सांद्रता प्रसंस्करण के लिए पर्याप्त होती है, तो 15-20% नमक की मात्रा प्रसंस्करण के सांद्रण के लिए चाहिए होती है। जेली में अम्ल चीनी की सांद्रता एवं जल की मात्रा कितनी होनी चाहिए, ठीक है, जेली में अम्ल कितना होगा, 0.5-1% तक चाहिए। चीनी कितनी चाहिए, 65%। जल की मात्रा कितनी चाहिए, 33-38% चाहिए होती है, ठीक है। जैसे एक मलाई मक्खन बेचा जाता है, आपको पता होगा ना, मलाई मक्खन में 1/3 चीनी मिलाते हैं, जैसे 15 किलो दूध लिया तो 5 किलो चीनी मिलाते हैं, फिर मलाई मक्खन बनाते हैं, जो मीठा वाला ये बेचने आते हैं 20-25 रुपए का देते हैं। पोटेशियम मेटाबाई सल्फेट का प्रयोग किसमें करते हैं, तो हल्के रंग वाले पेय पदार्थों में पोटेशियम मेटाबाई सल्फेट का प्रयोग किया जाता है,
ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं, अचार में नमक का प्रतिशत कितना होना चाहिए, कितना प्रतिशत नमक हो कि अचार खराब नहीं होना चाहिए, तो 15 से 16% जो है नमक की मात्रा होनी चाहिए अचार में, ठीक है। 15 से 16%, 100 किलो अगर अचार आप बना रहे हैं तो 15 से 16 किलो नमक उसमें आपको डालना होगा, तब अचार खराब नहीं होगा, ठीक है। जो एसिड मिलाते हैं वो नहीं मिलाना पड़ेगा। सूरजमुखी, सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, वनस्पति तेल में कौन सा हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त है, तो सूरजमुखी का तेल जो है हृदय रोगियों के लिए अच्छा माना जाता है, उपयुक्त माना जाता है, ठीक है। अगला जो प्रश्न पूछा गया था, रागी चावल अंडा बिना मलाई वाला दूध, इनमें से कौन सा एक पौष्टिक कैल्शियम का अच्छा स्रोत नहीं है, तो चावल जो है वो कैल्शियम का स्रोत नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बाकी रागी अंडा बिना मलाई का दूध भी कैल्शियम का अच्छा स्रोत होता है। सेब, संतरा, आंवला, आम, इनमें से किस फल में एस्कॉर्बिक एसिड की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है, वो है आंवला। आंवला में एस्कॉर्बिक एसिड की सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है, सेब, संतरा, आंवला, आम में सबसे अधिक किस में, आंवले में एस्कॉर्बिक एसिड की मात्रा पाई जाती है। अगला प्रश्न पूछा गया था यूपीपीएससी में, पके आम, पके पपीते, गाजर, पके टमाटर में सर्वाधिक विटामिन ए की मात्रा किस में पाई जाती है, तो पके हुए आम में। कभी कभी यहां पे प्रश्न इस तरह दे देगा कि ए ऑप्शन दे देगा आम, बी दे देगा पपीता, सी दे देगा आपका गाजर और डी दे देगा टमाटर, ठीक। जब इस तरह का प्रश्न दे देता है तब भी आपको आम ही आंसर लगाना है, क्योंकि आयोग आम ही मानता है, आम को पका आम अपने आप मान लेता है, ठीक है। हर आम तो उसके नजर में होता ही नहीं है, जबकि अगर ये चार ऑप्शन देखेंगे और रियली से आप जानना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा गाजर में होगा, क्योंकि पका टमाटर नहीं लिखा, टमाटर तो हरा भी हो सकता है, तो सबसे ज्यादा जो मात्रा होनी चाहिए गाजर में, लेकिन आयोग आम मानता है, तो हमेशा आपको विटामिन ए की मात्रा सर्वाधिक किस में होगी, आम में। अगर पका आम देता है तो उससे अच्छा कुछ है ही नहीं है। आलू, बंडा, बंडा जो होता है घुइया जो देखते हैं उसका बड़ा रूप होता है, शकरकंद, जिमीकंद, कौन सी सब्जी रूपांतरित रूट है, मॉडिफाइड रूट कौन सी है, शकरकंद जो है वो मॉडिफाइड रूट का उदाहरण भी है, और इन सब्जियों में जो है जैसे आलू आप जानते हैं तना है, बंडा भी तना आप जानते हैं, ठीक है, और शकरकंद जो है मॉडिफाइड रूट है, ये ध्यान रखना है आपको। अगला, आलू, टमाटर, आम, अंगूर, किस फल का विश्व में सर्वाधिक उत्पादन भारत में किया जाता है, नहीं नहीं विश्व में सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है, उनमें से सबसे ज्यादा तो आलू ही होगा, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, ठीक। प्याज, मेथी, लोबिया में किस सब्जी में सर्वाधिक कैल्शियम तत्व पाया जाता है, तो मेथी में सबसे अधिक कैल्शियम तत्व, ठीक है। अभी आपको फल का भी दिखाएंगे किसमें क्या सबसे अधिक है। सस्य स्वरूप यानी फसल स्वरूप को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण पहली है, तो भौगोलिक सोच विचार भी कह सकते हैं। कौन सा राज्य ट्यूबवेल से सिंचाई के लिए सर्वोच्च है, ट्यूबवेल से सिंचाई कहां पे सर्वाधिक है, उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा ट्यूबवेल की सिंचाई की जाती है। मक्के की फसल किसके द्वारा लाई गई भारत में, पुर्तगालियों द्वारा, ऊपर आप इसको पढ़ चुके हैं अच्छे से मक्के के बारे में। C4 प्लांट है मक्का, बायोडीजल भी उत्पादित होता है, अल्कोहलिक पेय भी मक्के से प्राप्त होता है। अधिकांश फलों में फ्रक्टोज पाया जाता है, मतलब फलों में फ्रक्टोज नॉर्मली मिलता ही है, अंगूर में ग्लूकोज की अधिकता होती है, तो सुक्रोज किस में पाया जाता है, सुक्रोज गन्ने में मिलता है, ध्यान रखिएगा, अंगूर में ग्लूकोज की मात्रा होती है, बाकी सभी फलों में फ्रक्टोज की मात्रा पाई जाती है, यह भी ध्यान रखिएगा। रोज सेंटेट प्रजाति किस फसल से संबंधित है, लीची से, रोज सेंटेट किससे है, लीची से है। सुपर स्टार किसकी प्रजाति है, गुलाब की प्रजाति है। एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर जोत है वो माना जाता है किसके नाम से, लघु कृषक। आगे आप देख लेंगे इसको समझ लीजिए, लेकिन अगर 1 से 2 हेक्टेयर है तो उसको लघु कृषक कैसे कहते हैं, देखिए जो मापक है उसमें सीमांत जोत की जो बात होती है, अगर 1 हेक्टेयर से कम भूमि है तो सीमांत जोत है। भारत में सीमांत जोत का जो प्रतिशत है कुल जोतों में 68.52% के साथ सर्वाधिक है, भारत में सर्वाधिक सीमांत जोत मिलती है। लघु जोत देखिए यहां पे वही प्रश्न है, किसान कैसा था, लघु जोत वाला था, तो 1 से 2 हेक्टेयर है। अर्ध मध्यम जोत 2 से 4 है, मध्यम जोत 4 से 10 है, बड़े जोत 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि है, तो
तो वो क्या कहलाता है, बड़े जोत वाले। अल्फा अल्फा क्या है, घास है, ये आप जानते हैं, इसको खा के पशु मोटे हो जाते हैं, अल्फा अल्फा घास को जल्दी मोटे होते हैं, दक्षिण अमेरिका में मिलती है, पशु जल्दी मोटे होते हैं, पशु दुधारू भी होते हैं, तो अल्फा अल्फा घास इसके लिए बहुत प्रसिद्ध है। एक वर्ग किलोमीटर में कितने हेक्टेयर होता है, तो 100 हेक्टेयर होता है, ध्यान रखिएगा। सेब की सुगंध जो होती है मुख्यतः मैलिक अम्ल के कारण होती है, सेब में सुगंध किसके कारण, मैलिक एसिड के कारण। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाएगा, विटामिन सी, ध्यान रखिएगा, विटामिन सी जो होता है, चाहे वो चावल भी धुलते हैं तो निकल जाता है। केवल आंवला एक ऐसा फ्रूट है जिसको आप धुलते भी हैं, उबालते हैं, तब भी इतनी ज्यादा मात्रा में विटामिन सी घुलित होता है कि वो निकलता नहीं, बाकी सभी फलों में बह जाता है कह सकते हैं। भारत में मक्के की खेती किस मौसम में की जाती है, तो मक्का जो है वर्ष भर की फसल है, पहले जायद की हुआ करती थी, अब वर्ष भर है। भारत में जूट का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल राज्य में होता है। किस कृषि वैज्ञानिक को महाधान या सुपर राइस विकसित किया था, तो जीएस खुश ने किया था, खुश साहब ने क्या किया था, सुपर राइस महाधान विकसित किया था। चावल की खेदे के लिए आदर्श जलवायु पहले भी बता चुके हैं, 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा चाहिए होती है, 100 से 200 सेंटीमीटर तक तो बहुत अच्छा है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ताप ऊपर चाहिए होता है चावल की खेती को। साओ पालो ब्राजील में है, मंडी है वहां की, पूछ रहा है मतलब किसका उत्पादन होता है, तंबाकू का, चाय का, कहवा का, कोकोवा का, तो साओ पालो मंडी जो है विश्व की सबसे बड़ी कहवा मंडी है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ब्राजील में है, दक्षिण अमेरिका में। यदि खाद्यान्नों को सुरक्षित संग्रह सुरक्षित करना हो तो कटाई के समय उसकी आर्द्रता का अंश कितना होना चाहिए, 12%। 12% से अधिक अगर आर्द्रता है तो आप संग्रह करके ज्यादा दिन तक नहीं रख पाएंगे, उसको आपको फिर धूप में डाल के सुखवाना पड़ेगा। खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना कब और कहां हुई, तो 1945 में, FAO है ये, रोम में इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। भारत में कौन सा राज्य फलों का सर्वाधिक उत्पादन करता है, भारत में तो आंध्र प्रदेश करता है 2021-22 के डेटा के अनुसार। फल उत्पादन में आप देख रहे हैं चीन नंबर एक है, दूसरे नंबर पे भारत है, फिर ब्राजील है, फिर चौथे नंबर पे USA है। भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन आम का होता है, पपीता का, केला का, नींबू का, इन सब में भारत प्रथम स्थान पे है। भारत आम, पपीता, केला, नींबू, इन सब में प्रथम स्थान पर है विश्व में। विश्व में नंबर एक है किसमें, किसमें, आम में है, पपीता में है, केला में है, नींबू में है। भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन फल का आंध्र प्रदेश करता है, फिर महाराष्ट्र करता है, फिर यूपी करता है। ठीक, ये चीज याद कर लीजिएगा अच्छे से। सेब के फलों में हल्का लाल रंग का जो पिगमेंट होता है एंथोसाइनिन के कारण होता है। विश्व में कौन सा देश फलों का उत्पादन, अभी आपने ऊपर देखा था चीन करता है, दूसरे नंबर पर भारत है। कुछ फल हमने आपको दिखाए थे अभी जिसमें जो है भारत नंबर एक था, कौन था, आम, पपीता, केला और नींबू में भारत प्रथम स्थान है विश्व में रखता है। अमरूद का कौन सा भाग खाया जाता है, अभी आगे आपको मिल जाएगा कि कौन किसका कौन सा भाग खाते हैं एक साथ, लेकिन यहां प्रश्न पूछा है तो देख लीजिए, पेरिकारी और थैलेमस। सिट्रस फल जो होते हैं, सिट्रस मतलब नींबू वर्गीय जो फल है, इनमें हानिकारक विषाणु जनित बीमारी कौन सी है, तो ट्रिस्टेडा। ये नींबू वंशीय फल जो होते हैं, नींबू वर्ग के फल जो हैं, नींबू फैमिली के जो हैं, उनमें ट्रिस्टेडा नामक बीमारी होती है। बेर, जामुन, फालसा, चेरी, खट्टी और मीठी दोनों, आंवला इत्यादि फलों का कौन सा भाग खाया जाता है, चाहे वो बेर हो, जामुन हो, फालसा हो, चेरी हो, आंवला हो, सब में आप देखते हैं बीच में बीज होता है, तो उसकी बाह्य फल भित्ति और मध्य फल भित्ति, मान लीजिए ये फल है, बीच में बीज है, तो इसकी बाह्य फल भित्ति भी खाते हैं, और ये जो बीच वाला भाग है मध्य फल भित्ति, जिसको मेजोकार्प कहते हैं, ये भी खाते हैं, ये इक्सोकार्प है, दोनों खा जाते हैं। ठीक, इसमें छीलने की जरूरत हमको नहीं पड़ती है नॉर्मली। आम, लीची, पपीता, सपोटा में किस फल में विटामिन ए सर्वाधिक मात्रा पाया जाता है, तो पके आम में, देखिए आम लिखा है तब भी उत्तर आयोग ने आम ही मान लिया है। आगे आपको पोमोलॉजी पढ़ाएंगे थोड़ा सा, तो उसमें आपको दिखाएंगे। भारत विश्व में फल उत्पादन में किस स्थान पर, आप देख चुके हैं द्वितीय, पहले नंबर पर कौन है, तो चीन है, और भारत में आंध्र प्रदेश पहले नंबर पर है, आपने देखा है। आम किस देश का मूलज है, इंडो बर्मन का, लगता तो भारत का मूलता है, लेकिन इंडो बर्मन क्षेत्र का जो है आम मूलज है, मूल स्थान है जहां से
केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण तकनीक अनुसंधान संस्थान मैसूर कर्नाटक में स्थित है। स्टरलाइजेशन की जो प्रक्रिया होती है वो सब्जियों में अपनाई जाती है ताकि बैक्टीरिया को खत्म किया जा सके, मारा जा सके। ये हम लोग घर में भी अपना रहे थे जब कोरोना आया था। पपेन किस फल में एकत्रित किया जाता है या निकाला जाता है, तो पपीता से पपेन जो है वो निकाला जाता है। रूटेसी किस फल का कुल है, तो कमरख जो होता है वो रूटेसी फैमिली का है। आम की एक फसल है आम्रपाली, इसके कितने प्रति हेक्टेयर में कितने पौधरोपण किए जा सकते हैं, तो 1600 एक हेक्टेयर में। कैंकर जो रोग है एक बड़ी समस्या है, वो नींबू वर्गीय खासकर नींबू और लाइम जो होता है उसकी प्रमुख समस्या है, ठीक है। आम की बेमौसमी किस्म कौन सी है, ऑफ सीजन किस्म कौन सी है, निरंजन है। सिंधु एक आम की किस्म है जो गुठली रहित होती है, गुठली रहित इसमें गुठली ही नहीं होती है, यह ध्यान रखिएगा। अमरूद पपीता काजू करौदा विटामिन B1 का सबसे धनी स्रोत इसमें कौन सा है पूछा जाए, तो काजू है। अभी आपको दिखाएंगे विटामिन B1 थायमिन किसमें मिलता है, वो लास्ट में आप देखिएगा, अभी वन लाइनर कर लीजिए। अमरूद पपीता काजू करौदा विटामिन B1, अगर पपीता पूछता तो यहां विटामिन ए हो सकता था। B1 का सबसे अच्छा स्रोत काजू है। बाथरूम फल किसको कहते हैं, आम को बाथरूम फल के नाम से जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न है आम का कुर्चना मैंगो मेलफॉर्मेशन जो रोग है, इसकी रोगरोधी किस्म बहादुरन है, इलायची किस्म है, एलिब है, ये सभी आम की किस्में हैं। यहां पे देखो आ गई सीडलेस बीज रहित वैरायटी सिंधु है। किसमें ब्लीचिंग की प्रक्रिया की जाती है, ब्लीचिंग की प्रक्रिया की जाती है तो सब्जियों में। फलों में पैक्टिज की मात्रा ज्ञात करने के लिए जेली मीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला है कौन सी फसल न्यूनतम जल दक्ष लीस्ट वाटर इफिशियंसी वाली फसल है, वो है गन्ना। लीस्ट वाटर इफिशियंसी वाली फसल कौन सी है, गन्ना। बालगार्ड 1 बालगार्ड 2 प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है किसके लिए, आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलों के पादपों के विकास के लिए। बालगार्ड 1 है बालगार्ड 2 है। कौशल किस फसल की उन्नति प्रजाति है, मूंगफली की उन्नत प्रजाति है, किसकी, मूंगफली की। स्पॉन्जी टिश्यू स्पॉन्जी ऊतक के कारण आम की किस प्रजाति का निर्यात कुर प्रभावित हो रहा है, यह ऊपर भी हमने बताया है अल्फांसो का। हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं का प्रति एकड़ रिकॉर्ड जो उत्पादन रहा है 2222 किलोग्राम रहा है एक हेक्टेयर में, ठीक बहुत ज्यादा है। दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता क्षेत्र पाया जाता है तमिलनाडु के तट पर, उच्च कृषि उत्पादकता प्रोडक्टिविटी, हालांकि तमिलनाडु में वैसे भी हर फलों की जो है वो प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, पंजाब में तमिलनाडु में इन सब में प्रोडक्टिविटी हर चीज की ज्यादा है। देश में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन कौन करता है, ये आप पहले भी देख चुके हैं उत्तर प्रदेश। भारत में सर्वाधिक काफी उत्पादक कौन है, कर्नाटक है, ये 2021-22 के आंकड़े अनुसार आपने देख लिया है। मैकरेनी गेहूं ऊपर हम इसको बता चुके हैं असिंचित परिस्थितियों में सबसे उपयुक्त है मैक्रोनी गेहूं। इमर गेहूं दक्षिण भारत में बोया जाता है ना, ये आपको हम पहले ऊपर बता चुके हैं। तो मैक्रोनी गेहूं है जो एक जिसको हार्ड व्हीट के नाम से जानते हैं, इससे सूजी बनाई जाती है। इसी के साथ आप इमर गेहूं भी यहां दोबारा लिख लीजिएगा, ये दक्षिण भारत में बोई जाती है इमर गेहूं और इससे सूजी बनाई जाती है, हार्ड व्हीट के नाम से इसको जानते हैं, हार्ड व्हीट के नाम से, ठीक है। अगला आ जाइए, कौन सा तत्व तो सरसों के तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए उपयोगी है, सल्फर इसमें लिखा नहीं है, सल्फर है, ठीक है इसके आगे प्रश्न बन गया, सल्फर है। तेल की मात्रा अगर सरसों में बढ़ाना है तो यहां तक आप लीजिएगा सल्फर तक। अगला प्रश्न है मसूर अलसी सरसों सोयाबीन में कौन सी एक खरीफ की फसल है, सोयाबीन खरीफ की फसल है, इसका ऊपर डिटेल हमने दिया है, सोयाबीन खरीफ की फसल है, बाकी सभी रबी की फसलें चाहे मसूर हो अलसी हो सरसों हो ये सब किसकी किस्में हैं, मतलब किस समय की हैं, तो रबी फसल है, बाकी सोयाबीन आप देख सकते हैं खरीफ की फसल है, ये ध्यान रखिएगा। और सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए सल्फर ज़्यादा होना चाहिए। पालक गाजर पात गोभी फूल गोभी विटामिन ए की मात्रा किसमें सर्वाधिक होगी, तो पालक में होगी। केले के बीज का प्रसारण किस विधि से करते हैं, तो सोड़ भूस्तारी या वाटर सर्कस विधि से करते हैं। अखरोट में कुल वसा की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, 64.4%, सबसे ज्यादा अखरोट में वसा होती है।
आम का कौन सा भाग खाया जाता है? तो मध्य फल वृत्ति। देखते हैं आप आम बनेगा कैसे, मुझे तो पता नहीं आम बना है सही कि नहीं। बाहर का भाग निकाल देते हैं, बीज का भाग निकाल देते हैं, बसता है ये जो बीच वाला भाग है, इसी को कहते हैं मध्य फल वृत्ति। ये बीज है तो बीज निकाल देंगे, बाहर का भाग निकाल देंगे, मध्य फल वृत्ति को प्यार से खाते हैं पका के। कौन सा शहर बागों के शहर के नाम से प्रसिद्ध है? दो है, एक बंगलुरु, दूसरा लखनऊ उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध है प्रादेशिक रूप से। स्पंजी ऊतक क्षय किस फल का रोग है? आम का। टिशू क्या होता है? सेल, कई सेल्स एक तरह की काम करने वाली, जब कई सेल्स मिलकर किसी आर्गन मतलब किसी एक जगह इकट्ठा हो जाती है एक ही तरह काम करने वाली, तब उसको टिशू बोलते हैं। और यही टिशू बाद में जो मिलकर अंग का निर्माण करता है, ठीक है, चाहे वो पौधा हो चाहे इंसान हो। फलों का फटना फ्रूट स्प्लिटिंग जो है किन की समस्या है? तो लीची की समस्या है, बेर की है, चेरी की है। हालांकि बेर में बहुत, हाँ बेर में फटता तो है ये, लीची भी फटती है चेरी भी। लखनऊ 49 किसी की किस्म है? तो अमरूद की है। अमरूद के लिए इलाहाबाद बहुत फेमस है आप जानते हैं, ठीक, इलाहाबादी अमरूद। भारत में काजू का सबसे बड़ा उत्पादक महाराष्ट्र, फिर आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा है। ये नवीनतम आंकड़ा है 2022 का, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। काजू सबसे अधिक महाराष्ट्र, फिर आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा। आम में काला सिरा ब्लैक टिप रोग जो है वो जीवाणु से होता है, ध्यान रखिएगा, पहले भी ऊपर दिखा चुके हैं। ब्रह्मभूणता जिसको पाली इम्ब्रायनी कहते हैं, जामुन में होती है, आम में होती है, सिट्रस फलों में पाली इम्ब्रायनी पाई जाती है। सेब फाल्स फ्रूट है, फाल्स फ्रूट है, ठीक है। संसार में अनानास पाइन एप्पल का सर्वाधिक उत्पादक कोस्टारिका करता है। उत्तर प्रदेश के किस राज्य में आम का सर्वाधिक उत्पादन होता है, मतलब उत्तर प्रदेश में भारत के किस राज्य में, उत्तर प्रदेश में ये गलत है, उत्तर ही लुटा है, भारत के किस राज्य में आम का सर्वाधिक उत्पादन होता है? उत्तर प्रदेश में। सेब का कौन सा फल? तो इसका खाया जाता है मांसल गुदेदार पुष्पासन या मांसल पुष्पासन बोलते हैं। फ्लैसी थैलेमस खाया जाता है, फ्लैसी थैलेमस, पूरा का पूरा सेब खा लेते हैं, छोटा सा बीज निकाल के फेंक देते हैं, बाकी सब खा जाते हैं उसका। छिलका भी खाना चाहिए सेब का, वो फायदेमंद है, लेकिन ऐसा नहीं कि रोगी को खिला दीजिए। अगर नॉर्मल आदमी खा रहा है तो काट काट के पूरा सेब खाना चाहिए, सबसे बेस्ट है। सेब को अगर आप काट के खाते हैं तो उसका समझ लीजिए 25% आपने बेकार कर दिया, और छील के खा रहे हैं तो 70% भाग आपने बेकार कर दिया। सेब हमेशा ज़्यादा ज़्यादा चबा के और मुँह से डायरेक्ट खाना चाहिए, वो मुँह से खाने वाला फल माना जाता है। वानस्पतिक रूप से केला क्या है? बेरी फ्रूट्स है, ठीक है। कैल्शियम कार्बाइड रसायन है, बेंजीन, इथाइलीन, एसिटिलीन, मीथेन गैस में कौन सी गैस निकलती है? एसिटिलीन गैस निकलती है, ठीक। नींबू जात के फलों में सिट्रस कैंकर का कारण जीवाणु है। बंचीटॉप, यहां पे देखिए केला की बीमारी है, ध्यान रखिएगा, लेकिन गुच्छा शब्द आ जाएगा, गुच्छा रोग आ जाएगा, तो आप आम लगा दीजिएगा। हालांकि हिंदी जो दी जाती है बंचीटॉप की, गुच्छा रोग आम के बौर में भी लगता है, केले में भी होता है, लेकिन बंचीटॉप स्पेशली आए तो केला होगा। ऊपर हमने गलती से आम लिख दिया था। लंगड़ा, दशहरी, आम्रपाली, बेनिशान, ठीक, आम की नियमित फसल देने वाली आम्रपाली है, नियमित फसल जो देती है। 2021-22 के अनुसार मसाले के उत्पादन में प्रथम और द्वितीय स्थान पर मध्य प्रदेश, राजस्थान का नंबर है, केरल मत लगा दीजिएगा गलती से। किस राज्य में आम का सर्वाधिक उत्पादन है? ये फिर से दोबारा प्रश्न पता नहीं कहां से आ गया, बहरहाल उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। सेब का कौन सा भाग? फिर से वही आ गया, फ्लैसी जो है पुष्पासन खाते हैं, ध्यान रखिएगा। पनामा मलानी एक बीमारी है, केला में होती है, ध्यान रखिएगा। कुर्ग हनीड्यू, पूसा डेलिसियस, पूसा नन्हा, पूसा ड्वार्फ किसकी किस्में हैं? पपीता की। किसकी उत्तम प्रजातियां हैं? पपीता की। मध्य एशिया, दक्षिणी अमेरिका, पूर्वी यूरोप, उष्ण अमेरिका में पपीता की उत्पत्ति स्थान उष्ण अमेरिका है, ध्यान रखिएगा। अर्कावती किस, उष्ण अमेरिका का मतलब हुआ जो ट्रॉपिकल रीजन में पड़ता है, खासकर मैक्सिको आप कह सकते हैं। अर्कावती किस फल की संकर किस्म है? तो अंगूर की है। सेब के फल बगीचों में सर्वाधिक हानि किस रोग से होती है? तो एप्पल स्क्रैब,
एप्पल स्क्रैब, स्क्रैब एप्पल की बीमारी है, से फल की, सेब के फल की बीमारी है, ध्यान रखिएगा। पूसा सीडलेस किस्म आम, अंगूर, अमरूद, अनानास में किससे संबंधित है, तो पूसा सीडलेस अंगूर से। पपीते के फलों में पीला रंग किस पिगमेंट के कारण होता है, कैरिकाजेंथिन के कारण होता है, ये आप कई बार पढ़ चुके हैं ऊपर। लीची फल का खाने वाला भाग कौन सा है, गूदेदार बीज, फ्लैसी एरिल खाया जाता है, लीची का पूरा एरिल ही खा जाते हैं, जैसे अनार है उसका रसदार टेस्टा खा जाते हैं हम लोग। आम, अमरूद, जामुन, बेल में कौन सा फल शुगर रोगियों के लिए अच्छा है, तो सबसे अच्छा जो माना जाता है वो जामुन माना जाता है, जामुन की इसीलिए पत्ती भी कहा जाता है कि पीस के पिया जाए तो अच्छा रहेगा। सिगाटोका किसकी बीमारी है, पहले भी दिखा चुके हैं, केला से है। देश में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है आलू का, गेहूं का सबसे ज्यादा, कुल खाद्यान्न भी उत्तर प्रदेश सबसे अधिक करता है, गन्ना का भी करता है, मटर का भी करता है, इन सब में गेहूं, गेहूं हो गया, आलू हो गया, खाद्यान्न कुल खाद्यान्न, गन्ना हो गया, मटर, इन सब में उत्तर प्रदेश का नंबर एक स्थान है। कल्याण सोना गेहूं की किस्म है, ऊपर आप देख चुके हैं डिटेल में। किस खुशबूदार उपज मसाले के लिए नागौर राजस्थान का प्रसिद्ध है, तो मेथी के लिए, मेथी हम लोगों के यहां भी होती है, अगर आप बोएंगे तो हो जाएगी। कौन सा रसायन फलों और सब्जियों को दृढ़ रखने के लिए उपयोग किया जाता है, कैल्शियम क्लोराइड। जेली फलों में पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए, पैक्टिन की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए। फलों में रंग परिवर्तन होता है एंजाइम से। जेली में प्रायः अधोलिखित फल अमरूद, सेब, अंगूर और करौदा जेली में पड़ते हैं। अमरूद, सेब, अंगूर, करौदा, इन सबसे जेली बनाई जाती है। शीतगृह रेफ्रिजरेटर में फल सब्जियों को कितने तापमान पर रखना चाहिए, तो 3.9 से 7.2 के तापमान पर रखना चाहिए, सबसे बेस्ट है। सिरका में एस्टिक अम्ल की मात्रा जो होती है 4.5% होती है। एल्कोहलिक जो किण्वन होता है फर्मेंटेशन, खमीर किस पर क्रिया करता है, तो कार्बोहाइड्रेट पर। खमीर जो है सीधे कार्बोहाइड्रेट पर हमला बोल देता है, खमीर मतलब ईस्ट, ईस्ट किस पर करता है, कार्बोहाइड्रेट पर। सेब को चाकू से काटने पर जो उसका रंग भूरा हो जाता है वो एंजाइम के कारण होता है। स्क्वैश किस प्रकार के फलों से बनाया जाता है, स्क्वैश, स्क्वैश नींबू वंश के फल, नींबू संतरा से बनाया जाता है, नींबू वर्गीय फलों से बनाया जाता है, खासकर नींबू और संतरा से। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान मैसूर में है। सोडा वाटर नामक पेय में क्या मिलाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेटेड वाटर भी बोलते हैं। प्रमुख खाद्यान्न फसल, देखिए फसल देखेंगे, जन्मस्थान देखेंगे, जलवायु देखेंगे, तापमान, फिर वर्षा, फिर मिट्टी। जैसे धान है, शायद ऊपर भी इसको हम पढ़ चुके हैं, चल बराबर देख लेते हैं। भारत इंडो चाइना उत्पत्ति है, उष्ण आद्र जलवायु है, 20 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए होता है, 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए होती है, चिकनी या जलोढ़ मिट्टी चाहिए होती है धान को। मक्का मध्य अमेरिका की फसल है, मतलब मूल उत्पत्ति जो है मध्य अमेरिका है। उपोष्ण फसल है, 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए, 60 से 120 सेंटीमीटर और वर्षा चाहिए, दोमन मिट्टी चाहिए होती है मक्का के लिए। ज्वार, ज्वार की उत्पत्ति भारत है, कैसी फसल है, उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय मतलब 23.5 नॉर्थ से 23.5 साउथ, मतलब कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का भाग। कर्क रेखा, ये मकर रेखा, ये मकर रेखा, ये कर्क रेखा, ये कर्क, ये मकर, इसके बीच के भाग को उष्णकटिबंध कहते हैं। तापमान 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए होता है, 30 से 75 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए, बलुई दोमट मिट्टी चाहिए होती है। बाजरा के लिए क्या चाहिए होता है, अफ्रीका की मूल फसल है, वहां से हुई, इसको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र चाहिए होता है, उष्णकटिबंधीय है, ठीक है। 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए, 37 से 75 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए, बलुई दोमट मिट्टी चाहिए। गेहूं मध्य एशिया की फसल है, कहां की है, मध्य एशिया की, समशीतोष्ण, 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए, 75 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए, दोमट मिट्टी चाहिए। जौ चीन की फसल है, समशीतोष्ण जलवायु चाहिए होती है, 15 से 21 सेंटीग्रेड तापमान चाहिए होती है, 60 सेंटीमीटर वर्षा और दोमन मिट्टी, मतलब ये स्थिति अगर रहेगी तो फसल सबसे अच्छी उगेगी, अपना फसल सबसे अच्छा दे पाएगा। देखिए किसी भी फसल को उगाने के लिए तीन चीज चाहिए होती है, तीन चीजें चाहिए होती है, एक होता है कि वहां पर टेम्परेचर कैसा है, टेम्परेचर के साथ साथ वहां पर मतलब मिट्टी कैसी है, सॉयल कैसी है, ठीक। और तीसरी चीज चाहिए होती है रेनफॉल, रेनफॉल यानी वर्षा कैसी है वहां पे। तीन चीज किसी फसल को उगाता है, जो ये क्षेत्र है जहां पे टेम्परेचर अच्छा मिल जाएगा, तापमान अच्छा मिल जाएगा फसल के अकॉर्डिंग, तो मिट्टी अच्छी मिल जाए और वहां पे वर्षा अच्छी मिल जाए
तो इस ये जो क्षेत्र है यहाँ पर सबसे अच्छी फसल होगी, जिसको कहेंगे गुड क्रॉप, बहुत अच्छा उत्पादन होगा, ये आप कह सकते हैं फसल के लिए बहुत अच्छा होगा। ये पोजीशन जहां पे ठीक टेम्परेचर मिल जाए, सटीक मिट्टी मिल जाए, सटीक टेम्परेचर मिल जाए, सटीक वर्षा मिल जाए, ठीक है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है, हरियाणा में, पशु चिकित्सा, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली में है, केंद्रीय मत्स्यकी शिक्षा संस्थान कहां पे है तो मुंबई में है। आइए राष्ट्रीय अनुसंधान पहले देखते हैं, राष्ट्रीय नेशनल वाले। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कटक में है, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा में है, भारतीय दलहन कानपुर में है, केंद्रीय तंबाकू राजमुंद्री में है, तंबाकू कहां है राजमुंद्री में, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां है लखनऊ में, भारतीय गन्ना काउंसिल कहां है तो शाहजहांपुर में, गन्ना प्रजनन संस्थान कहां है कोयम्बटूर में, यहां पे भी लिख लीजिएगा गन्ना काउंसिल, भारतीय गन्ना काउंसिल अगर पूछा जाए तो शाहजहांपुर में है, शाहजहांपुर। ये तीनों एक साथ ही पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। गन्ना प्रजनन आएगा तो कोयम्बटूर करा दीजिएगा, प्रजनन अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, तंबाकू राजमुंद्री में है, ध्यान रखिएगा। तीन ये है, मतलब ये वाले, गन्ना काउंसिल शाहजहांपुर में है, केंद्रीय कपास संस्थान नागपुर में है, कौन सा कपास वाला नागपुर का, केंद्रीय जूट और संबंध रेशा अनुसंधान संस्थान बैरकपुर पश्चिम बंगाल में, चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान यूपी झांसी में है, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में है, उपोष्ण कहां पे है लखनऊ में, उपोष्ण सब ट्रॉपिकल, क्योंकि लखनऊ सब ट्रॉपिकल में है, शीतोष्ण कहां पे है श्रीनगर में, शुष्क कहां पे है बीकानेर में, ये भारत है, ठीक, ये 23.5 डिग्री जा रही है, ये लखनऊ है, यहां पे कौन सा संस्थान होगा उपोष्ण यानी सब ट्रॉपिकल वाला होगा, श्रीनगर यहां पे है तो कौन सा होगा शीतोष्ण होगा टेम्परेट वाला बागवानी संस्थान, और यहां पे बीकानेर राजस्थान में है तो यहां पे कौन सा होगा शुष्क होगा, क्योंकि ये कर्क रेखा के पास है, ये बना ऐसा है लखनऊ यहां होना चाहिए, ठीक है। ये चलिए भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है, आलू अनुसंधान शिमला में है, कुफरी शिमला के लिए प्रसिद्ध है, केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान कासरगोड में है, केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान पोर्ट ब्लेयर में है, कृषि ध्यान रखिएगा ये बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सारे इंपॉर्टेंट ही लिखा है वैसे मैंने। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कालीकट में है, केरल के पास कालीकट, केंद्रीय मृदा जल संरक्षण अनुसंधान संस्थान देहरादून में है, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहां पे है मृदा विज्ञान भोपाल में, एक शब्द पकड़ को याद कर लीजिएगा तो हमेशा के लिए याद रहेगा, जैसे केंद्रीय मृदा है और साथ में लवणता लगा है तो अब इसको मृदा लवणता याद कर लीजिएगा, करनाल में है, बात खत्म हो जाएगी सारी। केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान हैदराबाद में है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान जोधपुर में है, केंद्रीय अभियंत्रिकी संस्थान भोपाल में है, केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी मुंबई में है, राष्ट्रीय जूट एवं संबद्ध रेता पहले भी आया है कोलकाता में है, भारतीय कृषि सांख्यिकी नई दिल्ली में है, बकरी अनुसंधान मखदूम में है, भैंस अनुसंधान हिसार हरियाणा में है, भैंस से संबंधित पक्षी इज्जतनगर, समुद्री मत्स्यकी कहां पे है कोची में अनुसंधान संस्थान, अंतःस्थलीय मत्स्यकी मतलब मछली से संबंधित बैरकपुर में है, केंद्रीय मत्स्यकी प्रौद्योगिकी संस्थान कोची में है, ये ऊपर आ चुका है, केंद्रीय ताजा जल जीवशाला पालन संस्थान भुवनेश्वर में है, ये इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान एवं प्रबंधन अकादमी हैदराबाद में है, राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र देख लीजिए, राष्ट्रीय पादप जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र दिल्ली में है, समन्वित कीट प्रबंधन नई दिल्ली में है, लीची अनुसंधान केंद्र पूछा गया है तो मुजफ्फरनगर या मुजफ्फरपुर याद रखिएगा, नींबू वर्गों से संबंधित नागपुर, ना से नींबू ना से नागपुर, अंगूर अनुसंधान केंद्र पुणे में है, केला कहाँ पे है त्रिची में है पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है कई बार, राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र अजमेर में है, राष्ट्रीय अनार जो है सोलापुर में है, नहीं याद करेंगे चलेगा, कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान झांसी में, लेकिन पूछ सकता है अनार का एक बार पूछा गया है, राष्ट्रीय ऊंट या उष्ट अनुसंधान संस्थान बीकानेर में है, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा,
अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार में है, मांस अनुसंधान केंद्र हैदराबाद में है, ध्यान रखिएगा, सुकर यानी सुअर अनुसंधान केंद्र गुवाहाटी में है। इंडियन, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में, IARI बोलते हैं, क्या बोलते हैं, IARI, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक एंड ब्रीडिंग, ट्री ब्रीडिंग, सिलांग कोयम्बटूर में है, ट्री ब्रीडिंग है, सिलांग में है। इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है झांसी में है, इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी में है। इंडियन ग्रेन स्टोरेज इंस्टीट्यूट कहां पे है, हापुड़ में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल मध्य प्रदेश में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च हिसार बेंगलोर में है, हिसार घट्टा शायद बोलते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, पल्स वाला पहले भी बता चुके हैं, ऊपर कानपुर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सुगर केन रिसर्च पहले भी आप देख चुके हैं, लखनऊ में है। लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट रांची में है। वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर बरेली में, ऊपर भी आप देख चुके हैं, पक्षी वाला भी है। ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट सुगर केन पहले भी देख चुके हैं, कोयम्बटूर में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी में, ऊपर आप देख चुके हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो इस तरह के निशान बना के लिखे गए हैं। इंटरनेशनल सेंटर फॉर पोटैटो लीमा पेरू में, बहरहाल इंटरनेशनल पोटैटो ध्यान रखिएगा लीमा पेरू में है। इंटरनेशनल बोर्ड प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज रोम में है। सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी नई दिल्ली में है, इंटरनेशनल नई दिल्ली में है। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट पटनचेरू हैदराबाद में है। फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल वाशिंगटन DC में है। इंटरनेशनल लेबोरेटरी फॉर रिसर्च एनिमल, एनिमल वाला नैरोबी केन्या में है। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट लान बेनास फिलीपींस में है। कई बार कुछ रिवीजन हो जाएगा, कई बार हो जा रहा है, जैसे सेंट्रल एग्रीकल्चर रिसर्च पहली भी आप देख चुके हैं, पोर्ट ब्लेयर में है। एबियन रिसर्च पक्षी वाला इज्जतनगर में, ऊपर देख चुके हैं दो तीन बार। एरिड जोन कहाँ पे है, जोधपुर में देख चुके हैं। फूड टेक्नोलॉजी कहाँ पे है, मैसूर में, ऊपर देख चुके हैं आप। इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर लखनऊ में है। उपोष्ण बागवानी संस्थान ऊपर आप देख चुके हैं। मेडिसिन टैन एरोमेटिक प्लांट जो है लखनऊ में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च आर्ट कॉटन टेक्नोलॉजी मुंबई में है। पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट भारत में, ऊपर आप देख चुके हैं, शिमला में है। राइस वाला भी आप कटक देख चुके हैं। सॉयल वाटर कंजर्वेशन भी आप देहरादून दूर देख चुके हैं। टोबैको आंध्र प्रदेश राजमुंद्री, ये भी आप ऊपर देख चुके हैं कई बार। कापार्ट, कापार्ट का मुख्यालय नई दिल्ली में, इसका गठन सितंबर 1986 में किया गया था, ग्रामीण समृद्धि के लिए परियोजनाओं के कार्यान्वयन में स्वैच्छिक कार्य को प्रोत्साहन देने में मदद करना इसका मुख्य काम है। 1986 में मुख्यालय नई दिल्ली में है। प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहां स्थापित किया गया, तो पांडिचेरी में, पहला कृषि विश्वविद्यालय। बहरहाल ये PDF हो गया है, तो दूसरा PDF लेके फिर शुरू करते हैं, चलिए। तो आगे चलते हैं एग्रीकल्चर में ही, तो जल्दी से देख लीजिए फटाफट, वन लाइनर है। भारत में स्वीकृत प्राप्त दो प्रमुख परिरक्षक कौन से हैं, तो सोडियम बेंजोएट है, पोटेशियम मेटाबाइस सल्फाइट है, ठीक है। सोडियम बेंजोएट है, पोटेशियम मेटाबाइस सल्फाइट है, ये भारत में स्वीकृत प्रमुख परिरक्षक है, जो डिब्बा बंद सामान आता है उसमें डाले जाते हैं। पाश्चुराइजेशन में खाद्य पदार्थों में सब्जियों को छोड़कर कितने तापमान पर रखा जाता है, -61 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है। लैक्टिक अम्ल किण्वन कैसी अभिक्रिया है, तो ऑक्सी और अनाक्सी अभिक्रिया है। अगला है, किण्वन की क्रिया को किस उपकरण द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तो कून्स नली के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अगला आ जाइए, डिप्लाज्मोलाइसिस किसका उदाहरण है, अंगूर का चीनी के घोल में सिकुड़ना डिप्लाज्मोलाइसिस है। अंगूर का चीनी और जो किशमिश होता है उसका पानी में फूलना क्या, ऑस्मोसिस क्रिया होती है, ये डिप्लाज्मोलाइसिस है। अंगूर का चीनी के घोल में सिकुड़ना, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है, एथाइल अल्कोहल बनता है, यह भी ध्यान रखिएगा। फलों की जेली बनाने के लिए साधारणतया या सामान्यतया किस अम्ल का प्रयोग होता है, साइट्रिक अम्ल का प्रयोग होता है। एक शीत सूक्ष्म जीव जो शराब उद्योग के अल्कोहलिक किण्वन के लिए प्रयुक्त होता है वो है ईस्ट या खमीर है। केसर मसाला जिसको सैफ्रॉन स्पाइस भी बोलते हैं बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है,
तो वर्तिकाग्र या स्टिग्मा, ऊपर वाला जो ऐसे निकला रहता है, ठीक है, उसको लाया जाता है। वृक्षों में इंजेक्थिमा नामक बीमारी किसकी कमी से होती है? तांबे की कमी से वृक्षों में इंजेक्थिमा नामक बीमारी हो जाती है। नत्रजन स्थिरीकरण यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जीवों में नत्रजन को स्थिर करने वाला एंजाइम कौन सा है? तो नाइट्रोजिनेज है, ठीक है, नाइट्रोजिनेज बोलते हैं उसको, ध्यान रखिएगा। सही सुमेलित है, मूंगफली की किस्म है चंद्रा, मसूर की है पंत L406, सरसों की है वरुड़ा, सरसों की पीले सरसों की वरुड़ा है, बहुत पूछी जाती है, ध्यान रखिएगा। कह रहा है काजू काफी मूंगफली चीड़ में कौन बीज उत्पादित करता है, ठीक है, परंतु फूल नहीं करता है, वो है चीड़। बीज उत्पादित करेगा लेकिन फूल उत्पादित नहीं करता, वो चीड़ है। गंगा के निचले मैदानों की विशेषता है कि यहां वर्ष भर जलवायु उच्च तापमान के कारण आर्द्र बनी रहती है। इस क्षेत्र के लिए कौन सी फसल सबसे उपयुक्त है? गंगा क्षेत्र में, ध्यान रखिएगा, गंगा के निचले मैदानों में धान और जूट यहां की प्रमुख जो है फसल हो सकती है। जून 2021 में इटली ने भारत में पहला फूड मेगा पार्क किस स्थान पर शुरू किया है? तो गुजरात, फणीधर गुजरात में शुरू किया है। ताड़ के तेल के संबंध में दोनों कथन सही हैं, पाम ऑयल जिसको बोलते हैं, देख लीजिए ध्यान से, ताड़ के तेल लिपस्टिक और इत्र बनाने वाले कुछ उद्योगों में कच्चा माल के रूप में प्रयोग होते हैं। ताड़ का तेल का उपयोग जैव डीजल के उत्पादन में किया जा सकता है, दोनों कथन इसके लिए सही हैं, ध्यान रखिएगा। भारत सरकार मेगा फूड पार्क की अवधारणा को अधिक अधोलिखित रूप में प्रोत्साहित कर रही है। देखिए तीन पॉइंट दिए हुए हैं, पहला है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्तम अवसंरचना सुविधाएं उपलब्ध कराना, खराब होने वाले पदार्थों का अधिक मात्रा में प्रसंस्करण करने और अपव्यय घटाने हेतु, ये भी सही है। तीसरा भी सही है, उद्यमियों के लिए उद्यमी और पारिस्थितिकी के अनुकूल आहार प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने हेतु, ये मेगा फूड पार्क की अवधारणा को अवधारित करते हैं, ध्यान रखिएगा। अरहर चना मूंग मक्का उड़द में फसलें कौन सी जायद की फसल है जो सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती है? जायद की फसल प्रमुख है मूंग और उड़द, ये जायद की फसल है, सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती है। अधोलिखित फसलें भारत में मुख्यतः वर्षा आधारित होती है, मूंगफली है, तिल है, बाजरा है, ये सभी जो है वर्षा आधारित है। भारत की निम्नलिखित फसल चारा और हरी खाद के रूप में, तो लोबिया है, मूंग है, ठीक है, ये चारा भी बनती है, दलहन भी बनती है हरी खाद के रूप में। जैसे सनई है तो वो न दलहन है न चारे के काम आता है, सीधे वो हरी खाद है, लेकिन लोबिया और मूंग दलहन में भी प्रयोग किया जा सकता है, दाल तो बनती ही है भाई लोबिया मूंग की वगैरह की, चारा में भी प्रयोग होती है, हरी खाद के रूप में भी प्रयोग होती है, तो कोई दिक्कत नहीं। मूंगफली कहां की मुख्य फसल है, मूल उत्पत्ति पूछ रहा है, तो गैम्बिया, गैम्बिया मूंगफली की मूल उत्पत्ति है, यह ध्यान रखिएगा। मूंगफली मक्का कपास सरसों कौन सी खरीफ की फसल है? सरसों जो है खरीफ की फसल नहीं है, सरसों जो है ये रबी की फसल है, ध्यान रखिएगा। बाकी मूंगफली मक्का कपास ये सब खरीफ की फसल है। भारत के किस राज्य में तंबाकू के अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्र आता है? तो गुजरात के अंतर्गत आता है, ये ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। सभी 2021-22 के डेटा पर आधारित दिए गए हैं आपको। वरुड़ा पूसा बोल्ड पूसा जय किसान NRC HB 506 में से कौन सी संकर सरसों की उन्नत प्रजाति है? तो NRC HB 506 है। सरसों की नई संकर प्रजाति GM3 किस विश्वविद्यालय द्वारा डेवलप की गई? तो गुजरात में है सरदार कृषि नगर, सरदार कृषि नगर कृषि विश्वविद्यालय दंतेवाड़ा गुजरात में, ठीक है, इसके द्वारा डेवलप की गई है। 2021-22 के अनुसार पूछ रहा है तिलहन में अग्रणी राज्य प्रथम राजस्थान पर कौन है? तो राजस्थान है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। फ्रांस यूक्रेन जर्मनी इटली चार दिए हैं, फ्रांस यूक्रेन जर्मनी इटली कौन सा एकमात्र चुकंदर से चीनी तैयार करता है? तो यूक्रेन। सूची दी हुई है, उत्पादक क्षेत्र दिए हुए हैं, तो जरा सा देख लीजिए। कहवा ब्राजील की है, साओ पालो कहवा की सबसे बड़ी मंडी है, तो कहवा साओ पालो पठार हो जाएगा। जूट गंगा डेल्टा में होता है, जूट और चावल आपने देखा गंगा के निचले क्षेत्रों में बहुत अच्छे से होता है। चावल यांगस्टियांग मैदान में, चीन की नदी है। गेहूं प्रेरी क्षेत्र USA में प्रेरी क्षेत्र है, जहां पर गेहूं की अच्छा उत्पादन होता है। तो ये जो मिला के पूछा है तो बढ़िया प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अर्केल आजाद वन अपर्णा एल
116, मटर की पत्ती विहीन, सभी मटर की प्रजातियां हैं, चाहे वो अर्केल हो, आजाद वन हो, अर्पणा हो, L116 हो, इनमें से मटर की पत्ती विहीन कौन सी प्रजाति है आपसे पूछा जाए, तो अपर्णा जो है वो पत्ती विहीन मटर की प्रजाति है। समय ना लगे इसलिए सारा लिख के आ रहा है, नहीं तो डिटेल में समझाते, अब समय भी नहीं है तो वन लाइनर ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। बहार किसकी प्रजाति है, अरहर की प्रजाति है, ध्यान रखिएगा। धान, गेहूं, मूंगफली, कपास कौन सी खरीफ की फसल नहीं है, गेहूं खरीफ की फसल नहीं है। दलहनी फसलों में संतुलित खाद अनुपात कितना होना चाहिए एनपीके का, 1:2:2 का जो रेशियो होना चाहिए वही होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। किस राज्य में केले का अधिकतम उत्पादन होता है, तो सबसे ज्यादा उत्पादन जो होता है आंध्र प्रदेश में होता है 2021-22 के अनुसार, सबसे ज्यादा कहां पे, आंध्र प्रदेश में। उसके बाद दूसरे नंबर में केला उत्पादन में यूपी है, तीसरे नंबर पे कर्नाटक है, तो तीनों याद कर लीजिएगा। संकर धान की खेती सर्वाधिक लोकप्रिय है तो चीन में है, ये ऊपर भी आप देख चुके हैं, लगभग सारी चीजें ऊपर भी एक बार आई हैं। सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है, पूसा गोल्ड सरसों की किस्म है, सभी सुमेलित है, मालवी चमत्कार अरहर की है, माही सुगंधा चावल की है, ऊपर भी आप देख चुके हैं। गेहूं के बौनेपन का जीन क्या है, नोरिन 10, पहले भी बताया था आपको कि नोरिन 10 गेहूं का बौनेपन का जीन है। सूची 1-2 सुमेलित करना है, जल्दी से देख लेते हैं। जूट सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल में, चाय जो है आसाम है, रबर केरल है, गन्ना जो है उत्तर प्रदेश है, ठीक है। तो जूट पश्चिम बंगाल, ये 2021-22 के आंकड़े के अनुसार है, नवीनतम आंकड़ा जो मौजूद है 2021-22 का आंकड़ा है वो 3rd A ही है, ठीक है, मतलब उसमें संशोधन हो सकता है। तो जूट पश्चिम बंगाल, चाय आसाम, रबर केरल, गन्ना उत्तर प्रदेश। डेटा कोई चेंज होगा तो आपको नया वीडियो दिया जाएगा या फिर कमेंट में वहां पे डिटेल दे दी जाएगी। रेशम उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, द्वितीय स्थान है और प्रथम स्थान चीन का है। मूंगफली के क्षेत्रांतर्गत कम, मतलब क्षेत्र कम है परंतु प्रति हेक्टेयर उत्पादन बहुत अधिक है। देखिए सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है मूंगफली वो गुजरात में होती है, क्षेत्र के अनुसार क्षेत्र सबसे ज्यादा गुजरात में है, उत्पादन सबसे ज्यादा गुजरात में है, प्रति हेक्टेयर कहां पे है, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा। फसल चक्र का वह प्रकार जिसमें हवा से नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता होती है, दालें हवा से नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती हैं। भारत का कौन सा राज्य नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है, पहला केरल है, केरल है ध्यान रखिएगा, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा कर्नाटक है। ये नारियल का 2021-22 का 2021 का आंकड़ा है, ध्यान रखिएगा 2021 का आंकड़ा है, आगे भी इसको एक बार क्लियर करेंगे और थोड़ा सा आपको ले आके आगे आइए। मूंगफली सबसे ज्यादा गुजरात में, सरसों राजस्थान, सोयाबीन महाराष्ट्र, नारियल केरल। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहां पे है, त्रिची में है, ध्यान रखिएगा। धान, गेहूं, मक्का, सोयाबीन में C4 प्लांट कौन सा है, अगर पूछा जाए तो मक्का जो है कैसा प्लांट है, C4 है। एग्रीकल्चर ईयर देखिए, 2010 को जैव विविधता वर्ष UNO ने घोषित किया था, 2011 को अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष घोषित किया UNO ने, 2012 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया UNO ने, तीनों UNO ने किया है। 2012 को बागवानी वर्ष हमारे कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने किया है। बहरहाल सीधे पॉइंट पे आ जाते हैं, दो इंपॉर्टेंट है। 2018 मोटे अनाज का राष्ट्रीय वर्ष घोषित हुआ था, 2023 अंतरराष्ट्रीय बाजरा ज्वार वर्ष घोषित किया गया है और इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कौन सा मसाला भारत में काला सोना के नाम से जाना जाता है, तो काली मिर्च को काला सोना के नाम से जानते हैं। यहां पे थोड़ा सा देखिएगा, जैसे आम का जो उत्पादक है सबसे बड़ा ना उत्तर प्रदेश है, लेकिन ये जो डेटा है ये 2020-21 का है, 20 और 21 का है। 2021-22 का जो डेटा कहता है उसमें आंध्र प्रदेश ने सर्वाधिक उत्पादन किया, लेकिन सामने ए ही लगा है, मतलब संभावना है कि बदला जा सकता है, अभी आपको उत्तर प्रदेश याद रखना है। ऐसे लीची बिहार है या कोई दिक्कत नहीं, नारियल का केरल है 2020-21 के अनुसार, लेकिन ठीक 21-22 के अनुसार जो 3rd A है उसके अनुसार कर्नाटक हो गया है, लेकिन इसमें भी संभावना है चेंज होने की, तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, जनवरी लास्ट तक बता दिया जाएगा कि पेपर में क्या करना है, इस पे मैंने लिख देंगे, अलग से वीडियो डालेंगे। सेब सबसे अधिक जम्मू कश्मीर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। काशी लालिमा किसकी प्रजाति है, तो भिंडी की है, बड़ी फेमस है, खूब पूछी जाती है। पूसा सुगंधा पाच, पूसा लग गया है तो ज्यादातर धान की होती है, ज्यादातर सभी नहीं।
भारत गेहूं, गन्ना, चावल, तिलहन फसलों में किस फसल के अंतर्गत शुद्ध सकल आय कृषि क्षेत्र से सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है? तो गन्ना है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा ओडिशा में कौन सा राज्य इलायची के उत्पादन में से मतलब नहीं रखता है, पहचान नहीं रखता है? वो है ओडिशा। बाकी आप देख ही रहे हैं, केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु इलायची उत्पादन करते ही करते हैं। तमिलनाडु में तो कार्डमम पहाड़ियां भी है। राष्ट्रीय बागवानी परिषद बोर्ड की स्थापना कब हुई है? तो 1984 में हुई है, पहले भी आप देख चुके हैं। भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो मध्य प्रदेश में है 2020-21 के आंकड़े के अनुसार। गन्ना उत्पादन 2021-22 में अवरोही क्रम क्या है? तो उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, 1, 2 और 3, ठीक अवरोही क्रम उत्पादन का। अब आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट है खाने वाले भाग। जैसे मेजोकार्प यानी मध्य फल भित्ति किसकी खाते हैं? तो आम की खाते हैं, केला की खाते हैं, पपीता की खाते हैं। तो पूछा जाए पपीता का कौन सा भाग खाते हैं? तो मध्य फल भित्ति। केला का कौन सा भाग खाते हैं? तो मध्य फल भित्ति। आम का कौन सा भाग खाते हैं? तो मध्य फल भित्ति। मध्य फल भित्ति और अंतः फल भित्ति दोनों किसका खाते हैं? तब केला आ जाएगा। मेजोकार्प पाएगा तभी आप केला लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अंतः फल भित्ति जोड़ दे तो केला हो जाएगा, मतलब तब केला ही केवल रहेगा, यह ध्यान रखिएगा। मांसल पुष्पासन यानी फ्लैसी थैलेमस किसका खाते हैं? तो सेब का खाते हैं, नाशपाती का खाते हैं, लुकाट का खाते हैं। बहरहाल सेब कई बार पूछा जा चुका है। मांसल एरिल, फ्लैसी एरिल लीची का खा जाते हैं हम लोग। फल भित्ति एवं प्लेसेंटा किसका खाते हैं? तो अंगूर का प्लेसेंटा खाते हैं, या उसको पेरिकार्प भी शायद कहते हैं। फल भित्ति और प्लेसेंटा दोनों को जोड़कर, पता नहीं पेरिकार्प कहते हैं कि नहीं, काट दो बहरहाल, यहाँ पे प्लेसेंटा और फल भित्ति है। तो अंगूर का खाते हैं, अमरूद का खाते हैं, टमाटर का खाते हैं, ठीक है। इसमें बीज कुछ बीज रहित होते हैं, जैसे अमरूद बीज रहित नहीं है तो उसके बीज निकाल के खाते हैं, बाकी सभी कुछ खा जाते हैं। एंडोस्पर्म, कॉटिलीडेंस और एम्ब्रायो किसका खाते हैं? नारियल का। अगर केवल एम्ब्रायो आ जाए तब भी आपको लगा देना है कि एम्ब्रायो किसका खाते हैं, तो नारियल का खाते हैं। हालांकि एंडोस्पर्म प्लस एम्ब्रायो हमेशा आएगा, एक नहीं आएगा। रसदार टेस्टा किसका खाते हैं? अनार का। एंडोकार्पिक जूसी हेयर नींबू और के फल का खाया जाता है। परिदल यानी परिदल पुण्य जो है वो शहतूत का खाते हैं। बीज बादाम का खाते हैं, बादाम जो है बीज है। एंडोस्पर्म और एम्ब्रायो किसका खाते हैं? चावल का, गेहूं का, मक्का का, जौ का। एंडोस्पर्म और एम्ब्रायो दोनों खा जाते हैं। वाय फल भित्ति मध्य फल भित्ति खाते हैं, बेर का, जामुन का, आंवला, फालसा, चेरी, इन सब का। फसल में तत्वों की कमी से होने वाला प्रमुख रोग, जैसे नींबू में एक रोग होता है डाईबैक, किसकी कमी से होता है? कापर की कमी से। आंवले में आंतरिक निक्रोसिन रोग है, इंपॉर्टेंट है, बोरान की कमी से होता है। नींबू में लिटिल लीफ किसके कारण होती है? पत्तियों का छोटा होना, कापर की कमी से। आम और बैगन में लिटिल लीफ होना जस्ता की कमी से है। अंगूर में डिसऑर्डर मिलेनरेज बोलते हैं, बोरान की कमी से होता है। नींबू में एलो स्पॉट डिसऑर्डर मॉलिब्लेडेनम की कमी से होता है। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, केला में वाटर कोर, ये बर्फ के कण और सॉर्बिटाल के डिपोजिशन के कारण होता है। अंगूर में ब्रांचिंग होती है जस्ते की कमी से। लीची की पत्ती को जलना जो होता है पोटेशियम की कमी से है। आम में आंतरिक निक्रोसिन बोरान, ऊपर आप देख चुके हैं। आप में लीप स्कॉर्च जो है के मतलब पोटेशियम और पानी में क्लोराइड की अधिकता से होता है। कटहल का आंतरिक ऊतक क्षय जो है बोरान की कमी से होता है। बहरहाल इसमें जो जो इंपॉर्टेंट है वो याद कर लीजिएगा, जैसे ये है ऊपर के तीन इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा और ये देख लीजिएगा, ये जरूर याद कर लीजिएगा, बाकी छोड़ सकते हैं। लिख हमने सारा दिया है। आम का काला सिरा ब्लैक टिप रोग, भट्ठा जो होता है उसके धुएं से निकली जो H2O गैस है उसके कारण होता है। पीकन नट में बंची रोग, जस्ते की कमी से। अंगूर में हेड एंड चिकन बोरान की कमी से होता है, ये इंपॉर्टेंट है। फलों में कड़वापन कारण देख लीजिए, इतने आपको दिख जाएंगे। आलों आंवले में कसैलापन जो होता है वो बहुत सारी चीजों के कारण, टैनिन, एलोजिक, गैलिक या पॉलीफिनोल, ये सब अलग अलग नाम है,
टैनिन खासकर आपसे पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। बेल में कड़वाहट होती है मार्मेलोसिन के कारण, बादाम में कड़वाहट एमाइलोडिन के कारण होता है, एमाइलेडिन है, लोडिन नहीं है। पीपर में कड़वाहट होती है ओलिमोरेसिन के कारण, पपीता में पीला रंग कैरिकाजेंथिन पिगमेंट के कारण होता है। ये फलों की विशेषता है, ऊपर भी आप देखे हैं एक बार। भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है, भूमि पूछ रहा है, उत्पादन भी उत्तर प्रदेश है, भूमि भी है। कंचन आंवले की किस्म है, ध्यान रखिएगा। चुकंदर के दो सबसे बड़े उत्पादक रूस और फ्रांस हैं। कपास की प्रति हेक्टेयर विश्व में किस देश में सर्वाधिक उत्पादन है, तो चीन में प्रति हेक्टेयर उत्पादन। यूएसए के फ्लोरिडा, हवाई, कैलिफोर्निया, एरिजोना राज्यों में कॉफी का उत्पादन कहाँ होता है, तो हवाई क्षेत्र में होता है, यह ध्यान रखना है। विश्व के किस देश में धान की उत्पादकता सर्वाधिक है, यूएसए, शायद यह नया बना है 2021-22 के आंकड़े के अनुसार, उसके पहले फ्रांस शायद हुआ करता था, एक बार इसको और देख लेंगे अभी, तो आपको कमेंट में इसका डाल देंगे, हम स्टार बना दे रहे हैं। विश्व का धान जीन बैंक स्थित है फिलीपींस में, बिल्कुल सही है। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण कैप्सिसिन की उपस्थिति है। रतन, प्रतीक, महातेओरा और नामक जो फसल की प्रजाति है, खेती की अनुमति केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने दे दी है। यह किस फसल की किस्म है, खेसारी दाल की किस्म है, खेसारी दाल अरहर के जैसी दाल होती है, सस्ती मिलती है, तो उसकी प्रजातियां हैं। कृषि आर्थिकी बहुत महत्वपूर्ण आता है, इसमें आपको मुश्किल से 5-6 पेज देंगे, तो उसको ध्यान से पढ़िएगा। भारत में न्यूनतम समर्थन कीमत जो है MSP है, सरकार में कितने वर्ष में कितनी बार घोषित करता है, तो 2 बार करता है, एक बार रबी की, एक बार खरीफ की। वसूली कीमत सामान्यतः, अच्छा कितने, अगर एमएसपी को पूछे कितनी फसलों पे लागू है, तो 22 फसलों पे लागू है, एक पर जोड़ा नहीं जाता है, बाद में उसको बताते हैं डिटेल में आगे। वसूली कीमत सामान्यतः किस स्तर पर निर्धारित की जाती है, बाजार कीमत से कम पर। देखिए दोनों कथन सही है, मतलब दोनों सही है, व्याख्या भी सही है। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन जो है वो तालाब है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र की अधिकांश नदियां मौसमी हैं। दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही कर रहा है। पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र में राज्य में कृषि नीति में कृषि उद्योग का दर्जा किसने प्रदान किया है, तो महाराष्ट्र ने किया है, कृषि उद्योग कहता है उसको, उद्योग का दर्जा दे दिया है। अभिजीत सेन समिति की रिपोर्ट के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण किस लागत के आधार पर किया जाना चाहिए, C2 लागत के आधार पर। चाय, कॉफी, रबर, तंबाकू के मूल्यों में उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के उद्देश्य से मूल्य स्थिरीकरण कोष की स्थापना करने के प्रस्ताव का अनुमोदन जो है 20 फरवरी 2003 को किया गया है। रबी फसलों के लिए 2022-23 में विपणन में जो गेहूं का MSP बताया गया है 2015, इसको अलग से भी हम देंगे, करंट अफेयर में भी पढ़ाएंगे, तो ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट में हम पढ़ाएंगे इसको। भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली कब शुरू की गई, 1950 में शुरू की गई, कोई दिक्कत ही नहीं है। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब की गई, 1965 में की गई। भूधारण प्रणाली की रैयत वाली जो व्यवस्था है वो टॉमस मुनरो ने भारत में शुरू किया था। भूदान आंदोलन का कार्यक्रम आचार्य विनोबा भावे द्वारा सर्वप्रथम किस प्रदेश से आरंभ किया गया था, तो आंध्र प्रदेश से किया गया था। लक्षित सार्वजनिक प्रणाली वितरण प्रणाली में गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों के निर्धारण का मानक क्या है, मानक यह है जिनकी वार्षिक आय 15,000 रुपए से कम है, वार्षिक, ध्यान रखिएगा, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, निर्धारित भी कैसे करते हैं। देखो चीनी वर्ष कब से कब होता है, अक्टूबर से सितंबर चीनी वर्ष होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सरकार कितने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन MSP की घोषणा करती है, तो 22। FCI खाद्यान्नों की आर्थिक लागत और निर्गमन मूल्य के बीच अंतर की प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा कैसे की जाती है, खाद्य अनुदान के द्वारा की जाती है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। पूर्ण बाजार, थोक बाजार, ऊपर इसको हमने पढ़ाया है। पूंजी बाजार, प्राथमिक बाजार में कौन सा बाजार प्रतियोगी बाजार है, जो पूर्ण बाजार होता है वही जो है प्रतियोगी बाजार है, ठीक पूर्ण बाजार होना चाहिए, क्रेता विक्रेता दोनों सजग रहें और ज्यादा मात्रा में जितने रहें वो पूर्ण बाजार है।
मूल्य सिद्धांत यानी प्राइस थ्योरी किसका भाग होता है, तो प्रक्षेत्र प्रबंध का होता है। पौधों में मूटी लगाने का जो काम होता है वनस्पतिक प्रसारण के लिए किया जाता है। कृषि वस्तुओं का समर्थन मूल्य क्या है, क्या है सपोर्ट प्राइस, क्या है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वह न्यूनतम मूल्य जिस पर सरकार किसी वस्तु को खरीदने के लिए तैयार रहती है। मतलब वो पहले जारी कर देती है, आपका बिके ना बिके हम खरीद लेंगे, पहले से बता दे रहे हैं इतना दाम देंगे। अब अगर आपका माल नहीं बिक रहा तो आप ले जाके गवर्नमेंट को दे सकते हैं, तो गवर्नमेंट बाध्य होगी उतने MSP में खरीदने के लिए। कोशिश की जाती है, सरकार की कोशिश रहती है कि MSP बढ़ाए ताकि किसानों को फायदा हो सके। भारत में कृषि आय की गणना की जाती है उत्पादन विधि से, कृषि आय की गणना की जाती है उत्पादन के आधार पर। अंत्योदय अन्न योजना और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों के अंतर्गत चयनित परिवार को प्रतिमाह कितना खाद्यान्न उपलब्ध कराने की व्यवस्था है, तो 35 किलोग्राम। नवीनीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली का आरंभ 1992 में किया गया। खाद्यान्न बफर स्टॉक का मानदंड वर्ष में कितने बार निर्धारित होता है, तो 4 बार। कृषि उपजों में विपणन हेतु सहकारी क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर किस संस्था की स्थापना की गई, तो नाफेड। नाफेड के बारे में डिटेल ऊपर हम दे चुके हैं, तो ध्यान से पढ़ लीजिएगा। भारतीय योजना आयोग ने किसके वितरण को सुधारने के लिए राष्ट्रीय निधि बनाई है, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खाद्यान्न जो वितरण है उसके लिए बनाई है। विशिष्ट कृषि में किसान अपने जोतों का अपनी कुल आय का कम से कम, लेकिन यह विशिष्ट कृषि की बात हो रही है, अपनी जोतों से अपनी कुल आय का कम से कम कितना प्रतिशत प्राप्त करता है, तो 50% विशिष्ट कृषि की बात है यहां। शुष्क खेती में वार्षिक वर्षा कितने सेंटीमीटर मापी जाती है, 50 इसने दिया है आंसर, आयोग ने भी माना था, लेकिन ये 25 होना चाहिए रियल में, बाकी आयोग ने 50 ही माना था, तो आप यही याद करिएगा। ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा चीन में रैचिंग पद्धति पर किस देश में पाई जाती है बहुआयात मात्रा में खेती। रैचिंग ऑस्ट्रेलिया में, रैचिंग वही पद्धति जो ऊपर आपको बताए हैं कि खेती के लिए खेती की ही नहीं जाती है, चारागाह के रूप में छोड़ी जाती है, उसी को कहते हैं रैचिंग खेती। भारत में सामान्यतः खेती की कौन सी पद्धति अपनाई जाती है, तो मिश्रित पद्धति, मिश्रित खेती अपनाई जाती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था भी भारत में है, ध्यान रखिएगा। सामूहिक कृषि का प्रचलन सर्वाधिक किस देश में शुरू किया गया, पूर्व सोवियत संघ में। पूंजीवादी खेती किन देशों में प्रचलित है, तो ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका में। 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक जो वर्षा वाले क्षेत्र हैं वहां आर्द्र कृषि की जाती है। खेती की वह कौन सी प्रणाली है जिसमें किसान का राज्य से सीधा संबंध होता है, तो काश्तकारी खेती, ऊपर परिभाषा मैंने बताई है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती की जाती है, दियारा खेती की जाती है। परमाकल्चर का संबंध किससे है, पारिस्थितिकी कृषि से है परमाकल्चर। मध्य प्रदेश, राजस्थान, तटीय क्षेत्र और पूर्वोत्तर प्रदेश में झूमिंग कृषि कहाँ होती है, पूर्वोत्तर प्रदेश में, खासकर जो है नागालैंड में। समोच्च कृषि किन क्षेत्रों में अपनाई जाती है, तो अपरदन प्रभावित पहाड़ी क्षेत्रों में, जहां अपरदन होता है ज्यादा, इरोजन होता है, उन क्षेत्रों में जो है समोच्च कृषि अपनाई जाती है, जल से जो अपरदन होता है खासकर उसके लिए। सस्य गहनता सबसे अधिक होने पर गहन कृषि की उपमा दी जाती है, 200 से अधिक हो जाए सस्य गहनता, जितनी ज्यादा फसल बोई जाएगी उसको सस्य गहनता कहेंगे। फसल चक्र के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, देखिए पहला कथन सत्य है कि फलीदार फसल के बाद बिना फली वाली फसल बो देना चाहिए। ऐसे अगर गहरी जड़ वाली फसल है तो उसके बाद कम जड़ वाली फसल बोइए, फिर गहरी जड़ वाली बोइए, तो ये सब जो है फसल चक्र कहलाता है। धारणी कृषि का अर्थ क्या है, भूमि का इस प्रकार उपयोग किया जाए कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण बनी रहे, मतलब गुणवत्ता बनी रहे, गुणवत्ता में इफेक्ट ना आए, बंजर ना हो जाए, कोई दिक्कत ना हो। कृषि युग में पैदावार का आशय क्या है, एक ही साथ दो फसलों को उगाना कृषि युग में कहलाता है। व्यापारिक स्तर पर अंगूर उत्पादन को क्या कहते हैं, विटीकल्चर, ये आप ऊपर देखे हैं। एक फसल के कटने से पहले दूसरी फसल बो दी जाती है, उसको ओवरलैपिंग सस्यन कहते हैं। नागालैंड, आसाम, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश किस राज्य में झूमिंग कृषि सर्वाधिक है, तो नागालैंड में, ये ऊपर भी आया है 2-3-4 बार आ गया, ताकि वहां गलत आप ना करिए। स्टॉक फार्मिंग क्या है, पशुओं का प्रजनन है, पहले भी आप देखे हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु में कौन सा राज्य भारत में ठेकेदारी के लिए आगे है, तो पंजाब है।
केन्या नोबेल पुरस्कार विजेता है वांगरी मथाई किस क्षेत्र में योगदान के लिए जानी जाती हैं? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दीर्घकालिक विकास के लिए। भारत में ग्रामीण अवस्थापना विकास कोर्स कार्यक्रम को कार्यान्वित करने वाली मुख्य संस्था नाबार्ड है। चलिए हो गया है, अगले पीडीएफ ले लेते हैं फिर आगे चलते हैं। तो आगे चलते हैं, मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता क्या है? तो पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक से एक साथ करना जो है, मतलब फसल उत्पादन उसके साथ पशुपालन करना जो है मिश्रित खेती कहलाता है। अगला जो है, भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना किससे संबंधित है? ग्रामीण बैंकिंग से संबंधित है भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना। अगला है, भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋण ऋणादान से तात्पर्य अधोलिखित ऋण देने से है, कृषि से संबंधित, दुर्बल वर्ग, लघु एवं छोटे उद्यम जो है इससे संबंधित है। अगला है, भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को किसके अधीन विनियमित किया जाता है? राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम के तहत जो है विनियमित किया जाता है भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को। आगे चलते हैं, कृषि उत्पादन में पूरा दिखाई दे रहा है, कुछ छूट रहा है, हाँ, कृषि उत्पादन में कास्ट के हल के स्थान पर इस्पात के हलों का उपयोग किसका उदाहरण है? पूंजी बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकी प्रगति है। मतलब जो हल होते थे वो पहले लकड़ी के होते थे, अब उसका जो नीचे वाला पोर्शन हो गया वो लोहे का हो गया, ये जो है पूंजी बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकी प्रगति से संबंधित है। गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत जिसको FRP बोलते हैं कौन अनुमोदित करता है? तो आधुनिक जो आर्थिक मामले का मंत्रिमंडल समिति होता है वो करता है। कथन एक दिया है कि छद्म बेरोजगारी भारतीय कृषि की सामान्य विशिष्टता है, भारतीय कृषि प्रक्रियाओं को लागू करने में तुलनात्मक रूप से धीमा रहा है। दोनों कथन अपने आप में सही है लेकिन व्याख्या जो है नहीं कर रहा है क्योंकि उससे संबंधित भी नहीं है। प्रचंड बेरोजगारी सामान्यतः अर्थ होता है श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य होना ही प्रचंड बेरोजगारी कहलाता है। केंद्र सरकार ने फ्लोर, अच्छा ये वाले प्रश्न का उत्तर मैं बाद में दूंगा, अभी इसको छोड़ दीजिए बीच में। देखिए मृदा से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए, मृदा आप ऊपर पढ़ चुके हैं लेकिन उससे संबंधित जो प्रश्न पूछा गया है, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, बिल्कुल सही है, उनमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में होता है, जैव तत्व प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता है, तो ए सही है परंतु आर गलत है। भारत में मृदा अपक्षय समस्या, वेदिका कृषि, वनोन्मूलन तथा उष्णकटिबंधीय जलवायु में से किससे संबंधित है? तो भारतीय मृदा जो अपक्षय समस्या है वो वनोन्मूलन से संबंधित है। भारत में काली कपास मृदा की जो रचना है किसके अपक्षयण से हुई है? तो फिदर या फिसर ज्वालामुखी चट्टानों से हुई है, ध्यान रखिएगा ज्वालामुखी चट्टान भी ऑप्शन में रहेगा तो वही लगाना है। बृहत मैदान के पुराने जड़ोड़ को क्या कहते हैं? बांगर, नए को खादर कहते हैं, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है, भारत में किस मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो जलोढ़ मृदा का 43.6% लगभग भाग घेरे हुए अकेले जलोढ़ मृदा उत्तर प्रदेश वगैरह क्षेत्र में है। मृत्तिकामयी अत्यधिक लसलसी अपार गम्य सूखने पर फटने वाली गुणों से युक्त कौन सी मृदा होती है? वो काली मृदा है जो स्वतः जुताई वाली कृषक मृदा भी कही जाती है, काली मृदा स्वतः जुताई वाली क्योंकि फटती है इसी कारण कहा जाता है। क्रॉप लॉगिंग किसके परीक्षण की एक विधि है? क्रॉप लॉगिंग जो है फसल उत्पादन हेतु पौधों की पोषक आवश्यकताओं को जानने के लिए पादप विश्लेषण को क्रॉप लॉगिंग के नाम से जानते हैं। किसके लिए? फसल उत्पादन हेतु पौधों के पोषण आवश्यकताओं को जानने के पादप विश्लेषण जो किया जाता है उसी को क्रॉप लॉगिंग कहते हैं, ठीक है। पेडोजेनेसिस क्या है? किसका अंत? मृदा निर्माण, सॉयल फॉर्मेशन का जो हम अध्ययन करते हैं वो पेडोजेनेसिस के अंतर्गत कहते हैं। कैलिफोर्निया के वैज्ञानिक ऑर्नोन है, इनके अनुसार पौधों के लिए कुल आवश्यकता तो 16 माने गए थे लेकिन अब इनकी कुल संख्या जो मानी जा रही है वो 18 मानी जा रही है, इसमें 17वां सोडियम 18वां कोबाल्ट को बढ़ा दिया गया है। बांगर तथा खादर, बांगर और खादर जो है किस पोषक तत्व से समृद्ध होता है? पोटास और चूना से समृद्ध होता है, नई जलोड़ और पुरानी जलोड़ को ही खादर और बांगर कहा जाता है। चाय, काफी, रबर एवं काजू की खेती के लिए मृदा उत्तम मानी जाती है, लैटेराइट मृदा मानी जाती है उत्तम। आप देखेंगे भारत में इस हिस्से में, ये दक्षिणी वाले हिस्से में पाई जाती है, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु वाला हिस्से में पाई जाती है।
अर्ध एवं शुष्क मौसम के क्रमिक परिवर्तन के कारण निक्षालन की सर्वाधिक प्रक्रिया के फलस्वरूप कौन सी मृदा विकसित होती है? तो लैटेराइट। क्रमिक परिवर्तन, मौसमी परिवर्तन भी आप कह सकते हैं, ज्यादा वर्षा होने के कारण जो है इसका परिवर्तन होता है, क्योंकि इसके जो मिनरल्स होते हैं, खनिज लवण होते हैं, जो उर्वरा शक्ति होती है वो बह जाती है ज्यादा वर्षा के कारण, या तो नीचे चली जाती है। रंग भी कलर भी थोड़ा सा ये पीलापन ले लेती है बाद में। मैनग्रोव वनस्पति किस मृदा में पाई जाती है? तो दलदली मृदा में पाई जाती है। बेसाल्ट चट्टान खनिज किस मृदा का विकास हुआ है? काली मृदा का। बेसाल्ट चट्टान से काली मृदा का विकास हुआ है। ग्रेनाइट नीस तथा सिस्ट जैसी प्राचीनतम परिवर्तित चट्टानों की टूट फूट से किस मृदा का विकास हुआ है? तो लाल मृदा। ध्यान रखिएगा, ग्रेनाइट नीस और सिस्ट जैसी जो प्राचीन चट्टाने हैं उनके परिवर्तन से लाल मृदा का निर्माण हुआ है। एंटीसाल जो आर्डर है के अंतर्गत भारत की कौन सी मृदा रखी जाती है? नवीन जलोढ़ मृदा रखी जाती है, ध्यान रखिएगा। सातवां सन्निकट मृदा वर्गीकरण की पद्धति अनुसार दक्षिण भारत की काली मृदा किस गण में रखी गई है? वर्टिसाल में काली मृदा। और आप देख रहे हैं ऊपर कौन सा, एंटीसाल में नवीन जलोढ़ मृदा रखी गई है। मृदा संगठन अनुसार सामान्य मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कितनी होती है? 5 से 10%, ये ऊपर भी आप देख चुके हैं। पौधों की वृद्धि सामान्यता किस पीएच पर सबसे अच्छी होती है? तो 6 से 7.5 के बीच अगर पीएच वैल्यू होती है तो सबसे अच्छा ग्रोथ होगा, ठीक है। मृदा जो होनी चाहिए उस 6 से 7.5 होनी चाहिए। वह मिट्टी जो वायु द्वारा उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा दी जाती है उसको किस वायु द्वारा पहुंचाई जा रही? तो वातोड़ मृदा होती है। मृदा कणाकार क्ले का ब्यास क्या होता है? देखिए ब्यास जो होता है 0.002 से कम होता है, ठीक है, क्ले का आकार। मृदा परिच्छेदिका में अधिकांश जड़ें किस संस्तर तक फैली होती हैं? ए संस्तर तक। चार संस्तर होते हैं, ABCD। लवणी तथा क्षारीय मृदा में कौन से फल उगाए जा सकते हैं? ये ऊपर भी मैंने बताया, अमरूद, आंवला, फालसा और जामुन। पौधों की वृद्धि सामान्यता किस पीएच पर होती है? 6 से 7.5 के मध्य। अगर ये जो है ना 6.5 से 7.5 भी दिया हो तो भी सही होगा, अगर मतलब 6.2 से 7.2 ऑप्शन में मिल जाए तो वो भी सही होगा, लेकिन ये एक जो है औसत है। मृदा में खनिज की मात्रा कितनी पाई जाती है? 40 से 45% पाई जाती है। मृदा परिच्छेदिका का कौन सा संस्तर सबसे अधिक उपजाऊ होता है? पौधों की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है, ज्यादातर पौधों की जड़ें यहां तक होती हैं, ए संस्तर तक। किस प्रकार की मृदा जल पौधों के पोष्य दृष्टिकोण से उपयोगी होता है? वो केशिका जल होता है जो नीचे से जड़ें लेती हैं। किस प्रकार की मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है? तो पीट मृदा। औसत रूप में मृदा का कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात कितना होता है? 12:1 या 10:1 होता है, ठीक। कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात है, कार्बन 12 होगा, नाइट्रोजन 1 होगा, कार्बन 10 होगा, नाइट्रोजन 1 होगा। पौधों के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों की जो संख्या बताई गई है वो 9 है। MN है, CU है, ZN है, CO है, CL है, NA है, FE है, MO है और BO है, बोरान। यानी सूक्ष्म पोषक तत्वों की संख्या 9 है, ये ध्यान रखिएगा। पौधों के लिए सभी पोषक तत्व प्राप्त होता है ह्यूमस से, प्राप्त होता है सभी पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। अगला है, मुख्य पोषक तत्व नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत भाग बनाता है? पौधे का कितना प्रतिशत भाग बनाता है? 1 से 3% जो पौधे का भाग नाइट्रोजन से बना होता है। दलहनों में वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण हेतु किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक आवश्यकता होती है? ध्यान रखिए, दलहनों में वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन होता है उसकी स्थिरीकरण करने के लिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए किस सूक्ष्म तत्व की सबसे अधिक आवश्यकता होता है? मॉलिब्डेनम की आवश्यकता होती है। फास्फोरस पोटेशियम नाइट्रोजन कार्बन में प्रोटीन के संश्लेषण हेतु कौन सा तत्व आवश्यक है? नाइट्रोजन है। गोबर गैस प्रमुख दहनशील गैस मीथेन लगभग कितना प्रतिशत होती है? तो 50 से 60% होती है गोबर गैस में। जैव उर्वरक का कार्य क्या है? ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। तो जैव उर्वरक का काम क्या है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन का नाइट्रोजन फिक्सेशन करना, फास्फोरस को घुलनशील बनाना, पौधों की वृद्धि और विकास में सहायता करना, ये सभी काम जैव उर्वरक के होते हैं, बायो फर्टिलाइजर के होते हैं। धान के खेत में जैव उर्वरक के तौर पर सर्वाधिक उत्प्रक जाजोला होता है, जो धान के खेत में डाला जाता है और ये सबसे ज्यादा उपयुक्त जैव उर्वरक है धान के लिए। भारत में अवनलिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र मालवा का पठार है,
ऑप्शन के हिसाब से लगेगा। मृदा में अघुलनशील फास्फोरस को घुलनशील बनाने में किस जीवाणु वर्ग के होते हैं, कौन से जीवाणु है जो उपयोगी होते हैं, तो सेवडोमोनास जो फैमिली है, जो ऑर्डर फैमिली नहीं ऑर्डर है, वर्ग जो है उसके होते हैं। भारत में किस प्रदेश में ऊसर मृदाओं का सर्वाधिक क्षेत्र है, तो उत्तर प्रदेश में 1.2 मिलियन हेक्टेयर है। मिलाना है इसमें प्रतिशत नाइट्रेट, देखिए उर्वरक दिए हुए हैं, इसमें प्रतिशत नाइट्रेट लिखा हुआ, जैसे अमोनियम सल्फेट है, नाइट्रेट कितना होगा 20.5%, सोडियम में 16%, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में 25%, यूरिया में 46%। अमोनियम सल्फेट, डीएपी, जिप्सम तथा बिना बुझा चूना में क्षारीय मृदा सुधारक कौन है, तो जिप्सम है। अधोलिखित सुमेलित है। पोषक तत्व के प्रकार दिए हैं, पोषक तत्व की संज्ञा दी है, पोटास युक्त उर्वरक है काइनाइट है, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है यूरिया है, भारी कार्बनिक पदार्थ FYM है, हल्की कार्बनिक खाद बोनमील है। हरा सोना तथा झूठा सोना की उपमा किसको दी जाती है, हरा सोना जो होता है वो अफीम होता है, हरा सोना कौन है, अफीम है, और झूठा सोना किसको कहते हैं, तो पाइराइट्स को कहते हैं, पाइराइट्स को झूठा सोना के नाम से जानते हैं। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना 1953 में हुई है। 1 हेक्टेयर बराबर कितना एकड़ होता है, तो 2.47 एकड़ होता है। 1 हेक्टेयर बराबर कितना एकड़, 2.47 एकड़ होता है, ध्यान रखिएगा 1 हेक्टेयर में। मृदा प्रदूषण औद्योगिक प्रदूषण की अपेक्षा सबसे अधिक खतरनाक होता है। मृदा प्रदूषण इसलिए सबसे ज्यादा खतरनाक है क्योंकि मानव के शरीर में जाता है, पूरा स्वास्थ्य गड़बड़ कर देता है। उर्वरक तथा कीटनाशक भोजन श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं, बात सही है और व्याख्या भी सही कर रहा है। इसी कारण जो भोजन श्रृंखला में प्रवेश करते हैं, इसी कारण मृदा जो प्रदूषण है वो औद्योगिक प्रदूषण से भी ज्यादा खतरनाक माना जाता है। मृदा अपरदन की प्रक्रियाओं का सही क्रम क्या है, अपरदन का पहले अपस्फुरण अपरदन होगा, हल्का हल्का उड़ेगा, फिर परत होगा, परत उड़ जाएगी, फिर रिल होगा, थोड़ा थोड़ा लाइन बनना शुरू होगी, फिर अवनलिका अपरदन होगा जिससे पूरी पूरी नाली जैसी आकृति बन जाएगी। कौन सा जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य कर सकता है, तो नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी कर सकता है, बीजीए बोलते हैं। जैव उर्वरक प्रवाल मूल, कवक मूल, लाइकेन में कौन सा एक कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के लिए उपयोगी साहचर्य है, कवक मूल है। रेगुर किसका उपनाम है, तो काली मिट्टी का है, देख रहे हैं आप। कापर है, गंधक है, आयरन, मैग्नीशियम में कौन सा तत्व तो वनस्पति के तेल में निर्माण में सहायक होता है, गंधक। क्लोरोफिल की संरचना में कौन सा तत्व आवश्यक होता है, तो मैग्नीशियम, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। क्लोरोफिल की संरचना में कौन सा महत्वपूर्ण है, मैग्नीशियम। भारतीय मृदा में सामान्यतः किस तत्व का अभाव पाया जाता है, तो नाइट्रोजन का अभाव पाया जाता है। राइजोबियम प्रजातियों की ज्यादातर क्या करना चाहिए, दलहनी फसल बोनी चाहिए जिससे नाइट्रोजन फिक्सेशन होता रहे। राइजोबियम प्रजातियों में कौन सी प्रजाति सोयाबीन के जड़ों में गांठे बनाती है, राइजोबियम जैपोनिकम है, ये देख लीजिए, मिले सुमेलित है साफ साफ। एस्पार्जिलम जो है कहां पर उगता है, घास कुल के फसलों की जड़ों के भीतर उगता है, ठीक है। एजेटोबैक्टर युक्ता जीवी नाइट्रोजन यौगीकरण जीवाणु है। वैम क्या है, फास्फोरस अंतर्ग्रहण में सहायता करता है। एजोला जो है प्लवमान जलीय फर्न है, ठीक है, ये सब सुमेलित हैं। आगे देख लीजिए, दलहनी फसल जिसमें प्रायः मैदानी क्षेत्रों में सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं होता है, वो है फ्रेंच बीन। वर्मी कल्चर में वर्म प्रयुक्त होता है, थ्रेड वर्म। चिकने मृदा में कड़े, जो चिकनी मृदा होती है, कड़ों की सतह ऋणात्मक आवेशित होती है, मृदा के कड़ों से संबंध रहते हैं धनायन, कणों से संबंध जुड़े रहने का मतलब है धनायन। उच्च धनायन विनिमय क्षमता चिकने मृदा कणों की होती है। मृदा जल के साथ बह जाने की सामान्यता प्रकृति होती है ऋणायनों में, धनायन तो चिपके रहेंगे। बलुई मृदा प्रायः पोषक तत्वों से न्यून होती है क्योंकि धनायन व ऋणायन दोनों ही मृदा कणों से संबद्ध नहीं रहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नई सुधार की गई ऊसर मृदा में हरी खाद के लिए ढैंचा आप बोल सकते हैं, ढैंचा लिखा वो ढैंचा है, ऐसे ढैंचा। हरी खाद बहुत सारी है, बरहाल सनई भी आप ले सकते हैं, ठीक है। किस मृदा में कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वह मृदा नमी को रोक के रखती है, तो जलोढ़ मृदा है, कम आवश्यकता होती है।
सबसे ज्यादा काली मिट्टी, सबसे ज्यादा चिकनी मिट्टी, फिर काली मिट्टी पानी को रोक कर रखती है, ध्यान रखिएगा। भारत में मृदा संरक्षण से निम्नलिखित कौन सी पद्धतियां प्रचलित हैं? क्रॉप रोटेशन, मतलब फसल का रोटेशन किया जाए, बालू की बाड़ सैंड फेंसेस की जाए, वायु रोध विंड ब्रेक्स लगाए जाए, ये सब जो है मृदा संरक्षण की कुछ युक्तियां हैं। नील हरे शैवाल की कुछ जातियां अधोलिखित विशेषता उन्हें जैविक खाद के रूप में वर्धित करने में सहायक है। उनमें ऐसी क्रियाविधि होती है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ऐसे नए रूप में परिवर्तित कर देती है जिससे पौधे की फसल है वो आसानी से नाइट्रोजन ग्रहण कर लेती है शैवालों के कारण। पुंडी नामक तैरती भूमि मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, आसाम में किस राज्य में पाई जाती है? पुंडी या पुंडिस नामक मणिपुर में पाई जाती है, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। क्लाइमेटिक, बायोटिक, इडेफिक और टोपोग्राफी में कौन सा मृदा से संबंधित है? तो इडेफिक है, ठीक, ना बायोटिक है, ना तो क्लाइमेटिक है, ना तो टोपोग्राफी है। पर्डी छिड़काव के लिए सबसे प्रचलित उर्वरक है? पर्डी छिड़काव के लिए वो यूरिया है, ऊपर से छिड़क दिया जाता है। संसार में भैंसों की सबसे अधिक संख्या कहां पाई जाती है? भारत में। भारत में संपूर्ण दुग्ध उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किसका है? संपूर्ण योगदान किस समर के पशुओं का है? गाय का है। संतुलित आहार के निमित्त एक व्यक्ति को प्रतिदिन कितना दूध लेने की संस्तुति की गई है? तो 226 ग्राम दूध पर व्यक्ति को लेना चाहिए, चाहे वो चाय में ले, चाहे कॉफी में ले, चाहे सादा दूध ले। सघन पशु विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया? तृतीय पंचवर्षीय योजना में सघन पशु विकास कार्यक्रम। भारत में ऑपरेशन फ्लड दूध से संबंधित है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन इसके जनक माने जाते हैं। संसार में दूध उत्पादक गो नस्ल के रूप में कौन सी नस्ल है? होलस्टीन फ्रिजियन जो है ये बहुत दूध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सर्वाधिक वसा की मात्रा नस्ल जो भैंस की है वो कौन सी है? तो भदावरी होती है, उसमें सबसे ज्यादा वसा होती है, फैट होता है, तो घी वगैरह ज्यादा मिलता है, गाढ़ा दूध भी रहता है। मैरिनो नामक प्रजाति की सर्वाधिक जो ऊन प्राप्त होता है या प्रजाति किसकी है? भेड़ की। मैरिनो एक भेड़ है तो सर्वाधिक ऊन इसी से मिलता है। गी क्या है? गी बकरी की एक प्रजाति है। बकरी के ऊन के लिए सुप्रसिद्ध है पश्मीना, पश्मीना की शॉल बड़ी फेमस होती है। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है? खरगोश से। यहाँ पे अलग अलग चीजें हैं, दो चीजें, अंगोरा नाम की चूंकि बकरी भी पाई जाती है, एनसीईआरटी में भी खरगोश दिया है, तो खरगोश से भी हो सकता है, ऑप्शन में बकरी नहीं था इसलिए, लेकिन होना चाहिए जो है अंगोरा यून खरगोश से ही सही यही है, लेकिन बकरी भी दे तो गड़बड़ नहीं। अगर ऑप्शन में ना कोई मैच हो, बकरी हो, तो बकरी आप लगा दीजिएगा। सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की कौन सी नस्ल है? जमुनापारी है। विश्व में दूध की रानी की उपमा किस बकरी की नस्ल को दी गई है? सानिन को। अगर इस प्रश्न का उत्तर आपको देखना ही है कहीं तो एनसीईआरटी साइंस की उठाइएगा, सेवेंथ क्लास की आपको मिल जाएगा, सेवेंथ क्लास की एनसीईआरटी साइंस की जो है उसमें आपको ये खरगोश देखने को मिल जाएगा। औसतन एक सुअर कितने बच्चे देती है? 4-5। टामवर्थ किसकी नस्ल है? सुअर की। संसार में सुअरों की सर्वाधिक संख्या चीन में है। बकरी की गर्भावधि जो है वो 150 दिन है। कार्निस हाइट लेग हॉर्न मिनोरका बसरा विश्व में सर्वाधिक अंडा उत्पादन हेतु मुर्गी की कौन सी नस्ल है? तो व्हाइट लेग हॉर्न है, व्हाइट लेग हॉर्न है। मछली मांस, बकरी मांस, दूध तथा अंडा में किसका जैविक मूल्य सबसे अधिक होता है? अंडा का, अंडे का और दूध का बराबर होता है। दूध की जब बात की जाती है तो खासकर माता के दूध की बात की जाती है, अगर उसकी वैल्यू आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा है, उसके बराबर कोई चीज निकल के थोड़ा बहुत आती है, सोयाबीन का दूध आता है। अगर जानवरों के दूध की बात करें तो जो जानवर बच्चा जिस दिन दिया होता है उसका पहला दूध जो होता है उसकी जो है बायोलॉजिकल वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, जैविक मूल्य बहुत ज्यादा होता है। बहरहाल इसमें से अंडे का। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान या उष्ट अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? बीकानेर में। डांगर बैंक कहाँ है? उत्तरी सागर में, आप इसको वर्ल्ड ज्योग्राफी में देख चुके हैं, बीकानेर में उत्तरी सागर, ये क्या कह दिया, ये गड़बड़ हो गया है, इसको हटा दीजिएगा। ये गाय की किस्म है साहिवाल। विश्व में सर्वाधिक रेशम का प्रचलन कहाँ माना जाता है? चीन में। समुद्री झींगा जिसको लोबस्टर बोलते हैं, एरेक्निड, क्रस्टेशियन कीट और मिरियोपॉड में किस एक वर्ग का जीव है? तो क्रस्टेशियन का है, समुद्री झींगा, ध्यान रखिएगा। दूध उत्पादक जो अवरोही क्रम है सबसे अधिक भारत करता है, फिर यूएसए करता है, नंबर एक भारत, फिर यूएसए, फिर पाकिस्तान।
भारत के शीर्ष तीन मछली उत्पादक राज्यों का जो अवरोही क्रम है, पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा है गुजरात। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। 2021 में विश्व में कुल दुग्ध उत्पादन में भारत कितना प्रतिशत उत्पादित किया है पूरे विश्व में, तो 23.3% उत्पादक के साथ नंबर एक स्थान पर भारत है दूध उत्पादन में। मछली पालन का योगदान जीबीए में 2018-19 में 7.28% था, नया डेटा बाद में इसका मिलेगा आपको। भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान जो है, विज्ञान कहाँ पे है, बरेली में है। पशु दी है, नस्ल दी है, भैंस की भदावरी है, गाय की थारपारकर है, बकरी की जमुनापारी है, भेड़ की लोही है। किसमें है ये, ऊपर भी आप देख चुके हैं। चावल का देखिए उत्पादन भारत दिया है, चावल का उत्पादन सबसे अधिक पश्चिम बंगाल, फिर उत्तर प्रदेश, फिर पंजाब। गेहूं का उत्तर प्रदेश करता है, मध्य प्रदेश करता है, पंजाब करता है। नंबर एक दो तीन क्रम सभी के लिखे हुए हैं, ध्यान रखिएगा। मक्का का कर्नाटक, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। ज्वार का महाराष्ट्र करता है, कर्नाटक करता है, फिर राजस्थान करता है। अगला है बाजरा, बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान, फिर उत्तर प्रदेश, फिर हरियाणा। मोटा अनाज कर्नाटक सबसे अधिक, फिर राजस्थान, फिर महाराष्ट्र। चना में महाराष्ट्र है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर राजस्थान है। तूर यानी अरहर में महाराष्ट्र नंबर एक पे है, कर्नाटक है, तीसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश का जरूर याद कर लीजिएगा। कुल दालों में मध्य प्रदेश नंबर एक पे है, फिर महाराष्ट्र है, फिर राजस्थान का नंबर आता है। कुल खाद्यान्न में उत्तर प्रदेश नंबर एक पर है, मध्य प्रदेश है, फिर पंजाब है, दो और तीन, ये जरूर याद कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। तिलहन उत्पादन जल्दी से देख लीजिए, एक दो तीन क्रम। मूंगफली क्रम से ही लिखा है, चाहे दो क्रम लिखा हो चाहे तीन क्रम लिखा हो। मूंगफली गुजरात, फिर राजस्थान, फिर तमिलनाडु। रेस्पीड और सरसों को देखेंगे तो राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर हरियाणा। सोयाबीन महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, फिर राजस्थान है। सूरजमुखी में कर्नाटक है, तेलंगाना है, फिर उड़ीसा है। कुल तिलहन में राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर गुजरात। गन्ना उत्पादन सबसे अधिक उत्तर प्रदेश है। कपास सबसे अधिक उत्तर प्रदेश है। जूट एवं मेस्टा है, ये जूट लिख लीजिए, जूट एवं मेस्टा पश्चिम बंगाल सर्वाधिक उत्पादक करता है गंगा की तलहटी में। यहां पे शीर्ष जो देखिए तीन चीजें दी हुई हैं, आपको बड़ा करके दिखा देते हैं। उत्पादन है, फिर शीर्ष आयात कौन करता है, खरीदता कौन है, और सबसे ज्यादा बेचता कौन है, वो दिया है। ठीक है, जैसे चावल है, चावल सबसे अधिक उत्पादन चीन करता है, दूसरे नंबर पे भारत है। जिसका नंबर भारत कहीं कहीं दिया है वो हमने दे दिया है, अगर भारत के चार पांच छह क्रम में आ रहा है तो मैंने दिया है। तो चावल में नंबर एक चीन है, फिर भारत है, शीर्ष आयात खरीदता भी चीन ही है, और निर्यात सबसे अधिक भारत करता है। 2021-22 का आंकड़ा है ये, कोई आंकड़ा संशोधित होगा तो कमेंट के शीर्ष पे डाल दिया जाएगा पिन करके, तो देख लीजिएगा, लेकिन अभी चेंज नहीं होना है, मुश्किल है कि 11 फरवरी तक चेंज हो। गेहूं सर्वाधिक चीन करता है, आयात इंडोनेशिया गेहूं का करता है, रूसी संघ जो है सबसे अधिक निर्यात करता है। मक्का में नंबर एक अमेरिका है, और चीन सबसे अधिक मक्का आयात करता है, और संयुक्त राज्य अमेरिका शीर्ष निर्यात करता है। अगर जौ आप देखेंगे तो रूस नंबर एक पे है, चीन जो है आयात सबसे अधिक, ऑस्ट्रेलिया सबसे अधिक निर्यात। ज्वार में अमेरिका उत्पादन नंबर एक है, चीन इसको सबसे ज्यादा आयात करता है, संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे अधिक निर्यात करता है। दाल भारत सबसे ज्यादा उत्पादित करता है, भारत आयात भी करता है। मूंगफली नंबर एक पे चीन है, नंबर दो पे भारत है उत्पादन में, चीन सबसे अधिक आयात करता है, संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे अधिक निर्यात करता है। सोयाबीन ब्राजील नंबर एक पे है, पांचवें नंबर उत्पादन में भारत है, तो यहां पे पांचवा नंबर ध्यान रखिएगा। चीन जो है सबसे अधिक आयात, और ब्राजील सबसे ज्यादा निर्यात करता है। सूरजमुखी बीज आप देखेंगे तो यूक्रेन सबसे अधिक उत्पादन करता है, तुर्की सबसे ज्यादा आयात करता है, रोमानिया सबसे ज्यादा निर्यात करता है। रेस्पीड में कनाडा नंबर एक है उत्पादन में, यूएसए सबसे ज्यादा क्या करता है, आयात, और कनाडा सबसे अधिक निर्यात। गन्ना सबसे अधिक ब्राजील उत्पादित करता है, दूसरे नंबर पे भारत है, तो भारत को स्टार बना के याद कर लीजिएगा। चीन सबसे अधिक जो है गन्ने का वो आयात करता है, और मोरक्को सबसे अधिक निर्यात करता है। चाय में चीन नंबर एक है, भारत दूसरे नंबर पे है। पाकिस्तान सबसे अधिक चाय आयात करता है, चीन जो है मात्रा के अनुसार सबसे खरीदता है, और मूल्य अनुसार देखेंगे तो केन्या है निर्यात में। काफी सबसे अधिक ब्राजील, और संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे ज्यादा आयात करता है, और ब्राजील सबसे ज्यादा जो है बेचता है यानी निर्यात करता है। तंबाकू,
चीन नंबर एक पे, भारत दो पे है, निर्यात आयात सबसे ज्यादा चीन करता है, निर्यात सबसे ज्यादा ब्राजील करता है। प्राकृतिक रबर थाईलैंड पांचवें नंबर पे भारत है, मलेशिया सबसे ज्यादा आयात करता है, थाईलैंड निर्यात करता है। नारियल में इंडोनेशिया नंबर एक पे है, भारत नंबर तीन उत्पादन पे है, चीन सबसे ज्यादा आयात करता है, थाईलैंड सबसे ज्यादा निर्यात करता है। आइए विश्व देखिए, यहां पे जो फल उत्पादन दिया है, पहले भारत के राज्य दिए हैं, फिर विश्व उत्पादन साथ में दे दिया गया। जैसे आम है सबसे अधिक उत्तर प्रदेश है, लेकिन यहां पे एक चीज चेंज है, जो आम उत्तर प्रदेश उत्पादन है वो 2020-21 का डेटा है, 2021-22 का जो थर्ड एई का डेटा है उसमें आंध्र प्रदेश नंबर एक पे है। तो प्रश्न के पूछने के हिसाब से उत्तर लगाइएगा, अगर थर्ड एई दे 2021-22 का तो आपको लगा देना है आंध्र प्रदेश, नहीं तो उत्तर प्रदेश। और सबसे अधिक आम का उत्पादन भारत करता है, केला में नंबर एक राज्य आंध्र प्रदेश और सबसे अधिक भारत करता है, अंगूर में नंबर एक महाराष्ट्र है, चीन सबसे अधिक उत्पादन करता है विश्व में, भारत में अमरूद उत्तर प्रदेश सबसे अधिक और भारत अमरूद का सबसे अधिक उत्पादन करता है, अनानास में भारत में पश्चिम बंगाल है और कोस्टारिका विश्व में उत्पादन करता है, नारियल में केरल सबसे अधिक करता है, लेकिन 2020-21 का आंकड़ा है, 2021-22 का थर्ड ए का आंकड़ा जो मिनिस्ट्री द्वारा जारी किया गया आप देखेंगे तो कर्नाटक नंबर एक पे है। अनार सबसे अधिक महाराष्ट्र करता है और उज्बेकिस्तान विश्व में सबसे अधिक उत्पादन करता है, अखरोट में जम्मू कश्मीर है, चीन विश्व में है, काजू में महाराष्ट्र है, ध्यान रखिएगा, कोटे दी आइवरी है नंबर एक पे, उसके बाद नंबर दो पे काजू उत्पादन में भारत आ जाता है। बादाम जम्मू कश्मीर, बादाम सबसे अधिक भारत में जम्मू कश्मीर, यूएसए शीर्ष मतलब विश्व में शीर्ष स्थान पे है उत्पादन में, जबकि शीर्ष आयात बादाम का कौन करता है, भारत करता है, भारत के लोग ज्यादा बादाम खाते हैं तब भी बुद्धि कम है। पपीता आंध्र प्रदेश है, भारत नंबर एक है, सेब जम्मू कश्मीर नंबर एक भारत में और चीन विश्व में, खरबूज उत्तर प्रदेश है, संतरा मध्य प्रदेश है, विश्व में ब्राजील है, दूसरे नंबर संतरा भारत है, मौसमी या मौसमी बोलते हैं या मौसमी बोलते हैं आंध्र प्रदेश है, नींबू आंध्र प्रदेश है, भारत सबसे अधिक नींबू उत्पादन करता है, तरबूज उत्तर प्रदेश है, चीन सबसे अधिक, तीसरे नंबर पे तरबूज में भारत है। शीर्ष सब्जी उत्पादक 2021-22 के आंकड़ा देखेंगे, उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा सब्जी उत्पादन करता है, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद आंध्र प्रदेश, ये आंकड़ा जो है 2021-22 के थर्ड ए के अनुसार है, 2020-21 में यहां लिख दिया है पश्चिम बंगाल सब्जी उत्पादन में नंबर एक पर था, आंकड़ा जरूर देख लीजिएगा कि 2021 पूछ रहा है या 21-22। विश्व में सबसे सब्जी उत्पादन में चीन नंबर एक है, भारत दूसरे नंबर पे है, तीसरे पे यूएसए है, चौथे पे ब्राजील है। शीर्ष उत्पादन 2021-22 के अनुसार बता रहे हैं, मटर उत्तर प्रदेश करता है, आलू उत्तर प्रदेश, पत्ता गोभी पश्चिम बंगाल, फूल गोभी पश्चिम बंगाल, भिंडी गुजरात, अदरक जो है कर्नाटक। प्याज सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है, कई बार मेंस में तो खूब पूछा गया, महाराष्ट्र टमाटर, मध्य प्रदेश लहसुन, मध्य प्रदेश बैगन, पश्चिम बंगाल शकरकंद, उड़ीसा। प्याज का सर्वाधिक उत्पादन आप देखोगे भारत करता है, दूसरे नंबर पे चीन है, तीसरे नंबर पे मिस्र है। ठीक, आगे चले, लहसुन का सर्वाधिक उत्पादक चीन करता है, दूसरे नंबर पे भारत है, ये ध्यान रखिएगा लहसुन में। अगला देखिए, बैगन सबसे अधिक चीन है, आलू चीन है, मटर चीन है, फूलगोभी चीन है, शकरकंद चीन है, अदरक भारत करता है। प्याज सबसे अधिक भारत करता है, भिंडी सबसे अधिक भारत करता है। मसाला उत्पादन देख लीजिए जल्दी से एक बार फटाफट, विश्व भारत मसाले का सबसे बड़ा उत्पादक है, उपभोक्ता है और मूल्य के अनुसार निर्यातक राष्ट्र है, ध्यान रखिएगा, मसाला में विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है, उपभोक्ता है मतलब खाता भी है, मूल्य के अनुसार अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा निर्यातक राष्ट्र है। निर्यातक राष्ट्र अगर आप मूल्य के अनुसार देखेंगे तो भारत नंबर एक पे मसाले का, फिर चीन है, फिर तुर्की। शीर्ष आयात कौन करता है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे ज्यादा मसाले का आयात करता है, जो खूब प्रचार करता है कि मसाला मत खाओ, ये है वो है, सऊदी अरब है, फिर जर्मनी है। मसाले में काली मिर्च कर्नाटक का से, काली मिर्च का से कर्नाटक, छोटी इलायची केरल उत्पादन सबसे अधिक, बड़ी इलायची का सिक्किम सबसे अधिक, मिर्च का आंध्र प्रदेश करता है। हल्दी सबसे अधिक उत्पादन तेलंगाना में होता है, लेकिन 2021 का आंकड़ा यह है, ध्यान रखिएगा 2021 का है, 21-22 के थर्ड ए के अनुसार महाराष्ट्र हो गया है हल्दी में।
जो बदले होते हैं उन पे ज्यादा फोकस करिएगा। जीरा सबसे अधिक गुजरात, लौंग जो है लौंग है ये तमिलनाडु, अदरक सबसे अधिक कर्नाटक है, लेकिन थर्ड ए के अनुसार क्या हो जाएगा मध्य प्रदेश, धनिया सबसे अधिक मध्य प्रदेश, फूल उत्पादन जो खुले हुए फूल लूज फूल जो होते हैं तमिलनाडु करता है, मध्य प्रदेश फिर कर्नाटक, कतरे हुए कट वाले जो फूल होते हैं पश्चिम बंगाल फिर कर्नाटक फिर छत्तीसगढ़। विश्व में फूल उत्पादन सबसे अधिक नीदरलैंड, फिर कोलंबिया, फिर इक्वाडोर करता है, एक याद कर लीजिएगा, पहला नीदरलैंड पर्याप्त है। उत्तर प्रदेश में 2015-16 में जो जोते थी किस हिसाब से, सीमांत जोत 80.18% था सीमांत, जो जो एक हेक्टेयर से कम होता है, एक उत्तर प्रदेश में 2015-16 में जो जोत थे उनका प्रतिशत क्या था, जैसे सीमांत जोत है ये जो है एक हेक्टेयर से कम जो जोत होती है उनको कहा जाता है 80.18%, लघु का 15-16 में 12.63, ये नवीनतम डेटा, इसके बाद डेटा जो आएगा अगर कोई आता है तो दिया जाएगा आपको, नहीं तो यही है। अर्ध मध्यम में 5.51%, मध्यम जो है मध्यम है ये 1.58, और बृहत आकार जो 10 हेक्टेयर से अधिक होता है 0.10 क्रियाशील जोतों का प्रतिशत है। उत्तर 2015-16 देश में कुल जो 1.572 मिलियन हेक्टेयर परिचालित क्षेत्र हैं, जिसमें सबसे अधिक राजस्थान का योगदान है, फिर महाराष्ट्र का, फिर तीसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश का है। क्रियाशील जोतों के आधार पर देखेंगे तो मध्य प्रदेश सबसे अधिक है, फिर आंध्र प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। भैंसों की संख्या सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में है, गाय के दूध का उत्पादन सबसे अधिक संयुक्त राज्य अमेरिका में है, उसके बाद भारत का नंबर आता है। भैंस के दूध का उत्पादन सबसे अधिक भारत में होता है, भारत में सबसे अधिक भैंस के दूध का उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है, शीर्ष बकरी पशुधन जो है राजस्थान में है, गाय और बैल की संख्या के स्थान पर भारत नंबर एक है, उसके बाद गाय और बैल जोड़ के भारत नंबर एक है, फिर ब्राजील है। शीर्ष ऊन उत्पादक चीन है, ऑस्ट्रेलिया है, फिर न्यूजीलैंड है 2021 के अनुसार। शीर्ष ऊन उत्पादन भारत में राजस्थान, जम्मू कश्मीर, फिर तेलंगाना। सर्वाधिक पशुधन संख्या उत्तर प्रदेश में है, फिर राजस्थान में है, फिर मध्य प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा। शीर्ष मधु उत्पादन जो होता है, शहद जिसको बोलते हैं, उत्तर प्रदेश नंबर एक पे है, फिर पश्चिम बंगाल, फिर पंजाब। मधु का जो संगठन होता है, शहद का जो संगठन होता है, उसमें शर्करा होती है 78%, जिसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है, जल 17%, एंजाइम खनिज 5% होते हैं। मधु उत्पादक राष्ट्र में चीन सबसे एक, फिर तुर्की, फिर छठवें नंबर पे भारत है, 6 लिखा है वहाँ। समुद्री मछली उत्पादक 2019-20 में देखेंगे गुजरात है, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश है। अंतरदेशीय ये समुद्री मछली है, उसके बाद अंतरदेशीय जो मछली उत्पादक है उसमें आंध्र प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, दोनों का एक एक क्रम जरूर याद कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। सबसे अधिक मछली निर्यात करता है चीन, फिर छठवें नंबर पर भारत। सबसे अधिक मछली आयात करता है संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत में रेशम की किस्में जो ज्ञात हैं उसमें मालबरी है, ट्रॉपिकल टसर है, ओक टसर है, ईरी मूंगा है। प्राकृतिक रेशम उत्पादन जो होता है सबसे अधिक कर्नाटक करता है, फिर आंध्र प्रदेश, फिर आसाम। टसर सर्वाधिक झारखंड में, ईरी रेशम आसाम में, मूंगा रेशम आसाम में, और सहतूत रेशम सबसे अधिक कर्नाटक उत्पादित करता है। कुल पारिस्थितिकी क्षेत्र भारत में कुल 21 पर्यावरणीय क्षेत्रों में बांटा गया है। भारत में कृषि जलवायु क्षेत्र 15 है, उत्तर प्रदेश में पारिस्थितिकी क्षेत्र 20 है, कृषि जलवायु क्षेत्र 9 है, कुल मृदा समूह क्षेत्र 8 है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।